देर बाद में आता है, दोनों करनी है ना, दोनों हो गया। यस हाँ भाई, गुड इवनिंग। आवाज वगैरह देखियो साफ आ रही है कि, आवाज साफ आ रही है? यस एक मिनट, सारे लाइक एंड शेयर कर दो भी। अज आप वधिया क्लास मतलब लैके जा रहे हैं, अज की क्लास तो बाद देखो कल सुन लो। अज मैं जिन्ना सिलेबस हैगा इंपोर्टेंट टॉपिक जोड़े है, पहले तो अब आप करते हैं भी एक तो सारा सिलेबस जोड़ा सिलेबस अपना हैगा वो सारा सिलेबस आप कर लेंगे, ठीक है? वैसे ही आ रहा, कोई दिक्कत वाली, ठीक है। गुड इवनिंग भी, आवाज़ वगैरह साफ आ रही है? ये एक अज अज की क्लास तो बाद कल की क्लास च ना आप एम सी क्यूज करवाऊंगा तुम्हें। मैं एम सी क्यूज मतलब एक है अपने 1000 एम सी क्यूज है पेपर तक, हूँ आप 1000 के लगभग एम सी क्यूज करा भी, ठीक है? डेली लगभग 100-200 एवें करके चलेंगे, ठीक है? सत श्रीकाल भी सारों, तो क्लास में लाइक एंड शेयर कर दो, सारे जने आ जाओ। कृष्ण खत्री भी वाह भी वाह क्या बात है, तो बाकी वैरी गुड भी, सारे बच्चे वधिया तैयारी करके बैठे आ, तो पेपर आप सारे ने पास करना ही करना, मतलब किसी हालात के बीच भी कोई भी एवें का मतलब कोई भी एक्सक्यूज नहीं। हाँ आवाज़ सही आ रही है, की कह रहे हैं? आवाज़ का कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ना, ना सही है। चलो भी तो हूँ आप करांगे रजे, अपना टारगेट की है? अपना टारगेट हूँ पी स्टेट, तो पी स्टेट हैगा भी अपन पता ही है, पी स्टेट पास करने के जमा नेड़े ही है, मतलब पी स्टेट तुम समझो पास ही है, ये कोई टेंशन वाली गल नहीं हैगी। देखो कल भी रात भी मेरी जी है क्लास किन्ने अद्धी रात तो भी ज़्यादा तक क्लास लगी सी, तो मैं इधरों एस एस टी सारी कराती भी गुरु के ऐप से सारी एस एस टी करा दी है, तो आज ई वी एस की क्लास भी ऐप से लगी है। तो चलो कर रहे रजे आप डिस्कस पॉइंट, देखो पहला सब तो पहला आप स्टार्ट कर रहे हैं, मेन टॉपिक करूँगा अब मैं, है ना? एक वर्ड लिखांगे आप रेनफोर्सर, रेनफोर्सर एक वर्ड लिखांगे आप रेनफोर्समेंट, एक वर्ड लिखांगे आप स्टिमुलस, बस और ना छोड़ो, और ना छोड़ो, बस चलन दो, ये अपने आप ही है। हाँ ई टी टी का पेपर टफ सीगा हरप्रीत कौर, कोई नहीं रजे पेपर तो ये भी टफ, जे टफ का मतलब ये है भी आप पढ़िया नहीं सीगा, टफ का मतलब ये नहीं है। ई वी एस यूट्यूब पर करा दूंगा रजे, कोई गल नहीं हैगी। हाँ नवी कंबोज यूट्यूब पर करवा दूंगा, यस ठीक है। चलो तो एक हो जूगा रिस्पोंस, रिस्पोंस फिर आप एक गल करते हैं मोटिव, एक गल करांगे मोटिवेशन, एक ना मोटिवेशन बारे भी तुहानू मैसलो की थ्योरी बारे भी थोड़ा जिहा होर मैं तुहानू दसूंगा। एच टेट च एक क्वेश्चन आया सीगा, यस वी वेरी गुड, अज का एग्जाम देख के टेंशन हो रही है, कोई गल नहीं हैगी आजाद सिंह, टेंशन क्यों लैनी आप, अज का एग्जाम दे के आयो आप, अपना टेंशन इस करके मतलब पेपर पता की है, जे तुहानू करिया होगा ना पेपर वो सौखा लगता है, पेपर औखा नहीं सीगा, पेपर एक्चुअली पढ़ाया नहीं सीगा, पढ़ा तो तुम्हें पता ही किमें लोग किमें पढ़ा रहे, मतलब टाइम पास जी कर रहे हैं, तो पढ़ाने से दिक्कत है, दिक्कत पेपर च नहीं है कि पेपर तो उन्होंने अपने हिसाब ना ही पाना है ना। तो यस भाई लाइक एंड शेयर कर दो, वेरी गुड भी, रेनफोर्समेंट रेनफोर्सर स्टिमुलस रिस्पोंस मोटिव मोटिवेशन वेरी गुड भी, गुरसाहिब सिंह ने सारे लिखते, पहले आ करांगे फिर आप मैं तुम टॉपिक करूँगा शड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। चलो ये बारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं विचाले विचाले, जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते उन्होंने बारे आप डिस्कस करांगे, क्वेश्चन विचाले मतलब घुमा के जी क्वेश्चन आ जाते उन्होंने बारे आप डिस्कस करांगे। तो चलो पहला आप करते हैं, सब तो पहली कहानी की होगी, सब तो पहली कहानी इतने लिख लो तुम नीड्स एंड डिजायर्स, सब तो पहले तो अपना पंगा किन्ने पाया है, नीड्स एंड डिजायर्स नहीं पाया, नीड्स एंड डिजायर्स, तो नीड्स एंड डिजायर्स खत्म कितने होगी जाके, ये डिवेलपमेंट से खत्म होगी, जे नीड्स एंड डिजायर्स नूं आपां पूरा करांगे तो ये सानूं डिवेलपमेंट वल लैके जाऊगी। बाकी सारी प्रोसैस जिहड़ी हैगी है, एजुकेशन हो गया आपां जिहड़ी एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन होगी ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगी ट्रेनिंग होगी, अपना एक्सपीरियंस हो गया, ये सारिया जिहड़ियां चीज़ां हैगियां ये सानूं डिवेलपमेंट वल लैके जा रही हैं, मतलब ये विचाले आणगियां, इहदे विचाले होणगे, ठीक है? तो पंगा सारा नीड्स एंड डिजायर्स ने पाया, तो लास्ट तो आप कितने जाओगे नीड्स एंड पी स्टेट भी औखा आऊगा, पी स्टेट गुरसाहिब सिंह औखा नहीं आऊगा, तुसी करिया होगा भावें औखा आ जाए,
ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਅਮਨਦੀਪ ਜੇਠੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਛਾਪੇ, ਆਪਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਪਤਾ ਕੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਕੰਨ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੋਊਗੀ, ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਹੋਜੂਗੀ ਇਨਨੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਨੇਟ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਇਨਨੇਟ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਨਨੇਟ ਹੋਜੂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੋਜੂਗਾ ਫਿਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੋਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੀਡਸ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੀਡਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, 1000 ਲਾਈਕ ਬਈ, 1000 ਵਾਈ, 1000 ਤੇ ਚੱਕ ਦਿਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਹੋਜੂਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੋਜੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਕਵਾਇਰ, ਅਕਵਾਇਰ ਨੀਡਸ ਹੋਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੀਡਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੀਡਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੀਡਸ ਹੋਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਬਸ, ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੀਡਸ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਡਸ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਈਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਈਕੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਕੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਕੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਯੈਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ 2-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ SST ਲਗਭਗ 80% SST ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਰਾਤ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਉ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਇਨਨੇਟ ਨੀਡਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਜੂਗੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਭੁੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਪਿਆਸ ਹੋਜੂਗੀ, ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਨੀਂਦ, ਨੀਂਦ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਨੇਟ ਨੀਡਸ ਹੋਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਨੇਟ ਹੋਜੂਗੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨਨੇਟ ਨੀਡਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨੀਡਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਜੂਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਆਪਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੀਡਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੋਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਯੈਸ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈੱਨ ਦੇ ਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਓ, ਪੈੱਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੈੱਨ ਕੀ ਆ ਬਈ,
सेकेंडरी एक प्राइमरी नीड्स है, पेन केड़ी नीड्स नु पूरा कर रहे हैं, सेकेंडरी नु पूरा कर रहे हैं, प्राइमरी नीड्स नु पूरा कर रहे पेन सेकेंडरी नीड्स नु पूरा कर रहे हैं, प्राइमरी नीड्स नु पूरा कर रहे हैं, दस्यो मैंने फटाफट भाई, जिहड़ा पेन है वो सेकेंडरी नीड्स नु पूरा कर रहे हैं, प्राइमरी नीड्स नु पूरा कर रहे हैं, ठीक है। पेन किनू नीड्स केड़ी नीड्स नु पूरा कर रहे हैं, पेन सेकेंडरी नीड्स नु। देखो बच्चे नु जन्म लेंदे ही प्यास लगन लग जूगी, भुख लगन लग जूगी, नींद भी आऊगी, सेक्सुअल डिजायर्स जन्म दे नाल जुड़ी होगी, हवा की जरूरत जन्म दे नाल जुड़ी होगी। बट बच्चा जो दूसरे घर च जाता है, देखो गल सुनो, आपां नू की सीगा, आपां चंगा भला वधिया कपड़े पा रहे हैं, वधिया खा रहे हैं, अपना काम वधिया चल रहा सी राजे, दिक्कत कदों आई, जो पड़ोस च कोई जॉब लग गया, पड़ोस च लग गया सरकारी टीचर कोई, या अपने रिश्तेदारी च कोई बहू लग गई सरकारी टीचर, पंगा उन्होंने पाता, ता करके आप पढ़ रहे हैं, है ना। नहीं तो आप आराम नाल खा पी के बैठ बैठे सीगे, ते वो जॉब लग गई, पड़ोसियों की कुड़ी जॉब लग गई, पड़ोसियों की नूह जॉब लग गई, उन्होंने नहीं टिकन देना, उन्होंने फिर की किया, उन्होंने कहा आप अपने घरद्या तो अपने घरद्या ने ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਜੂਗੀ। ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਬਈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੋਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਟਿਮੂਲਸ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਈ ਸੁਣੀ ਓਏ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਪੰਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲ ਦੋ ਚੱਲ ਦੋ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਪਾਪੜ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਗੱਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਜੂਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਜੂਗਾ ਐਪੇਟੇਟਿਵ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਐਪੇਟੇਟਿਵ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਜੂਗਾ ਅਵਰਜਿਵ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਯੈਸ, ਦੇਖੋ ਐਪੇਟੇਟਿਵ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਣਗੇ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਜੂਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਐਪੇਟੇਟਿਵ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਵਰਜਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਰਜਿਵ ਨੇ, ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਨੇਜਰ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੇਬਾ ਬੇਟਾ ਪਤੰਜਲੀ ਘੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਅਵਰਜੀਵ ਹੋਜੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਡ ਬੈਡ ਅਵਰਜੀਵ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਜੂਗਾ ਐਪੇਟੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਟਾਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੱਸ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਅਵਰਜੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਪੇਟੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ, ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਐਪੇਟੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਅਵਰਜੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ, ਐਪੇਟੇਟਿਵ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਐਪੇਟੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪੇਟੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ,
बिना रिस्पॉन्स दे स्टिमुलस नहीं बनूगा, रिस्पॉन्स करना जरूरी होगा, रिस्पॉन्स करोगे ता ही स्टिमुलस बनूगा, अदरवाइज स्टिमुलस नहीं बनूगा। यस भाई, चलो आप नेक्स्ट पॉइंट की करते हैं भाई, नेक्स्ट आप करते हैं रेनफोर्सर। रेनफोर्सर एक हो जूगा रेनफोर्सर, एक हो जूगा रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट दो चीजें है गया। रेनफोर्सर की होगा, रेनफोर्सर की होगा, यस भी दब के रखो काम नु, लाइक एंड शेयर वाला भी दब के रखो। रेनफोर्सर की होगा, तुसी एफर्ट्स किता, तानु नीड्स एंड डिजायर सीगी, तानु जरूर सीगी, नीड्स एंड डिजायर सीगी, नीड्स एंड डिजायर्स नु पूरा करन वास्ते तुसी की किता, एफर्ट्स किता, कोशिश की। ठीक है, स्पीड दस दियो मैनु, तुसी कोशिश की, वो कोशिश करन नाल तानु की फील होया, कोशिश करन नाल तानु की मिलिया, तानु की रिवॉर्ड मिलिया, ये जिहड़ा रिवॉर्ड मिलता है कोशिश करन नाल तानु की चीज मिल रही है, की गिफ्ट मिलिया कोशिश करन नाल, मतलब तुसी की अक्वायर किया कोशिश करके, कोशिश करके जिहड़ी चीज तुसी अक्वायर की, वो सारे रेनफोर्सर होणगे, सारे की होणगे रेनफोर्सर होणगे। ठीक है, रेनफोर्सर वाली कहानी समझ आ गई, रेनफोर्समेंट एंड रेनफोर्सर। रेनफोर्सर यस, एक मिनट थोड़ा ध्यान नाल सुन लो, रेनफोर्सर की होगा, रेनफोर्सर है, मैं जवाक तो क्वेश्चन पूछा, जिवें तुहाडे तो हुणे ही पूछा सीगा, तुहाडे तो हुणे ही कोई क्वेश्चन पूछा, तुसीं जवाब देता सही, शाबाश, सही जवाब दिता, तो मैं कहता शाबाश, मैं की क्या शाबाश कहता, मेरा जिहड़ा शाबाश कहना है ये की है बई, मैं तुहानूं शाबाश कहा है की है, दसो मैनू, मैं तुहानूं शाबाश कहा है की है, फटाफट, मैं तुहानूं शाबाश कहा, यह रेनफोर्सर है, इहनूं रेनफोर्सर कहांगे, यानी कि तुसीं एफर्ट्स किया, एफर्ट्स के नाल तुहानूं की मिलिया, जो मिलिया वह रेनफोर्सर हो जूगा। ठीक है, रेनफोर्सर लग गया पता, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, रेनफोर्सर देखो, यस हाँ हाँ ब्याह ते, यस इतने आप बना लैने थोड़ा जा होर, सुनीता राणी यस रेनफोर्स, एक मिनट गल सुनो बई, जो कुड़ी का विह होके जाता है, कुड़ी का विह होके गया, कुड़ी विह होके जो सहरे घर जाती है ना वड्डा सारा जूड़ा करके, यस सुनीता राणी, सुनीता राणी है भी, सुनीता राणी मैरिड अनमैरिड का मैं हूँ नहीं पूछूंगा, मैं मैरिड ही लाऊंगा, सुनीता राणी का विह हो गया, सुनीता राणी गई सहरे घर, तो सहरे घर गई तो यह सहरा घर बना दें, तो इतने इन्हों की आ किचन है ना, तो सुनीता राणी घर के बैठी आराम नाल, हुण सुनीता की सस जिहड़ी है ये हैगी है सस, सुनीता की, सुनीता की जिहड़ी सस है ये इनू कम का तो कह नहीं सकती, बट डिक्की जा रही है, डिक्की जा रही है, सुनीता ने की है, सुनीता का सिर दर्द हो रहा सीगा, सुनीता ने बना ली भी चाह, सुनीता ने किचन च जाके चाह बनाई, तो थोड़ी जी सस चाह देती सस नू भी, सस नू चाह देती, तो सस ने फिर की है खुश होकर सुनीता नू की दिता 500 रुपया, लै पुत तू तो चाह ही बड़ी स्वाद बनानी है, तो जोड़ा 500 रुपया ये रेनफोर्सर है बई, रेनफोर्सर, रेनफोर्सर की होगा, रेनफोर्सर किनू कहोंगे आप, रेनफोर्सर होगा साढ़े एफर्ट्स करने जिड़ी चीज़ सानू मिलती है उन्होंने रेनफोर्सर बोलेंगे। सुनीता 500 रुपये मिले, ये जोड़े 500 रुपये सस ने दिते रेनफोर्सर, फिर हो जूगा यदा इफेक्ट पेगा अपने, ये जोड़ा रेनफोर्सर है ना ये इफेक्ट पाता है अपने, इफेक्ट पाता है, इफेक्ट की पाऊगा जे रेनफोर्सर का इफेक्ट की पाऊगा, गल सुनो, जे रेनफोर्सर अपलाई किया सुनीता 500 रुपये दिते, सुनीता होगी खुश, चौड़ी होगी, दूजे दिन फिर इन्हें रोटी बनानी किचन च जाके भी अच्छ सस कि 2000 वाला नोट ना कट के दे दे, हाँ सुनीता चौड़ी होगी 500 रुपये लैके हवा च आ गई, इन्हें सोचा भी अज मैं सब्जी रोटी बना के खवानी है सस न बीजी है ना बीबी जी सो रोटी सब्जी बना के खवानी हाँ, तो देखो कि 500 रुपये ना मारे 1000-2000 वाला नोट ही मार दे पीले गुलाबी रंग वाला। ठीक है, तो यह की होजूगा यदा जो इफेक्ट पेगा, रेनफोर्सर का इफेक्ट, रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट की होगा, रेनफोर्सर का इफेक्ट है, समझ आ गई कहानी, रेनफोर्सर का इफेक्ट जोड़ा होगा उन्होंने आप रेनफोर्समेंट कहोंगे। रेनफोर्समेंट तो रेनफोर्सर आर डिफरेंट थिंग, दो अड अड चीज़ा है, मैं कुछ रेनफोर्सर लिख रहा, रेनफोर्सर लिख रहा कुछ, रेनफोर्सर, रेनफोर्सर की हो गया पुनिशमेंट, रेनफोर्सर हो गया पुनिशमेंट, एक रेनफोर्सर हो गया, फिर की हो जूगा प्राइज, एक रेनफोर्सर हो गया प्राइज। ठीक है,
फिर की होजूगा गिफ्ट देना की होजूगा रेनफोर्सर होजूगा होर की होजूगा बुरा बुरा कहना बैड बैड मतलब कुछ भी तुसी डांटना बच्चे नू है ना डांटना डांटना की होजूगा ये भी रेनफोर्सर होजूगा ये नैगेटिव रेनफोर्सर है इन्हों आप नैगेटिव रेनफोर्सर बोलांगे ते ये जड़ा है गिफ्ट हो गया प्राइज हो गया पैसे देना है ना शाबाश कहना ये हो जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव रेनफोर्सर पॉजिटिव रेनफोर्सर यानी कि देखो गल सुन लो पुनिशमेंट पुनिशमेंट एक नैगेटिव रेनफोर्सर है भाई पुनिशमेंट की होगी नैगेटिव रेनफोर्सर है पुनिशमेंट नैगेटिव रेनफोर्सर बोलते हैं आपू ठीक है सारे मैं इंपोर्टेंट टॉपिक ही चलाऊंगा अज कोई टॉपिक नहीं कराऊंगा मैं जिम्मे मेरे दिमाग च आते रहेंगे उ मैं टॉपिक चला जाऊंगा तुम बस देखते दे जाओ सुनते दे जाओ तो जे ना समझ आए तो रिपीट पाते जाओ ठीक है चलो आप गल करते हैं नैक्सट नैक्सट आ गया बी पॉजिटिव नैगेटिव पुनिशमेंट की होजूगा नैगेटिव रेनफोर्सर डांटना की होजूगा नैगेटिव रेनफोर्सर है ना बच्चे डांटना फटकारना नैगेटिव रेनफोर्सर होजूगा लॉस होना की होजूगा नैगेटिव रेनफोर्सर प्रॉफिट होना की होजूगा पॉजिटिव रेनफोर्सर ये सिर्फ अजे रेनफोर्सर ही है तुम्हें तो प्राइज मिलया सुनीता 500 रुपये प्राइज मिलया सुनीता खुश होगी यदा रेनफोर्सर होया रेनफोर्समेंट हुई रेनफोर्समेंट होजूगा यद असर की होया सुनीता खुश होगी दूजे दिन इन्हें फिर रोटी बना ली किचन च जाके ये बोल देंगे आप रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट तो रेनफोर्सर दोनों अड्ड अड चीज़ा ध्यान पढ़ लियो पेपर च आऊगा जोड़े पेपर च आएंगे उ मैं क्वेश्चन करवा रहा यस राजे थैंक यू ओके बई फिर आप गल करते हैं तीसरा क्वेश्चन रेनफोर्सर रेनफोर्सर तो रेनफोर्समेंट तुम्हें पता ही है अलग अलग चीज़ा दोनों कई बार रेनफोर्सर तो हो जाता पर रेनफोर्समेंट नहीं होंगी सुनीता जे भोली आ तो 500 रुपये के बदले दूजे दिन किचन च काम करूगी जे कोई चलाक कुड़ी होए तो क्या बुढ़ी ने 500 रुपये देख देख सोचती है भी कल रोटी बनावा मैं तो नहीं रोटी बना दी बुढ़ी आप ही बना लूगी है ना तेरी बेबे लिबड़ी तिबड़ी वे मैं गल नाल लांदी है तो सुनीता जे भोली है फिर तो रोटी बना लूगी तो जे भोली नहीं हैगी सुनीता चलाक है जिमें अजकल कुड़ियां मॉडर्न कुड़ियां चलाक ही होंदियां फिर वो नहीं रोटी बनाती क्यों रंग काला मेकअप का अजे तो मेकअप उतरिया ही नहीं है तो मेकअप खराब ना हो जाए किचन च पसीना आ गए तो बेबे लिबड़ी तिबड़ी के गल नाल लांदी है सुनीता दूजे दिन रोटी नहीं बनाऊगी कई बार रेनफोर्सर तो हो जाता बट रेनफोर्समेंट नहीं होंगी बट एक गल ध्यान सुनो जिहड़ा रेनफोर्सर है तो रेनफोर्समेंट है ये एफर्ट्स नाल जुड़िया होगा ये किहदे नाल जुड़िया होगा एफर्ट्स नाल जे तुसी कोशिश नहीं करोगे तो ना ही तुहानू रेनफोर्सर अप्लाई किया जा सकता तो ना ही रेनफोर्समेंट होगी ये जोड़ लियो ये काहदे नाल जुड़िया होगा यस ये रेनफोर्समेंट ना रेनफोर्सर ते रेनफोर्समेंट एफर्ट्स नाल जुड़े होंगे ठीक है बई समझ आ गई गल हुण आपां नैक्सट ते जा रहे हैं जिन्हों रिपीट पाना होए इत्थे शिंगारा सिंह जी देख बैठे आ रिपीट पा दिओ ना समझ आवे तो है ना तो चलो भी अगे नैक्सट कर रहे हैं नैक्सट की होगा आपां शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट क्वेश्चन सिट रहे अज नंबर ही सिट रहा मैं सीधे अज ना नंबर ही सिटूंगा सारे ऐ बस सामते रहो नाल नाल ऐ नंबर ही सिटी जा रहा नंबर सारे नंबर अज कोई टॉपिक नहीं कराऊंगा विचों विचों चलूगा सारा काम क्लास देखते हैं तुहाडे ते डिपेंड करती है जदों तक तुसीं बैठे रहे क्लास चलती रहूगी ठीक है भी मोटिवेशन यस एक आपां गल करते हैं हाँ थोड़ा जिहा विच होर रह गया अपना गल आपां करते हैं विच मोटिव ते मोटिवेशन होर रह गया एक गल आजूगी मोटिव है ना एक गल आजूगी मोटिवेशन ये भी दो अड्ड अड्ड चीज़ा इतने भी आप गलतियां कर दें मोटिव तो मोटिवेशन भी दो अड्ड अड्ड चीज़ा है गया। मैं तुम्हें दसिया कि अपनी नीड्स एंड डिजायर सब तो पहला अपनी की पैदा होगी नीड्स एंड डिजायर्स पैदा होगी जड़ी चीज़ नाल नीड्स एंड डिजायर्स पूरी होंगी है उन्होंने की बोल देंगे मोटिव बोलेंगे ठीक है जे अपन भुख लगी हुई है जे अपन लगी है भी भुख है ना जे भुख लगी है तो भुख भुखे बंदे वास्ते की होजूगा पीजा मोटिव होजूगा पीजा मोटिव होजूगा जिन्हें जॉब लगना हुण तुसीं बी एड करके बैठे हो तो तुहाडे वास्ते की है पी स्टेट मोटिव है ना जिहड़ी चीज़ नाल साडी जरूरत पूरी होंदी है जिहड़ी चीज़ नाल साडी जरूरत पूरी होंदी है वह होजूगा साडा मोटिव समझ आ गई गल वी मोटिव जिहड़ी चीज़ नाल साडी जरूरत पूरी होगी वह मोटिव होजूगा ठीक है मोटिव तो मोटिवेशन नूं इकट्ठा नहीं करना मोटिव अड्ड है तो मोटिवेशन अड्ड है
फिर आप गल करते हैं मोटिवेशन की बी जी गल आ गई मोटिवेशन की होगा कोई बंदा जे मोटिवेशन मतलब हो जूगा ये मोटिव की तारीफ करता है मोटिव बारे तुम दसदा कोई बंदा जो मोटिव बारे दसदा तो वह होजूगा तुहाडा मोटिवेशन मान लो तुम भुख लगी हुई है किसी बंदे नूं लग रही है भुख बोली बाली जोर की भुख लगी है तो ये इनू कोई पीजा बारे कह रहे भी पीजा मैकडोनल्ड पीजा मैं खाया सीगा जिहड़ा पीजा कुल्लड़ पीजा हुंदा वह तो वाला ही स्वाद हुंदा है ना तो उत्थों तुसीं पीजा खा के देख पीजा मैकडोनल्ड वालिआं दा पीजा खा लिया पीजा क्लब वालिआं दा चलो दो चार होर नाम दस दो तो ये मैं की दे रहा मोटिवेशन दे रहा मोटिवेशन मोटिव बारे दसना होगा जिवें मैं तुहानू की करदा रहिंदा मैं कहिंदा वी तुसीं पी स्टैट कर लो पास बई पी स्टैट पास कर लो जॉब लग जाओगे है ना तो जिहड़ीआं कुंवारियां उन्हां दे बन जाणगे नखरे है ना थोड़ा बहुत रोब तो जरूर रखूंगी साख पंद्रह जटी ने मुड़े जिहड़ीआं कुंवारियां उन्हां दे बन जाणगीआं मोजा मतलब रोब बन जूगा तो जिहड़ीआं व्याहीआं उन्हां दे देखो फिर सस फिरदी कैवें आले दुआले सस जिवें पता सस नूं वी जॉब लग गई तो फिर ससा दे सामने देखो हाँ मोटिवेशन यस रिपीट मोटिवेशन करदा मनप्रीत कौर मोटिवेशन की होगा मनप्रीत कौर सुन लो मोटिवेशन भीरे मनप्रीत कौर आ है भीरे मनप्रीत कौर नाल मैरिड अनमैरिड पा दिया करो रजे कदे अनमैरिड कुड़ी होए तो मैं मैरिड लिखदा आ मनप्रीत कौर आ भी तो मनप्रीत कौर बई मनप्रीत कौर ने बी एड कर रखी है मनप्रीत कौर ने फॉर्म भी भर रख्या इस मनप्रीत कौर मोटिवेशन दस रहा तुहानू है ना मनप्रीत कौर ने बी एड कर रखी है फॉर्म भर रख्या पी स्टैट का मनप्रीत कौर वीरे जे पेपर पी स्टैट हो गया पास तो हुणे निकलनियां जॉब काफ़ी सारी एस एस टी दी निरियां जॉबां निकलनियां तुसीं लग जाणा जॉब वीरे तो जॉब लगन तो बाद तुहाडी सस वेखो जे फिरूगी आले दुआले हाँ भी साडी सस पता की सस इको ही कंडीशन ते करू करूगी तुहाडी प्रशंसा है ना जे जॉब लग गई मनप्रीत तो फिर देखो मनप्रीत जाया करूगी स्कूटी के चश्मा ला के रेबन का कला तो इधरों फिर देखो सस नाल दी नाल मनप्रीत दे निकलदे ही सस दूजे मुहल्ले च जाके दूजिया जनानिया नूं कहा करूगी भी साडी मनप्रीत वे 70,000 रुपये लेके आंदी है ये तो पढ़ती वाला सी गई रात नूं 2-2 बजे तक क्लास लाँदी सीगी है ना तो यह हो जूगा राजे मैं मनप्रीत तुहानूं मोटिवेशन कह रहा यह मोटिवेशन समझ आ गई गल मोटिवेशन ठीक है मोटिवेशन हो जूगा भी जे तुसीं जॉब लगे तो तुहाडी देखो किन्नी रिस्पैक्ट होगी जॉब लगोगे 70,000 रुपये तुहानूं मिलणगे है ना एक समाज च रिस्पैक्ट होगी जिहड़े व्याहे मुंडे आ उन्हां दी जनानियां कदरां करन लग जाणगियां हुण तो पता ही है भी व्याहिया बंदा व्याहे मुंडिया की वाली दुर्गति होई जा रही है बेचारियां दी व्याहे जिहड़े हैगे आ बी एड बाई एड करके बैठे आ इन्हां नूं मेरी तरह कुछ तो जवाक नहीं सह लैण देंदे ते कुछ जनानियां नहीं सह लैण देंदियां भी कंजरा पड़ पुड़ के एवें वेला बैठा ते नाले फीस भी देती प्यों नूं 12,000 रुपये दे आया तो इन्हां दी वाली दुर्गति होई आ भी जे व्याहे मुंडे आ ध्यान नाल सुन लो भी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜੂਗੀ ਵਧੀਆ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ 70,000 ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਿਆ ਕਰੂਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਈ ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਯੈਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੋਟਿਵ ਤੇ ਮੋਟਿਵ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੋਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट ध्यान नाल सुन लो निरे नंबर ही सिटूंगा आज मैं नंबर ही सिटने आ सीधा पेपर मेरे को हैगा ही आ ते नंबर सिटी जा रहा ध्यान नाल सुन लो है ना चलो ठीक है भी राजे अगे हुण गल करदे शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट एक रेनफोर्समेंट किन्ने तरह का होगा भी एक रेनफोर्समेंट हो जूगा अपना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मीनस किसी ने रेनफोर्सर अपलाई किया आ गए हवा च चौड़े हो गए है ना तो होजूगा पॉजिटिव रेनफोर्सर यह होजूगा एक नैगेटिव रेनफोर्समेंट पेपर देंद्या टाइम राजे फोर्समेंट तो ई आर ध्यान सुन लो
जे ईआर होए तो समझ जो होर चीज है ते मेंट होए तो समझ जो होर चीज है ना। केड़ा राजे रेनफोर्सर गगनदीप कौर सिद्धू रेनफोर्सर होगा वीरे गगनदीप कौर सिद्धू। मैं क्वेश्चन पूछा ते तुसी जवाब देता सही जवाब दिता मैं तुहानू शाबाश कहता शाबाश रेनफोर्सर है ते इहदा असर होया भी दूजे तुसी दूजे दिन भी पढ़ के आओगे इहदा असर की होया तुसी दूजे दिन भी पढ़ के आओगे इहनू की बोलांगे आपां रेन रेनफोर्समेंट है ना। जे इहदा असर हो गया ते इहनू रेनफोर्समेंट बोलांगे ठीक है बई। चलो वैरी गुड भी चक के रखो काम नू रेनफोर्समेंट पॉजिटिव हो जूगा जेड़े चंगे वाला पॉजिटिव रेनफोर्समेंट शाबाश कहना चंगा कहना तुहानू वधिया फील हो रहा यह हो जूगा तुहाडा रेनफोर्समेंट पॉजिटिव। जे तुहानू वधिया फील नहीं हो रहा नैगेटिव फील हो रहा यह नैगेटिव रेनफोर्सर हो नैगेटिव रेनफोर्समेंट हो जूगा ठीक है। एक तो हो गया नैगेटिव रेनफोर्समेंट तो एक हो जूगा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। चलिए अगे नैगेटिव एंड मेरे नाल नैगेटिव रेनफोर्सर तो पॉजिटिव समझ गए गल। चलिए अगे एक नैगेटिव हो जूगा एक पॉजिटिव हो जूगा प्राइज मिलने नाल तुहानू वधिया फील हो रहा पॉजिटिव हो जूगा। जवाक पता होना जे जवाक दे मैडम ने थपेड़ा मारता तो जवाक नू वधिया फील नहीं हो रहा तो वह की हो जूगा नैगेटिव रेनफोर्समेंट है ना। तो मैडम मैडम दे चपेड़ा मारदी ना अजकल जवाक भी बड़े पतंदर हो गए मैडम कितने सोहनी जी मैडम थप्पड़ मारदे ना जवाक है खुश होकर खाता है ये भी कई बार कई बार नैगेटिव रेनफोर्सर अपलाई करते तो पॉजिटिव असर भी हो जाता वो दूजे दिन कंजर ने पढ़ के नहीं आना है ना। कई बार एवें भी हो जाता मान लो आज जवाक है ना तो मैडम कितने मिल गई इन कुशू कुशू वाली है ना कुशू कुशू वाली मैडम हैगी है तो यह मैडम ने मारता भी यार पढ़कर नहीं आया तू ये मारता थपेड़ा थोड़ा जा तो यह दूजे दिन कंजर ने दोबारा पढ़ के नहीं आना भी मैडम ने दोबारा हाथ मारूगी थोड़ा जा मैडम के हाथ ही बड़े कोल आ। तो कई बार नैगेटिव रेनफोर्सर का भी पॉजिटिव असर हो जाता है ना ठीक है समझ आ गई गल भी। तो असर की हो गया कल कल ठीक है नैगेटिव रेनफोर्सर तो नैगेटिव रेनफोर्सर है ना पॉजिटिव हो गया वधिया वाले नैगेटिव हो गया घटिया वाले। चलो अपन नवे तुहाडे तों क्वेश्चन पुछदा नाल नाल क्वेश्चन का रिप्लाई करो भी। यस तुसी चला रहे हो भी एक गड्डी हाँ गड्डी ते जा रहे हो तुसी गड्डी लै ली तुसी लग गए टीचर टीचर लग गए ते टीचर लगन तो बाद तुसी लियांदी गड्डी कार लियांदी वधिया वाली पता नहीं केड़ी कार है ये कार दे विच बैठा कौन बैठा भी कार दे विच बैठा है यस वंदना अमन बैठी है कार दे विच वंदना अमन दा कदे नाम नहीं आया ये वंदना वंदना बैठी है कार दे विच ठीक है बई। ते देखो एक मिनट गल सुन दो वंदना जदों कार दे विच बहिंदी है देखो एक बारी वंदना जदों कार दे विच बहिंदी है ओके कोई ना पॉजिटिव ही चलन दो बस छड़ो छड़ो चलन दो। वंदना जदों कार दे विच बहिंदी है ते कार टों टों करन लग जांदी है क्योंकि वंदना ने सीट बैल्ट नहीं लाया जे वंदना सीट बैल्ट नहीं लगांदी वंदना ने सीट बैल्ट नहीं लाया बई ते कार जिहड़ी है वह टों 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 यानी कि बर्जर बजन लग जांदा कार दे विच की बजन लग जांदा बर्जर है ना। ते ये सीट बैल्ट जदों लगा लैंदी है ते कार दा बर्जर हो जांदा बंद यह किहड़ा नैगेटिव रेनफोर्सर होगा दसो रेनफोर्समेंट किहड़ा होगा वंदना जदों सीट बैल्ट लगा लूगी तो बर्जर बंद हो जूगा तो सीट बैल्ट नहीं लगाती तो बर्जर वजद ये सायरन वजन लग जाता है ये किहड़ा रेनफोर्सर होगा रेनफोर्समेंट किहड़ा होगा दस दो मैनू है हाँ तो एग्जाम्पल लै लेंगे राजे सुखमनदीप कौर इस बारी लै लेना ठीक है हूँ एग्जाम्पल ही लैनिया नीरे अज मैं सारा काम यही चलना अपना चलो तो सीट बैल्ट ला लिया रेनफोर्सर किहड़ा हो जूगा रेनफोर्सर हो जूगा ये पॉजिटिव या नैगेटिव हुई यस नैगेटिव सुनीता राणी नैगेटिव होगा राजे नैगेटिव हूँ गल सुन लो नैगेटिव रेनफोर्सर करूगा की नैगेटिव रेनफोर्समेंट नैगेटिव रेनफोर्समेंट ने की करना है नैगेटिव रेनफोर्समेंट ने हूँ सुन लो नैगेटिव रेनफोर्समेंट का काम की होगा नैगेटिव रेनफोर्समेंट बुरे काम तो अनडिजायरेबल बिहेवियर की करती है घट करता है बुरे काम नू बैड काम नू जिहड़ा बैड फीलिंग वाला बुरे काम है उन्हूं घट करती है इनू घट करूगी डिक्रीज करूगी इनू नैगेटिव रेनफोर्समेंट ने की करना है डिक्रीज करना है किहड़े नू अनडिजायरेबल बिहेवियर नू अनडिजायरेबल बिहेवियर नू घट करूगी। पॉजिटिव रेनफोर्सर की होगा डिजायरेबल बिहेवियर नू वधाऊगा डिजायरेबल बिहेवियर नू की कर रहा है वधाऊगा ये डिजायरेबल बिहेवियर ते दवांगे पॉजिटिव रेनफोर्सर तुहानू क्वेश्चन आ जाए किहड़े बिहेवियर ते दोगे पॉजिटिव रेनफोर्सर तो तुसी कहोगे पॉजिटिव रेनफोर्सर दवांगे असी डिजायरेबल बिहेवियर ते
ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਇਨਫੋਰਸਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਇਨਫੋਰਸਰ ਦਵਾਂਗੇ ਅਨਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਇਨਫੋਰਸਰ ਨੇ ਅਨਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਇਨਫੋਰਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਬਈ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਯੈਸ ਬਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਬਈ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਹਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਇੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਗੱਡੀ ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਰਨ ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੈਣੀ ਵੰਦਨਾ ਯਾਦਵ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਯੈਸ ਯੈਸ ਬਈ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਹੋਰਨ ਆਹ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹੋਰਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੀੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹੋਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਯੈਸ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਿਖ ਲਿਓ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਿਖ ਲਿਓ ਅੰਸ਼ਿਕ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿਓ ਬਿੰਦੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਤਤ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਬਿੰਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਸੇ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਵਾਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜਵਾਕ ਆ ਹੈਗਾ ਚਿੰਟੂ ਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹਰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨੂੰ ਰੇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਤੇ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸਤਤ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਪਾਰਸਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨੀ ਸਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਹੈਗਾ ਪਿੰਦਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪਿੰਦਿਆ ਚੱਕਤਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਹਿਤਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਕਲੇਟ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਆ ਬਈ
ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਰੈਨਫੋਰਸਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਆ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਚਿੰਟੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚਿੰਟੂ ਦੇ ਚਿੰਟੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਚੋੜਾ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੋਚੂਗੀ ਚਿੰਟੂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਿਤੇ ਚੁਰਾਏ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆਈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਚੱਕ ਲਿਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 70,000 ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਮਿਲੂਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਲੋ 1500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋ 1500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗਾਣੀ ਚਲੋ ਬਈ ਹਾਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਐ ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ ਲਾਓ ਬਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਲੇਡ ਡਿਲੇਡ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਲੇਡ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਲੇਡ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹਨਾ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੁਖਦੀਪ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਟੀਚਰ ਆ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹਨਾ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟੀਚਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟੀਚਰ ਇਹ ਮੈਥ ਦੀ ਟੀਚਰ ਮੈਥ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਘਰੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਵਾਕ ਦੇ ਆ ਕੰਜਰਾ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕੀਤਾ ਯੈਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਹੈ ਬਈ ਸੁਖਦੀਪ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਕਿਹਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਤੇ ਕਹੂਗੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਹਨਾ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਡਮ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਜੂਗਾ ਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਡਿਲੇਡ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਜੂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਡਿਲੇਡ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆ ਤਕੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਨਫੋਰਸਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪੈਨ ਦੇਤਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਪੈਨ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਆਹ ਸੁੱਕੂ ਸੁੱਕੂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਸ਼ੁਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਹਨਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਯੈਸ ਇੱਕ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟਰਵਲ ਇੰਟਰਵਲ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵਲ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਟਰਵਲ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਆ ਹਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ ਸੱਤਾਂ ਛੇਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਿਕਸ ਗੈਪ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟਰਵਲ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਜੂਗਾ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਯੈਸ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀਰਤ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੀਰਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੀਰਤ ਹਨਾ ਸੀਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਸੀਰਤ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਤੇ ਸੀਰਤ ਨੇ ਕੀ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟਰਵਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ 'ਚ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟਰਵਲ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਠੀਕ ਆ ਇੰਟਰਵਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਕਸ ਇੰਟਰਵਲ ਫਿਕਸ ਇੰਟਰਵਲ ਫਿਕਸ ਇੰਟਰਵਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੰਟਰਵਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੰਟਰਵਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੰਟਰਵਲ ਹਨਾ ਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਜਮਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਥ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਯੈਸ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤੰਦਰੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੰਟਰਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਇੱਧਰ ਸੀਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੀਰਤ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਆਪਕਾ ਹੋਗਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਕ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵਿਕਰਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹਨਾ ਵਿਕਰਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਹਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਜੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੰਟਰਵਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਕਸ ਇੰਟਰਵਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਿਓ ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਆਹ ਰੋਡ ਹੈ ਹਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਯੈਸ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤਰਸੇਮ ਯੂਟਸ ਤਰਸੇਮ ਤਰਸੇਮ ਖੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਨੀਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
नीले रंग की गड्डी ब्लू कलर की कार जाने की पॉसिबिलिटी ब्लू कलर जा रही है ब्लू कलर किन्नी ब्लू कलर जाऊगी वो किहड़ा रेनफोर्समेंट होगा एक मिनट के विच किन्नी ब्लू कलर दियां कारां निकलनगियां वो किहड़ा रेनफोर्समेंट होगा वो दस दो सी रेनफोर्समेंट किहड़े शेड्यूल नूं फॉलो करांगे ब्लू कलर की कार ब्लू कलर की कार तरसेम दी लै ली एग्जाम्पल बई ब्लू कलर की कार जाने का किहड़ा होगा ब्लू कलर की हुण ब्लू कलर की कार हो सकदा एक मिनट बाद ही आ जाए एक सैकेंड बाद ही आ जाए तो हो सकता तीन दिन भी ना आए तीन दिन भी खड़ा रहे अगला है ना तो यह की होजूगा है ना यह की होजूगा यह होजूगा वेरीएबल टाइम का गैप तो होगा बट की होगा विचाले टाइम का फिक्स गैप नहीं है फिर आप गल करते हैं रजे ठीक है फिर आप थोड़ा जा मैं तुहाडे कमेंट ना मैं थोड़े थोड़े ही पढ़ूंगा रजे क्योंकि ना इधर अपना पेपर भी है तो आप सारे नंबर ही सीटने तो उस बारे गल कर रहे हैं यस तुम पता ही है हुशियार हो ही गए सारे जने वेरी गुड बे इधर हो जूगा रेशो रेशो का हिसाब किताब की होगा रेशो आप गलत सही के हिसाब न देवे जिमें पेपर के क्वेश्चन आए 150 क्वेश्चन आएंगे तो एक जवाक ने 110 क्वेश्चन करते तो 40 क्वेश्चन ये गलत सके तो 110 नंबर मिल गए यह होजूगा रेशो जिन्ना तुम कम किया रेशो रेनफोर्समेंट मिलेगी ताकि परफॉर्मेंस के बेस से परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के बेस से मिलेगा रेशो रेनफोर्समेंट कादे ते मिलेगा तुहाडी परफॉर्मेंस के बेस से मिलेगा जिनी तुसी परफॉर्मेंस कर रहे हो जिनी तुसी परफॉर्मेंस कर रहे हो उन्ना तुहानू रेनफोर्समेंट मिल जूगा यह होजूगा तुहाडा रेशो ठीक है मान लो एक बंदे ने एक महीने के विच एक महीना 30 डेज सीगे 30 डेज के विच ने किन की काम किया 20 दिन काम किया 20 डेज काम किया 10 दिन गया नहीं 10 दिन इन्हें छुट्टियां मारियां तो इनू 20 दिन की सैलरी मिल जूगी 10 की सैलरी नहीं मिलेगी यह होजूगा रेशो रेनफोर्समेंट रेशो च आप अपने काम के हिसाब न देखा अपने परफॉर्मेंस के हिसाब रेनफोर्समेंट मिलेगा यह रेनफोर्समेंट होजूगा ठीक है यह रेनफोर्समेंट की होजूगा रेशो रेनफोर्समेंट होजूगा हूँ अपना रेनफोर्समेंट वाला हो गया शड्यूल कंप्लीट बई चलो नैक्सट टॉपिक आप कर रहे हैं यस नैक्सट टॉपिक हूँ एक मैं वर्ड लिखदा ईगो सेंट्रिक हाँ दूसरा क्वेश्चन ईगो सेंट्रिक हूँ लिख लो वर्ड ईगो सेंट्रिक ईगो सेंट्रिक की होजूगा ईगो सेंट्रिक वर्ड दसो मैं फटाफट जोड़ा वर्ड लिखा अलर्ट रहो भी पूरा चाह चू पी के रखो नाल है मैं भी नाल चाह पी जा रहा स्टडी करो भी नाल लड़ना नहीं है लड़ लियो पेपर दे के लड़ लियो पेपर दे उत्थे जुंडो जुंडी हो जाओ भावें इतने नहीं लड़ना है नै हूँ लड़न का फायदा ही नहीं है जुंडो जुंडी तो होंगे नहीं फिर लड़न का फायदा की जो लड़न च स्वाद ही ना आया हाँ पंजाबियों की लड़ाई तुम्हें पता ही जो जुंडो जुंडी ना हो गालो गाली ना हो माँ भैन ना करे तो फिर स्वाद ही नहीं आता है ना तो इतने तुम एवं ही है थोड़े लड़ाई ना करो है ना लड़ाई नहीं करनी चोल मोल नहीं करनी बस पढ़ना चलो अगे ईगो सेंट्रिक वर्ड यूज किन्ने किया भाई दसो ईगो सेंट्रिक वर्ड किन्ने यूज किया ईगो सेंट्रिक प्याजे जीन प्याजे देखो मैं ईगो सेंट्रिक की गल कर रहा जीन प्याजे ने वर्ड यूज किया ईगो सेंट्रिक भी जीन प्याजे का वर्ड है ईगो सेंट्रिक कि उम्र च होगा बच्चा ईगो सेंट्रिक 2 साल तो लैके 4 साल तक ईगो सेंट्रिक च बच्चे की थिंकिंग कितों आऊगी भी थिंकिंग कितों आऊगी अपनी थिंकिंग के 2 सोर्स है आप जब वे हो गए तो अपनी थिंकिंग का सोर्स होगा बाहरी इनवायरमेंट आउटर है ना आउटर इनवायरमेंट अपनी थिंकिंग बाहर तो आ रही है अपनी थिंकिंग बाहर तो आ रही है बच्चे की थिंकिंग कितों आऊगी इनर 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 व्यू अंदर तो आ रही है बच्चे की थिंकिंग अंदर तो किमें आ रही है बई देखो गल सुनो जवाक ट्रेन च बैठा ट्रेन चलन लगी जवाक भी चलन लग गया नाल जवाक भी चलूगा जवाक चली जा रहा जवाक नूं लगूगा सारे पेड़ पौधे मेरे नाल भज्जी जा रहे ये हो जूगा बच्चे की जिहड़ी सोच है अंदरों आ रही है ईगो सेंट्रिक तो तुसीं पढ़िया पर ईगो सेंट्रिक दे विच ये वर्ड नहीं पढ़िया भी ईगो सेंट्रिक दे विच की होगा ईगो सेंट्रिक च बच्चे की सोच अंदरों आती है वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है बच्चा सैल्फ दे अकॉर्डिंग सोचूगा जवाक नूं तुसीं फड़ के एवें जवाक चक रख्या सीधा जवाक चक रख्या तो कहूगा सारे सीधे आ तो जवाक नूं चक के उल्टा करता जवाक नूं चक के उल्टा करता तो जवाक कहूगा भी आ शिंगारा सर उल्टे ही हो गए शिंगारा सर मेरे सामने ही बैठे है ना तो जवाक ने कहना सारे उल्टे हो गए उल्टे नहीं होंगे जवाक की सोच उल्टी हो जाती है जवाक की सोच अंदरों आ रही है ईगो सेंट्रिक से ठीक है बई ईगो सेंट्रिक की होगा 2 साल तो लैके
चार साल तक जवाक ईगोसेंट्रिक होगा। फिर अगे वर्ड ए ध्यान लिख लो, जवाक की सोच अंदरों आऊगी इसलिए ईगोसेंट्रिक होगा। दो चार एग्जाम्पल होर मैं लिख देना, जवाक नूं लगता है लाइक शेयर कर दो, भी लाइक शेयर करके रखो अज वाली क्लास, नंबर ही सिटी आना मैं, नंबर ही सिटी आना सारे, है ना। हुण देखो गल सुनो, गल सुनो, इसको ना छोड़ो, एक मिनट गल सुनो। जवाक ने किया, जवाक चन्न वाल देख के चल रहा है, मून वाल देख के चल रहा है, जवाक नूं लग रहा है मून मेरे नाल चल रहा है, जवाक सूरज नूं देख के चल रहा है, जवाक नूं लगूगा सूरज मेरे नाल चल रहा है, तो यह की हो जूगा, ईगोसेंट्रिक हो जूगा। ठीक है, फिर आप गल करते हैं दूसरी ईगोसेंट्रिक की, एक आजूगा एडोलेसेंस, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। एडोलेसेंस है भी, मन डोले नहीं है, एक गीत भी है हिंदी च मन डोले तन डोले। तो एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म वर्ड किन्ने यूज किया ये दसो मैनू, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, अडोलसेंस ए कराना रजे, एक मिनट रुक जाओ, प्रपोजल एनिमिज्म भी करवा देना, एनिमिज्म करवा देना, मैं ना मैं सीधा कोई यस सारा करवा दूंगा, तुम टेंशन फ्री रहो। अडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म जो वर्ड है ये किन्ने यूज किया दसो जी, अडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म, यस अडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। लगनी है रजे बंदनाम, लगनी क्यों नहीं, दस उड़ान तो हैगी है, उड़ान तो ही सारा काम उड़ान का है ना, उड़ान से क्यों नहीं क्लास लगनी, अज तो वैसे संडे वेले क्लास ला ली, इतने मैं करे हाँ, उड़ान तो लगनी है, टेंशन फ्री रहो, तुम उड़ान से भी लगूगी क्लास, उड़ान से क्यों नहीं लगनी क्लास, है ना। हाँ ओ वाह भी वाह, सिगमंड फ्राइड खा गए धोखा, तो ए ना करो भाई। अडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म वर्ड यूज किया एलकाइंड ने, मैं तुम्हें दसिया नंबर ही सीटी आना मैं अज, अडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म वर्ड किन्ने दसिया एलकाइंड ने, ये पति की कह रहे, ये कह रहे कि जवाक 11 साल तो लैके तो 13 साल तक का 14 साल तक का होगा, उदों भी ये की है 11 साल तो लैके 18 साल तक, 18 कर दो 12 तो 18, 12 साल तो लैके 18 साल तक अडोलसेंस स्टेज है, ये भी जवाक ईगोसेंट्रिक होगा, ये भी जवाक जोड़ा है ईगोसेंट्रिक होगा। एज कि होगी 18 साल, 12 साल तो लैके 18 साल तक, यानी कि एलकाइंड, एलकाइंड की कह रहा है भाई, एलकाइंड कह रहे हैं एडोलेसेंस, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म 12 साल तो लेके 18 साल तक जवाक होगा, इस उम्र के भी ईगोसेंट्रिज्म होगा, इस उम्र के ईगोसेंट्रिज्म होगा, वेरी गुड, भी एलकाइंड हो जूगा। है हाँ, पेपर भरन वास्ते, पेपर पास करने वास्ते उड़ान भरनी पेगी, तो उड़ान, उड़ान का तुम ए टेंशन फ्री रहो, उड़ान से भी क्लासा होंदिया सारिया, टेंशन फ्री रहो। चलो अगे हूँ इतने की होगा, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म से दो पॉइंट होंगे, एक हो जूगा इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजनरी ऑडियंस बोलेंगे, तो दूसरा की बोल देंगे, ये बोल देंगे परसनल फैबल, हाँ परसनल फैबल, परसनल फैबल हो जूगा। ये बच्चे दो तरह की फीलिंग होगी, एक तो हो जूगी इमेजनरी ऑडियंस, तो एक हो जूगा परसनल फैबल। एलकाइंड थ्योरी है, एलकाइंड थ्योरी करवा रहे राजे, एलकाइंड की थ्योरी, ये कह रहे कि जो बच्चा 12 साल तो लेके 18 साल का होगा, उद होगा दो तरह की फीलिंग आजगी, एक तो इमेजनरी ऑडियंस आजगी, एक हो जूगा परसनल फैबल। हूँ देखते हैं इमेजनरी ऑडियंस की है भाई, इमेजनरी ऑडियंस की होगा, इमेजनरी ऑडियंस, इमेजनरी ऑडियंस का मतलब होगा जो जवाक 12 साल तो लेके 18 साल ये एज च होगा ना, तुम देखिए होना जवाक पहले चंगा भला, जिम्मे तुम कच्छा भी पा दो तो कच्छा पा के तुरै फिर शेड जहा निकला जाता है, उवें तुरै फिर, तो जो 12 का होगा वो बाल टेढ़े टेढ़े बहन लग जूगा, टेढ़ा टेढ़ा चलन लग जूगा, है ना, है ना, तेरी तोर होगी मतवाली, तो मतवाली तोर नाल आ जूगा, वो जिवें कुशू कुशू वाली आ, उवें टेढ़े टेढ़े तोरन लग जाते जवाक, है ना, तो वो वाली टेढ़ी टेढ़ी तुरदी आ, है ना। चलो इत्थे जवाक नूं पता की लगूगा, इत्थे जवाक नूं लगूगा कि सारे लोग, सारे लोग मेरे वाल देख रहे, सारे लोग मैनू झाकी जा रहे, है ना, सारे सेंट्रल पॉइंट मैं ही हाँ, मतलब दुनिया से मैं ही बचा,
ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਮੇਜਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਹ ਸ਼ਰਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਮੰਮਾ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਡਮਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੀ ਝਾਕਣਾ ਹਨਾ ਮੈਡਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਕਿਤੇ ਮੈਡਮਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਵਾਕ ਪਿੰਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਡਮਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਆਂਸਰ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਆਂਸਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਡਮਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਟ ਦੂਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਟਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਜਵਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਜਵਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇਮੇਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇਮੇਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ 10 ਗਾਊਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਲੀਵਲੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਏ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਬਲ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਫੈਬਲ ਪਰਸਨਲ ਫੈਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਬਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਕਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਕਾਈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਲਕਾਈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਡਲਸੈਂਸ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ 'ਚ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਖਿਲੌਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਵਾਕ ਭੱਜਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬੰਬੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈ ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਮਾਰਤੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ 2-3 ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਵਾਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀੜੀ ਮਾਰਤੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਹੋਜੂਗਾ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਬਾਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ
ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਵਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਦਲ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ। ਪੇੜ ਦੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਰ ਤੜ 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 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੌਂ ਸੌਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਸਰਵ ਜੰਦਵਾ ਬਈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ, ਸਰਵ ਜੰਦਵਾ। ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਚਲੋ ਬਈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ 'ਚ, ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੱਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹੂਗਾ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਈਲ, ਬੱਦਲ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲਿਵਿੰਗ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਊਗਾ। ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਏਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬਈ ਤਰਸੇਮ, ਐਂ ਨਾ ਕਰ ਬਈ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਰਸੇਮ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਈ, ਐਂ ਨਾ 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 ਨਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਐਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਵੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਯਸ ਗਲਤ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾੜੀ ਕਰੂਗਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਬਈ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ, ਏਜ ਦੱਸਣਾ ਫਟਾਫਟ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਆ ਜੂਗੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਯੂਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ। ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਤੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂ ਲੜੋ ਨਾ ਵੀ, ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਰਸੇਮ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਐਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਘ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤਰਸੇਮ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਐਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤਰਸੇਮ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਰਸੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ 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 ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਰਾਜੇ, ਪੀ ਸਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੈਸ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ 11-13 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜੀਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਕ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਊਗਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭੂਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹੂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਕ 'ਚ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਬਈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਰਡ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਵਰਡ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿਮਿਲਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੂਗਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਹੈ ਨਾ, ਐ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਜੈਨਜੋਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਐਟੀਟਿਊਡ, ਹੈ ਨਾ,
मैं एक दिन ऑफलाइन कल पढ़ा रहा सीगा, मानसा पढ़ाना तुम्हें पता ही, मानसा गया सीगा मैं, तो ऑफलाइन गया मैं पूछा जवाकों तो भी एटीट्यूड क्यों, वो कहते सर एटीट्यूड होगा एटीट्यूड ये होगा भाई एटीट्यूड ना पता की कहते कुड़ियाँ की कहती भी एटीट्यूड की होगा, कहता जी कुड़िया ना ए करके ना जो वाली आकड़ चीज होंगी ए कर दया ए कर दया तो वो एटीट्यूड होगा, ये एटीट्यूड नहीं होगा राजे, ये तो पता ही की है किसी जुकाम लग्या हो सीण साण निकलिया हो तो सामना होंगे उन्होंने एटीट्यूड नहीं कहवागे, ठीक है भाई। तो चलो भाई हूँ आप एटीट्यूड की गल करते हैं राजे, एटीट्यूड की होगा, एटीट्यूड तुम तो कोई मैं पायो भी तेन खाने वाली चीज़ तो तुम ऑप्शन दिता जाए, हूँ मैडम का विह है ना, तुम पता ही मैडम का विह अपने है ना सिमर मैडम का, तो सिमर मैडम का विह तो आप विह से जाना, तो इन्होंने बड़ा बड़ा कुछ बना रखा मतलब 8 लाख रुपये के घट तो घट इन्होंने विह से लाए, तो देखो इतने आप जावे जे अपने कोप्शन हो जे अपने कोप्शन खाने वाली चीज़ों का तो कि चीज़ वध खावे तू कि चीज़ सब तो ज़्यादा खाओगे तो कि चीज़ सब तो घट खाओगे है ना, यानी कि तुम्हें कि चीज़ सब तो ज़्यादा पसंद है खाने के, दसो मैं खाने के चीज़ सब तो ज़्यादा पसंद है, खाने के चीज़ सब तो ज़्यादा पसंद है दस्यो मैं, खाने के सब तो ज़्यादा पसंद चीज़ कि होगी, खाने के सब तो ज़्यादा पसंद यस फटाफट पा दो भाई, हाँ चलो चॉकलेट यस, बाणी संधु, बाणी संधु बहुत दिन बाद आई भी हाँ 26 साल की कुंवारी बैठी तेरे करके हाँ मुंडे उत्ते चल दियाँ कई छब्बियाँ, हुण बाणी संधु नूं चॉकलेट पसंद आ भी हाँ, बाणी संधु नूं बाणी संधु नाम जान के रख्या कि बाणी संधु ही है नाम, चलो बाणी संधु नूं की है चॉकलेट पसंद है चॉकलेट है ना, चोक चॉकलेट लिख दो तुसीं जिवें चॉकलेट मैनूं तो लिखना ही नहीं आता, चॉकलेट ये चॉकलेट पसंद है बाणी संधु नूं, हुण देखो गल सुनो बाणी संधु खाण दे विच कि चीज़, हाँ कईयां नूं पीज़ा पसंद है, कईयां नूं पीज़ा पसंद है, कईयां नूं चॉकलेट पसंद है, कईयां नूं बर्फी पसंद है, कल मैं कुड़ी उत्थे पढ़ा रहा सीगा वह कहती जी मैनूं बर्फी पसंद है खोए वाली है ना, तो बर्फी पसंद है कहती बर्फी पसंद है, चलो जो भी पसंद हो गया यह हो गया साढ़े राजे अपना खाने वाली चीज़ प्रति एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड का मतलब की होजूगा अपना किसी परसन बारे किसी पढ़ने वाली चीज़ बारे अपने तो छड़ के बाहरी चीज़ों बारे अपने कुछ विचार बन जाते हैं, इन्होंने विचारों आप बोलेंगे एटीट्यूड, जे तुसी तुहाडे विचार वधिया हैगे आ चॉकलेट तुसी खा के देखी तो चॉकलेट तुहानू वधिया लगी तो चॉकलेट बारे तुहाडा वधिया विचार बन गया, जे तुसी कोई चीज़ खाण ते वधिया नहीं लगी, कई ने कहा जी जिहड़ा घीआ हुंदा घीआ बोलेंगे ना घीआ होगा घीआ की सब्जी वधिया नहीं लगती घीआ की सब्जी जिहड़ी है वह वधिया नहीं लगेगी, कई कहिंदे कद्दू की हाँ कद्दू की सब्जी वधिया नहीं लगती कद्दू की सब्जी वधिया नहीं लगती, यह की होगा खाने वाली चीज़ों बारे अपना एटीट्यूड होजूगा, जे खाने वाली चीज़ों बारे तुहाडा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मतलब तुसीं उस चीज़ को पसंद कर रहे हो, तो खाने वाली चीज़ों बारे तुहाडा नैगेटिव एटीट्यूड है इहदा मतलब उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, तो एटीट्यूड की आप गल करांगे राजे एटीट्यूड देख लो गल सुनो एटीट्यूड वो नहीं होगा नक ते उंगल मारना है ना, एटीट्यूड होगा कि एटीट्यूड एक्सपीरियंस नाल आऊगा एक्सपीरियंस नाल आऊगा एटीट्यूड केड़ा बच्चा कर रहा है एटीट्यूड हमेशा किवें आऊगा वो भी टर्म वाला गल सुन लो एक मिनट मैं दसदा तुहानू आई क्यू वाला वो अजकल वो ही है जिहड़ा क्वेश्चन है सीगा टर्म वाला दसदा तुहानू रुक जाओ एक मिनट गल सुन लो एटीट्यूड होगा कि एटीट्यूड कदे भी जन्म जात नहीं हो सकता इनेट नहीं हो सकता एटीट्यूड कदे भी जन्म जात नहीं हो सकता, जो बाणी संधु पैदा हुई सी चॉकलेट का पता सीगा कि चॉकलेट ने खा के देखी वधिया लग्या फिर दोबारा खा के देखी वधिया लग्या तीजी बारी खा के देखी वधिया लग्या, यानी कि वधिया एक्सपीरियंस है चॉकलेट का, चॉकलेट का वधिया एक्सपीरियंस है तो चॉकलेट बारे पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया, जे चॉकलेट बारे वधिया एक्सपीरियंस नहीं है किसी का तो वह नैगेटिव एटीट्यूड बन जूगा, तो एटीट्यूड हमेशा कितों आऊगा भी एटीट्यूड आऊगा हमेशा एक्सपीरियंस नाल, ठीक है, तो एटीट्यूड कदे भी जन्मदान जमांदरू नहीं हो सकता जमांदरू जमांदरू एटीट्यूड नहीं हो सकता जमांदरू जन्म नाल कदे भी नहीं जुड़िया हो सकता क्योंकि जवाक जो पैदा होगा ना ही तो उन्हें पीज़ा का पता सीगा ना ही उन्हें चॉकलेट का पता सीगा, ठीक है भाई एटीट्यूड कदों आऊगा एक्सपीरियंस नाल आऊगा, एटीट्यूड हमेशा और हमेशा की होगा अक्वायर्ड होगा अक्वायर्ड एटीट्यूड हमेशा और हमेशा की होगा अक्वायर्ड अर्जित किया गया एटीट्यूड नूं, फिर एटीट्यूड कितों कितों तक होगा भी एटीट्यूड होगा पॉजिटिव तो लैके तो नैगेटिव तक,
कुछ चीजा जिन्हों वधिया एक्सपीरियंस रहा जिन्हों चीजा का वधिया एक्सपीरियंस रहा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जूगा, जिन्हों चीजा वधिया एक्सपीरियंस नहीं रहा वह नैगेटिव एटीट्यूड बन जूगा, जिन्हों चीजा का वधिया एक्सपीरियंस नहीं है वह नैगेटिव एटीट्यूड है, तो जिन्हों चीजा नाल है ना जिन्हों चीजा नाल वधिया एटीट्यूड नहीं वधिया एक्सपीरियंस नहीं है वह नैगेटिव एटीट्यूड बन जूगा। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव तो नैगेटिव होगा, जीरो भी हो सकता। किसी ने मान लो नॉन वेज नहीं खाता तो उन्होंने पूछे नॉन वेज किवें लगता तो कहो ये पता नहीं भी नॉन वेज किवें दा होगा, जीरो एटीट्यूड भी हो सकता। ठीक है भी ओके। फिर आप गल करते हैं राजे नैक्सट पॉजिटिव हो गया नैगेटिव हो गया तो जीरो भी हो गया एटीट्यूड। फिर गल करते हैं एटीट्यूड स्टेबल, एटीट्यूड वैसे तो की होगा स्टेबिलिटी होगी एटीट्यूड च स्टेबिलिटी, बट इन्नी भी नहीं होंगी एटीट्यूड कह दें कंपैरेटिवली स्टेबल होगा, कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली की होगा स्टेबल होगा एटीट्यूड, ना ही तो जमा फिक्स होगा ना ही तो फिक्स कह सकते भी बदलिया नहीं जा सकता, तो ना ही एटीट्यूड एवें कह सकते हैं भी एटीट्यूड बदलिया जमा ही बदल जूगा भी एक टाइम से तुम पीजा पसंद कर रहे हो दूजे टाइम चॉकलेट पसंद कर रहे हो एवें नहीं होगा। एटीट्यूड की होगा एटीट्यूड कंपेरेटिवली स्टेबल होगा। एटीट्यूड आप कर सकते हैं ट्रेनिंग एटीट्यूड आप एजुकेशन एटीट्यूड आप कन्वरसेशन कन्वरसेशन यानी कि गलबात एटीट्यूड आप होर किसी चीज़ न बदल सकते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी बदलिया जा सकता है। भी मान लो तुम कद्दू की सब्जी कितने वधिया हलवाई की बनाई खा लो तो कहो कि कद्दू की सब्जी वधिया होंगी है भाई ये साढ़े बनाते ही घरे घट वधिया नहीं बनाते। ठीक है ओके मेरी आवाज़ रजे पानी पी लैंना मैं ठीक है हाँ पानी कहना गर्म ले गर्म कर ले। चलो भी एटीट्यूड लग गया पता एटीट्यूड का। फिर आप नैक्सट करते हैं रजे एटीट्यूड की ए बी सी थ्योरी है ए बी सी थ्योरी ए बी सी मॉडल ऑफ एटीट्यूड एटीट्यूड ए बी सी मॉडल ऑफ एटीट्यूड ए बी सी मॉडल ऑफ एटीट्यूड ए बी सी मॉडल का मतलब की हो जूगा एटीट्यूड से की होगा अफेक्टिव होगा अफेक्टिव अप्रोच है एटीट्यूड की बिहेवियरल अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच। फिर एटीट्यूड की की होगी एक कागनेटिव अप्रोच हो जूगी यानी कि एटीट्यूड की तीन अप्रोचा हो गई। एटीट्यूड का लिंक कद भी मोरलिटी नहीं होगा एटीट्यूड का लिंक कद भी मोरलिटी नहीं होगा मोरलिटी एटीट्यूड का कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है ना मोरलिटी कोई लिंक नहीं होगा एटीट्यूड देखो गल सुनो कई जवाकों ना जो छोटे होंगे सी तुसी तो लोगों की घंटिया बजा बजा के भजना बड़ा मजा आता सी है ना तो घंटिया बजा के भज रहे हो घंटिया बजा के भज रहे हो तो वह तुम वधिया एटीट्यूड तो वधिया वो बारे थोड़ा एटीट्यूड सीगा पॉजिटिव घंटे बजा के भज दो अगला परेशान होगा तो यह मोरलिटी लिंक नहीं है मोरलिटी की लिंक है मोरलिटी कोई लिंक नहीं है। ठीक है भाई समझ आ गई एटीट्यूड का मोरलिटी कोई लिंक नहीं होगा। फिर एटीट्यूड साड़ी फीलिंग इफेक्ट करेगा एटीट्यूड की करूगा फीलिंग अफेक्टिव का मतलब फीलिंग इफेक्ट करेगा। फिर एटीट्यूड की करूगा साढ़े बिहेवियर भी इफेक्ट करेगा तो एटीट्यूड साड़ी अंडरस्टैंडिंग समझ में भी इफेक्ट करेगा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ में भी इफेक्ट करेगा यानी कि एटीट्यूड के तीन इफेक्ट होंगे ए बी सी मॉडल। जे तुम क्वेश्चन आ जाए स्टार ला लो भी स्टार ला लो जे तुम क्वेश्चन आ जाए कि एटीट्यूड का कड़े कड़े इफेक्ट होंगे तो तुम करोगे तुम की करोगे एटीट्यूड का बिहेवियरल इफेक्ट होगा एटीट्यूड का की होगा एटीट्यूड का बिहेवियरल इफेक्ट होगा एटीट्यूड का दूसरा की हो जूगा कॉग्निटिव इफेक्ट होगा एटीट्यूड का तीसरा की हो जूगा अफेक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड हो जाए याद रह जूगा वीरे यस। चलो अगे नैक्सट पॉइंट की करते हैं नैक्सट आ जूगा एक नाम है जैन जोक जैन जोक जैन जोक जोक नहीं है जैन जोक जो जैन जोक आ जाए तो फिर घबरा नहीं है मैं तुम्हें दसा भी जो तक मैं इतने खड़ा फिर घबरा नहीं गा पी स्टड तो घट्ट तो घट घबरा नहीं गा है ना क्योंकि आप ना ही तो एमसीक्यू ला के टुचे पुचे क्वेश्चन कराते है ना एमसीक्यू ला के टुचे पुचे क्वेश्चन करा के जवाकों बहम च पा के तो जवाकों का फ्यूचर खराब कर रहे हो यार है ना तो मैं कदे भी साइको के एमसीक्यूज नहीं लाए। ठीक है तो देखो जैन जोक ने की किया जैन जोक एटीट्यूड बारे थ्योरी दे रहे एटीट्यूड की थ्योरी दे रहे एटीट्यूड की थ्योरी दे रहे ये पता ही की जैन जोक की थ्योरी की है जैन जोक कह रहे कि एक साडा कॉग्निशन होगा कॉग्निशन मतलब समझ एक साडा होगा इमोशंस एक साडा की हो जूगा इमोशंस साडी फीलिंग एक हो जूगा कॉग्निशन एक हो जूगा इमोशंस जिहड़ा तुहाडा कॉग्निशन ते इमोशन है
ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਬ ਜੰਦਵਾ ਪੜੋ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਹ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਹੈ ਸਪੇਰੇ ਦਾ ਸਪੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਪੇਰੇ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੱਪ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪੇਰੇ ਦਾ ਜਵਾਕ ਭੱਜ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿਤੇ ਮਿਆਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਡਰ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਡਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਸੱਪ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜਨਯੋਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਯੋਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਲੋ ਬਈ ਜਨਯੋਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਯੋਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 250 ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐ ਪਾਓ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗਾ ਪੀ ਸਟੈਟ ਹਨਾ ਪੀ ਸਟੈਟ ਤੇ ਆਹ ਪੀ ਸਟੈਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ 120 ਆਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 120 ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀ ਸਟੈਟ 'ਚ 120 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਾਏ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਯੋਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਯੋਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਡਰ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਰਛੂਆਂ ਦਿਖ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੂਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹਨਾ ਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਤ ਦਿਖੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜਨਯੋਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰਿਮੀਟ ਰਿਪੀਟ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕਲਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਯੈਸ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਹੈ ਬਟ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਕਲੇਟ ਬਾਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਟ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੋਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਪਿਕ ਹੈ
क्वेश्चन सॉल्व करने से काफी हेल्प करेंगे। इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट देखो इननेट भी हो सकता है, जमांदरू भी हो सकता है, इननेट एक्वायर भी हो सकता है, दोनों चीजा है इंटरेस्ट दी, एक्वायर भी हो सकता है जमांदरू भी हो सकता। हुण मेरा बेटा, मेरा जो बेटा है वह मैं स्टार्टिंग तो जो पैदा होया उदों तो पढ़ाते देखद दे, तो वो की होगा वो पढ़ाने के इंटरस्ट बन जूगा, पढ़ने के इंटरस्ट बन जूगा, है ना, यह होजूगा इननेट इंटरस्ट। तो की होगा कई बार इंटरस्ट आप बाद च वे होकर इंटरस्ट अकवायर कर लें, कई बार आप करते हैं व्डे होकर इंटरस्ट अकवायर कर लें, ठीक है भाई, समझ आ गई। फिर इंटरस्ट जोड़ा होगा, इंटरस्ट एफर्ट्स जुड़िया होगा, जदों तक तुम एफर्ट्स करोगे तो इंटरस्ट बनया रहेगा, जो एफर्ट छड़ दोगे इंटरस्ट खत्म हो जूगा। इंटरस्ट की होगा, इंटरस्ट घट स्टेबल हो गए, इंटरस्ट जोड़ा है वो स्टेबिलिटी जी है वह घट होगी, एटीट्यूड नालों एटीट्यूड से ज़्यादा स्टेबिलिटी है इंटरस्ट घट स्टेबिलिटी होगी, ठीक है भाई, उसका नाम ना लीए, ठीक है, चलो भाई, चलो नैक्सट गल कर रहे आप, इंटरस्ट लग गया पता। हूँ आप गल करते हैं इंटरस्ट नू एटीट्यूड नू नापण का तरीका, जे तुहाडा हो जूगा इंटरस्ट, इंटरस्ट नू आपां किवें नापांगे, इंटरस्ट नू नाप सकते हैं आपां रेटिंग स्केल नाल, रेटिंग स्केल नाल, रेटिंग स्केल नाल नाप सकते हैं, ते होर इंटरस्ट नू कादे नाल नाप सकते हैं आपां चैकलिस्ट नाल नाप सकते हैं, चैकलिस्ट है ना, चैक करने वाली लिस्ट। रेटिंग स्केल की होगा, रेटिंग स्केल हो जूगा जीरो एक दो तीन चार पाँच, है ना, ये रेटिंग स्केल हो जूगा। मैं हूँ तुम्हें कहना इंटरस्ट एटीट्यूड दोनों नाप सकते, ये एटीट्यूड भी ये नापया जा सकता, एटीट्यूड भी नाप सकते हैं आप, रेटिंग स्केल। हूँ रेटिंग स्केल की होगा वो देख लो भाई, है ना, रेटिंग स्केल की होगा, रामा मंडी बठिंडा सीरत, वेरी गुड भाई, चलो रामा मंडी इधर ही पैंती है भी, मैं भी सरसे का है ना। तो रेटिंग स्केल देखो तुम तीन पांच ब्याहों गए, पांच ब्याहों के तुम कि चीज़ खाधी भी, पांच ब्याह च गए तो पांच ब्याहों के मतलब मैं रेटिंग स्केल दे रहा, एक आप लिख दें बर्फी, ये लिख देने बर्फी, ये फिर की लिख देने आप शाही पनीर, है ना, शाही पनीर, होर की लिखिए भी, ये लिख देने चाउमीन, है ना, ये चीज़ा का मैं की करना, एक लिख देने थे दही बल्ले, है ना, दही बल्ले। हुण मैं रेटिंग दे रहा तुहाडा एटीट्यूड तो इंटरस्ट की रेटिंग दे रहा, रेटिंग कि अमनदीप जेठी, परभजोत कौर, नवी कंबोज, यस नवी कंबोज है, यदा मैं देखना कहदा एटीट्यूड देखना भी, ये बर्फी बारे की एटीट्यूड है, बर्फी बारे एटीट्यूड है भी ये पांच ब्याह इन्हें अटेंड किए, पांच मैरिजा अटेंड कीतियां, तो पांच मैरिजा के विच देख लो ये की होगा, यदा एटीट्यूड दस रहा मैं तुहानू, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच ब्याहों के विच जी नव कंबोज है, नव कंबोज ने की किया, पहले ब्याह च बर्फी चक्की, ठीक है, यस बर्फी, बर्फी का लिख देंगे इतने बर्फी, ये दूसरे ब्याह से भी बर्फी इन्होंने खाई। जे आप शाही पनीर की गल करते हैं तो शाही पनीर इन्होंने एक ब्याह च शाही पनीर घट खाया, है ना, एक ब्याह च शाही पनीर खाया। चाउमीन की गल करते हैं तो चाउमीन चार बार खाई, तो दही बल्ले की गल करते हैं तो दही बल्ले पांच बार खाए। तो इन्हों का आजूगा एटीट्यूड, बर्फी बारे जो ज़्यादा बार काम किया तो बर्फी बारे एटीट्यूड होजूगा, ये होजूगा मैं रेटिंग स्केल देता, ये की होजूगा रेट देना, किसी भी काम आप रेट दे रहे हैं, किसी भी क्वालिटी आप, क्वालिटी आप रेटिंग दे रहे हैं भी, तुम दिन से पांच बारी काम कर रहे हो तो पांच बारी कितनी बारी काम किया, ये होजूगा अपना रेटिंग देना, ठीक है भाई। एक आजूगा चैकलिस्ट, चैकलिस्ट की होगी, चैकलिस्ट देखो एक मिनट, चैकलिस्ट चैक करने वाली लिस्ट, है ना, मतलब की होगा जे आप गल करते हैं ट्रुथनैस, ट्रुथनैस मतलब सच्चाई, जे आप गल करते हैं ओनैसटी, किसी के मापना हो, जे तुसी बिहेव करते हो, मैं तो देखा भी तुसी सच बोल रहे हो मैं सच लिख दूंगा, तुसी ओनैसटी शो कर रहे हो ओनैसटी देख शो कर दूंगा, जे मैं आप गल करांगे काइंडनैस की, तुसी काइंडनैस नहीं दिखा रहे मैं नो कर दूंगा, ये हो जूगा मैं तुहाडी क्वालिटीज लिखती, तो क्वालिटीज के विचों तुसी की है तुहाडे बिहेवियर के जिहड़ी जिहड़ी शो कर रहे हो, यस कर रहे हो तो मैं यस कर रहा, जे नो शो कर रहे हो तो नो कर रहा। चैकलिस्ट ते रेटिंग स्केल दोनों ऑब्जरवेशन दे बेस ते बनणगे, ऑब्जरवेशन दे बेस ते बनणगे, चैकलिस्ट ते रेटिंग स्केल दोनों ऑब्जरवेशन दे बेस ते बनणगे, ठीक है भाई, समझ आ गई, यस। हुण
स्वांस ममाज हीरो। चलो अगे नैक्सट गल करते हैं। नैक्सट आ गया अपना एप्टीट्यूड भाई, एप्टीट्यूड एक बोल देंगे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की होगा भी, एप्टीट्यूड एक होगा स्पेसिफिक एबिलिटी, होगी स्पेसिफिक एबिलिटी। स्पेसिफिक एबिलिटी नूं आपां एप्टीट्यूड बोल देंगे। ये एप्टीट्यूड की एबिलिटी की होगी, ये इननेट भी हो सकती है, जमांदरू भी हो सकती है, ते अक्वायर भी हो सकती है, अक्वायर्ड भी हो सकती है ना, अक्वायर्ड भी हो सकती है। एप्टीट्यूड की होगा, एक छोटा बच्चा है उसकी आवाज वधिया लगी, मतलब आवाज बहुत वधिया सीगी, तो मैं कहूँगा ये वड्डा होके सिंगर बन सकता है, हजे वह सिंगर नहीं है। एप्टीट्यूड की होगा फ्यूचर एबिलिटी कह सकते, मतलब फ्यूचर नाल जुड़ा होगा, एप्टीट्यूड का लिंक फ्यूचर नाल, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का लिंक की होगा फ्यूचर नाल होगा। जिमें कोई की होया, एक बच्चा जमांदरू तकड़ा, जमांदरू तकड़ा उसकी हाइट तकड़ी है भलवाना वर्गा, तो मैं कहूँगा वड्डा होके खिलाड़ी बन सकता, तो वह इन्नेट एटीट्यूड आ गया। एक बच्चे की आवाज़ जी है वह जमांदरू ही वधिया, तो मैं कहूँगा वड्डा होके सिंगर बन सकता, हो सकता वह टीचर ही बन जाए पंजाबी वाला, है ना, तो जरूरी नहीं गा वो सिंगर बने, जे उन्होंने तुम ट्रेनिंग दोगे, जे तुम उन्होंने ट्रेनिंग दोगे, है ना, जे उन्होंने तुम ट्रेनिंग दोगे वधिया तो वह बन सकता है। एक बच्चा साइंस से बहुत होशियार है, साइंस उन्हें बहुत आती है, तो मैं कहूँगा वड्डा होकर डॉक्टर बन सकता है ना, तो जरूरी नहीं वो डॉक्टर बने। मतलब एप्टीट्यूड एवें की क्वालिटी होगी जी कुछ स्पेसिफिक करती है जनरल नालों, दूसरे नालों तुहानू अड करती है। ये क्वालिटी जमांदरू भी हो सकती, जिवें आवाज़ जमांदरू होगी, फिजिकल फिटनेस जमांदरू होगी, तो कई बार अक्वायर भी हो सकती है, बच्चा वड्डा होकर भी फिजिकल फिटनेस अक्वायर कर सकता है ना, वड्डा होकर भी रियाज करके आवाज़ नूं वधिया कर सकता है, तो यह की हो जूगा जमांदरू भी हो गया तो अक्वायर भी हो गया। एक्सपीरियंस नाल आपां अक्वायर कर सकते हैं, तो कई बार चीज़ा जमांदरू ही होणगियां, ठीक है भाई। हुण जिहड़ा मेरे बच्चे दा पढ़ाउण बारे एटीट्यूड है वह जमांदरू ही होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वह स्टार्टिंग तो ही मैनू पढ़ाते देख रहे हैं भी, ठीक है। चलो अगे नैक्सट की होगा, नैक्सट आप करते हैं एटीट्यूड बारे गल करते हैं। एटीट्यूड जिहड़ा हैगा एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की होजूगा, जिवें टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचर बनने वास्ते तुहानू टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, है ना, जिहड़ा तुहाडा टैसट है टीचिंग एप्टीट्यूड का टैसट है। वकील बनन वास्ते लीगल एप्टीट्यूड होना चाहिए, वकील बनन वास्ते लीगल एप्टीट्यूड होना चाहिए, है ना, कलरक बनन वास्ते कलैरिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, कलैरिकल एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड, है ना, ये हो जूगा कलैरिकल एप्टीट्यूड। ये सारे एप्टीट्यूड है भाई, ठीक है, समझ आ रही है, यस और नो, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो दस दो मैनू। यस एप्टीट्यूड के दो चार मैं टैसट तुम्हें लिखा देना, ठीक है, एप्टीट्यूड के टैसट लिख लो, एप्टीट्यूड के टैसट की गल करते हैं आप, यस भी ठीक है भाई, यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है। सर एप्टीट्यूड यूनीक होंदा भी, एप्टीट्यूड यूनीक ही होगा, एप्टीट्यूड यूनीक कहेंगे आप एप्टीट्यूड नू। एप्टीट्यूड जिहड़ा है कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी कह सकते हैं, ये स्पेसिफिक एबिलिटी होगी जिहड़ी की है आपां नू की करूगी, यस रेटिंग स्केल रिपोर्ट कार्ड विच यूज होंदा है। हाँ रेटिंग स्केल जिहड़ा रिपोर्ट कार्ड दे विच यूज नहीं होगा, एप्टीट्यूड अल रिपीट करना, रिपीट कर देना मैं एप्टीट्यूड, क्लीयर नहीं होया तो मैं एप्टीट्यूड नू कर देना रिपीट, रुक जाओ एक बार एप्टीट्यूड नू रिपीट कर देना मैं, ठीक है एक मिनट रुक जाओ, एप्टीट्यूड बारे गल करते हैं। एप्टीट्यूड होगा कि एप्टीट्यूड देख लो, एक मिनट गल करते हैं, एप्टीट्यूड होगा स्पेसिफिक एबिलिटी होगी, यानी कि जे तुसी देखा कि एक बच्चे की आवाज़ वधिया, तुसी देखा कि तुसी कह सकते हो कि बच्चा वड्डा होके सिंगर बन सकता है, ये बच्चा वड्डा होके सिंगर बन सकता है, अजे सिंगर नहीं है, की देख के क्या तुसी उहदा सिंगिंग प्रति एप्टीट्यूड देख के क्या, है ना, एक बच्चा साइंस च बहुत होशियार है, है ना, तो आप कहोंगे वड्डा होके विज्ञानिक बन सकता, हजे वह विज्ञानिक नहीं है। अगे अगे आप कहोंगे एक बच्चे की फिजिकल फिटनेस वधिया, तुसी कहोगे वड्डा होके खिलाड़ी बन सकता, तो तुसी जिहड़ी चीज़ देख के कह रहे हो वो हैगा एप्टीट्यूड, जिहड़ी चीज़ तुसी देख के बच्चे नू कह रहे हो वो हो जूगा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड वाली कहानी समझ आ गई भी, एप्टीट्यूड यस और नो, एप्टीट्यूड हो जूगा स्पेसिफिक, एप्टीट्यूड की हो जूगा मेरी क्वालिफिकेशन, यस मेरी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो तुसी के, यस सुखमनदीप कौर
क्वेश्चन अजे एप्टीट्यूड अक्वायर होगा, एप्टीट्यूड की होगा, एप्टीट्यूड अक्वायर भी हो सकता इननेट भी हो सकता, एप्टीट्यूड फ्यूचर नाल जुड़िया होगा, ठीक है ठीक है। चलो आगे रेस्ट नहीं करना राजे, रेस्ट क्यों करांगे, रेस्ट नहीं करना, पर चलन दो क्लास नु जी, फिर अपन नेक्स्ट गल करते हैं राजे। यस क्वेश्चन किद्दां बनूगा, एप्टीट्यूड की हुंदा, एप्टीट्यूड दा इंटरेस्ट दा एटीट्यूड दा इक्को ही क्वेश्चन हो सकता, मतलब मिला जुला के जी क्वेश्चन आऊगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जिहड़े औखे क्वेश्चन बनते इन्हां दे विचों बनणगे। तुहानूं आ गया हेठां लिखियां विचों किहड़ी जमांदरू योग्यता नहीं हो सकती, तुहाडे कोल चार ऑप्शन आ जाणगे, एटीट्यूड इंटरेस्ट क्रिएटिविटी ते एटीट्यूड, ते एटीट्यूड जमांदरू नहीं हो सकते, बाकी जमांदरू हो सकते है ना। एटीट्यूड इज एप्टीट्यूड इज स्पेसिफिक एबिलिटी, ठीक है समझ आई है भी। चलो अगे नैक्सट पॉइंट करते हैं आप, एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड के हम टैसट करते हैं आप, एप्टीट्यूड टैसट टैसट देख लो, एक हो जूगा जरनल एप्टीट्यूड टैसट, गैट टैसट बोल देंगे आप, जरनल एप्टीट्यूड टैसट, जरनल एप्टीट्यूड टैसट एप्टीट्यूड नाल जुड़िया है टैसट, जरनल एप्टीट्यूड टैसट बोल देंगे इनू, ठीक है। फिर दूसरा टैसट की होगा, नैक्सट आप करते हैं जरनल एप्टीट्यूड टैसट हो जूगा, एक आप करते हैं मिनीसोटा मैकेनिकल असेंबली टैसट, एक हो जूगा मिनीसोटा मैकेनिकल एप्टीट्यूड असेंबली टैसट है ना, ये भी मिनीसोटा जो टैसट, एक जरनल एप्टीट्यूड टैसट हो गया, मिनीसोटा मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मिनीसोटा मैकेनिकल एप्टीट्यूड कादे नाल जुड़िया हैगा, एक आजूगा सरा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टैसट, SSRA सरा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टैसट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टैसट एप्टीट्यूड है ना, जे सरा मैकेनिकल आ जाए, सरा मैकेनिकल टैसट कादे नाल जुड़िया हैगा, तुसी कर दोगे मैकेनिकल एप्टीट्यूड नाल जुड़िया हैगा जी, मैकेनिकल एप्टीट्यूड नाल हो जूगा। एक आ जाएगा स्टार लगा लो म्यूजिक वाले बच्चे, एक आ जूगा ड्रैके का म्यूजिक एप्टीट्यूड टैसट होगा, म्यूजिक एप्टीट्यूड टैसट ड्राके का म्यूजिक एप्टीट्यूड, ड्राके स्टार लगा लो म्यूजिक के क्वेश्चन आ सकता ड्राके का है ना। फिर आजूगा डेटेरियोट का कलैरिकल एप्टीट्यूड होजूगा, डेटेरियोट का की होजूगा कलैरिकल एप्टीट्यूड टैसट, ये हो जाएंगे एप्टीट्यूड के टैसट भी, ठीक है समझ आ गई। ये सारे स्टैंडर्डाइज टैसट है, जरनल एप्टीट्यूड टैसट हो गया, मिनीसोटा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टैसट हो गया, सरा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टैसट हो गया, ड्राके हो गया, तो डेटेरियोट का हो गया, ये सारे स्टैंडर्डाइज, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का मतलब की होजूगा, इन्हां दे स्टैंडर्ड पहले तो बने होंगे, स्टैंडर्डाइज टैसट वो सारे टैसट स्टैंडर्डाइज होंगे जिन्हों का हाँ मल्टीफेज मल्टीप्लास्टिक, यस ये भी मिनीसोटा का आजूगा, जिन्हों के स्टैंडर्ड पहले दे बने होंगे वो की होंगे स्टैंडर्डाइज टैसट होंगे, ठीक है भाई समझ आ गई गल। नैक्सट आप गल करते हैं राजे क्रिएटिविटी की, नैक्सट गल की करांगे क्रिएटिविटी, ठीक है क्रिएटिविटी की होजूगा भाई, क्रिएटिविटी थिंकिंग कैसे होगी क्रिएटिविटी, तुहानू क्वेश्चन आ जाए कि एक तुहाडा बच्चा जिहड़ा है वह खिलौणियां नूं तोड़दा है फिर उन्होंने जोड़न की कोशिश करता है, समझ नहीं आ रही लवीशा गोयल, क्यों नहीं समझ आ रही मिशन मल्टीपल प्लास्टिक, एक मिनट गल सुनो, हाँ भाई आर्मी अल्फा टैसट आर्मी बीटा टैसट इंटैलीजेंस दे बई, आर्मी अल्फा टैसट दे इंटैलीजेंस दे आणगे, वैरी गुड बई मनप्रीत कौर गुरसैब सिंह, आर्मी अल्फा टैसट आर्मी बीटा टैसट उहदे च आणगे, मैं हुणे करवाऊंगा तुहानू टैसट, यस हुणे करवाऊंगा मैं करवाऊंगा, तुसीं कॉफमैन टैसट जिहड़ा है कॉफमैन एंड कॉफमैन के ABC टैसट होगा, वह भी एप्टीट्यूड का नहीं होगा, कॉफमैन का टैसट भी प्रोफेसनल सरदार जी एप्टीट्यूड का नहीं है, मैं तुहानू करवाना, एक मिनट रुक जाओ तुसीं, फिर आप गल करते हैं नैक्सट क्रिएटिविटी थिंकिंग कैसे होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी,
डाइवर्जेंट थिंकिंग कहांगे इन्हें, ये थिंकिंग होगी अपनी डाइवर्जेंट। फिर क्रिएटिविटी दूसरा की हो जूगा डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी की, डाइवर्जेंट थिंकिंग सोचने का दायरा बाहर नू खुल्या होगा। क्रिएटिविटी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ओपन क्वेश्चन आएंगे, ओपन क्वेश्चन आएंगे। जिवें तुहाडा कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वह खिलौने तोड़ता है, उन्होंने ठीक करने की कोशिश करता है, खिलौने तोड़ता है, ठीक करने की कोशिश करता है ना। हाँ, इन्हों टैसटा के हूँ ही मैं इस बाद टैसट ही लूँगा, इस बाद टैसट ही लूँगा, तुम टेंशन फ्री रहो, सी क्लास से बने रहो, क्लास चार घंटे चलूगी, 12 बजे तक क्लास चलूगी, टेंशन फ्री रहो। हाँ, क्लास से करवाए है, ना करवाए है तो मैं फिर दोबारा करवा देना। ये ओपन क्वेश्चन हो गए, सोच जे एक सिंगल कंकलूजन नहीं निकलेंगे, इतने मल्टीपल कंकलूजन हो गए, मल्टीपल कंकलूजन हो गए। ये किसी भी चीज़ का तुम एक कंकलूजन नहीं कढ़ोगे, सिंगल कंकलूजन कादे विच निकलूगा, इंटैलीजेंस दे विच निकलूगा, ठीक है ना। सिंगल कंकलूजन कादे विच निकलूगा, इंटैलीजेंस दे विच निकलूगा। डाइवर्जेंट का मतलब की हो जूगा, सोचने का दायरा बाहर वल नू खुला होगा। फिर आप करांगे, एक बच्चा खिलौने तोड़ रहा, उन्होंने जोड़ रहा, वो क्रिएटिविटी क्रिएटिव आइडिया होगा, ठीक है। ले यार एप्टीट्यूड डिटेल से करवा देना, रुक जो एप डिटेल, नहीं 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 इन्ना नहीं लोड़ है कि रजे डिटेल क्यों करनी है इन्हें, बस इन्हें नाम कर लो तुम, है ना। फादर ऑफ क्रिएटिविटी टोरेंस है भाई, टोरेंस जड़ा है, टोरेंस TORANCE टोरेंस फादर ऑफ क्रिएटिविटी है, फादर ऑफ क्रिएटिविटी टोरेंस कहोंगे, टोरेंस फादर ऑफ क्रिएटिविटी टोरेंस हैगा, टोरेंस नाम आ जाएगा, फादर ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। मतलब एप्टीट्यूड के टेस्ट ड्रैके डेकेरिएट ये तुझे याद कर लियो, 10 बजे तक लगा लेने क्लास, कोई ना देखते हैं अपन क्लास का सिस्टम, क्लास का सिस्टम देखते हैं एक बार, क्लास जिन्हें तक चली उन्ने ही लगावे आप, ठीक है। फिर आप देखते हैं ये हो जूगा क्रिएटिविटी थिंकिंग डाइवर्जेंट हो जूगी, फिर आप नैक्सट पेज पर जो जावे तो क्रिएटिव जो आइडियाज क्रिएटिविटी वास्ते की होगा, फादर ऑफ जे क्रिएटिविटी दोबारा लिख देना, फादर ऑफ जे आप क्रिएटिविटी की गल करांगे तो फादर ऑफ क्रिएटिविटी टोरेंस है, TORANCE टोरेंस। एक आजूगी क्रिएटिविटी की इनवैसटमेंट थ्योरी है, क्रिएटिविटी की थ्योरी है इनवैसटमेंट थ्योरी, ये दिती है किन्ने दिती है, ल्यूबर्ट एंड किन्ने दिती है, स्टर्नबर्ग ने, ल्यूबर्ट एंड स्टर्नबर्ग ने क्रिएटिविटी की थ्योरी दी है। कौन थ्योरी दी है भाई, ल्यूबर्ट ने क्रिएटिविटी की इनवैसटमेंट थ्योरी। ये कह रहे कि क्रिएटिविटी तुहाडे वास्ते की है, इनवैसटमेंट है भी, क्रिएटिविटी तुहाडे वास्ते की है, क्रिएटिविटी तुहाडे वास्ते की है, इनवैसटमेंट का काम करती है। इनवैसटमेंट का काम किवें करूगी, एक मिनट चलन दो रजे बाद दे देखते हैं, क्लास जदों तक तुसी बैठे रहे क्लास लाऊंगा, तुहाडे नाल क्लास है, मैं कल्ला थोड़ी क्लास ला सकदा, तुसी बने रहो, वधिया वधिया क्वेश्चन करांगे आपां, छोटे छोटे टॉपिक कर रहे हैं, मैं कोई बोरिंग टॉपिक भी नहीं कर रहा है ना। चलन दो, क्लास चलती रहूगी, या 4 बजे तक ला देंगे, कोई टेंशन फ्री नहीं हैगी, तुसी बैठे रहो। क्रिएटिविटी की हो जूगा इनवैसटमेंट, किन्ने क्या क्रिएटिविटी इनवैसटमेंट है वे, जे तुहाडे कोल कोई क्रिएटिव आइडिया है ना, जिवें की कीता किसी बंदे ने टीवी बनाता, वो क्रिएटिव आइडिया है, टीवी बनाता, टीवी अगले ने पेटेंट करा लिया, उन्होंने कमाई होगी। इस तरह की होगा, किसी ने आ बोर्ड बनाता तो बोर्ड बना के पेटेंट करा लिया, उन्होंने कमाई होगी, इनकम आ गई, यानी कि क्रिएटिविटी सानू इनकम दिंदी है, तो क्रिएटिविटी की होगी इनवैसटमेंट है, क्रिएटिविटी की है इनवैसटमेंट, ठीक है भाई। चलो अगे नैक्सट पेज पर जा रहे हैं आप, फिर आ जाऊगा क्रिएटिविटी 4 कंपोनेंट जरूरी होंगे, पहला दूसरा तीसरा तो चार चीज़ा क्रिएटिविटी की होगी, ओरिजिनलिटी होगी क्रिएटिविटी की होगी, विचारां च फ्लुएंसी होगी क्रिएटिविटी की होगी, विचारां च फ्लैक्जिबिलिटी होगी फिर की होगा क्रिएटिविटी की होगा, एल्बोरेशन होगा है ना। ये जे तुहाडे विचार क्रिएटिव आइडिया हैगे आ ते उहदे च ओरिजिनलिटी, किसी की नकल कर रहे हो तो फिर विचार ओरिजिनल होने चाहिए है, नकल कर रहे हो तो क्रिएटिव आइडिया नहीं होगा, ठीक है। नकल कर रहे हो तो क्रिएटिव आइडिया नहीं होगा, कोई गल नहीं, तुम मेरी टेंशन रहने दो रजे, तुम मेरे बैठे रहो, एक मिनट टेक के बैठे रहो सारे जने, कोई गल नहीं हैगी, आप क्लास चलन देंगे, जिन्हें तक मैं डिगदा नहीं ना उदों तक क्लास चलती रहूगी, टेंशन फ्री रहो,
है ना, मैं एवं नहीं डिगदा, मैं 10-10 घंटे पढ़ा सकता, इन्ना नहीं है मैं कमजोर। चलो अगे नैक्सट आप गल करते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का की होगा, क्रिएटिव आइडियाज मतलब लगातार आते रहेंगे, फ्लुएंटली आते हैं, है ना। फ्लैक्सीबिलिटी, तुम एक विचार से नहीं रुकना, एक तो एक गल आई जे तुम सही नहीं लगी तो दूसरा चल दो, नहीं सही से तीसरा चल जाओ, चौथा चल जाओ। आइडियाज फ्लैक्सीबिलिटी होनी चाहिए है। फिर एलबोरेशन हो जूगा, एक छोटी जी चीज़ नूं एलबोरेट कर दो। एलबोरेट का मतलब हो जूगा विस्तारित करना, विस्तार करना, विस्तार करना, मतलब तुम छोटी चीज़ नूं इस चीज़ नूं भी की है एलबोरेट कर सकते हो। एलबोरेट मतलब गांव वधाना, एक चीज़ नूं वाला वधा चढ़ा के कह सकते हो, ठीक है। ये हो जूगा तुहाडा क्रिएटिविटी दे, ठीक है। हाँ अच्छा तुम डिग पे तुम ना डिगो। चलो नैक्सट आ गया अपना क्रिएटिविटी। फिर आप गल करते रजे, जे तेरे को क्रिएटिव आइडिया आते, क्रिएटिविटी की प्रोसैस देख लो, तुम प्रोसैस की होगी क्रिएटिविटी की, प्रोसैस देखते हैं। एक दो तीन ते चार स्टैप है प्रोसैस के। पहली स्टैप हो जूगी प्रीपरेशन स्टेज, प्रीपरेशन स्टेज, ठीक है। दूसरी हो जूगी इनक्यूबेशन स्टेज, इनक्यूबेशन स्टेज। फिर तीसरी केड़ी स्टेज हो जूगी, तीसरी स्टेज हो जूगी इल्यूमिनेशन स्टेज, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन स्टेज बोल देंगे। तो चौथी की हो जूगी, इनू वेरीफिकेशन कह दोगे, वेरीफिकेशन कह दोगे, या इनू इवैल्यूएशन कह दोगे, है ना, इवैल्यूएशन या वेरीफिकेशन। चार स्टेजा होंगे क्रिएटिविटी की प्रोसैस द, चार स्टेजा हो गई क्रिएटिविटी की प्रोसैस दियाँ, ठीक है। चलो अगे नैक्सट पेज पर जा रहे हैं आप। पहली स्टेज की हो जूगा, जे तो दिमाग से क्रिएटिव आइडिया आ गया भी, क्रिएटिव आइडिया जो अपने दिमाग से आया तो आप किया समान कट्ठा कर लिया, जिद क्रिएटिव आइडिया होगा की आया, कोई भी क्रिएटिव आइडिया आ सकता। क्रिएटिव आइडिया की आया, गल सुनो भी ताडा आ जड़ा हैलीकॉप्टर जहा है मेरे को आ हो गया खराब, तो इनू मैं ये कोई होर चीज़ बनाना चाह रहा, होर की बना सकता भी ये तो, होर दसो की बना सकता ये तो, है ना, होर बना। मैं मैनू लग्या कि मेरे को मेरे जवाक ने ना काफ़ी सारे खिलौने तोड़ते, तो जोड़े खिलौने है इन्हों का मैं की करना भी होर कुछ बना सकता। ये मोटर हैगी है तो मैं की किया, मोटर खोल ली, मेरे दिमाग से आया आइडिया, जो दिमाग से आइडिया आने लग गए तो आप करा, अब मैं समान कट्ठा कर लूँगा ये जुड़िया हुआ, तो इनू जोड़ तोड़ के देखूँगा, इनू जोड़ तोड़ के देखूँगा, तो ये की हो जूगा प्रीपरेशन स्टेज हो जूगा। प्रीपरेशन स्टेज के प्रीपरेशन स्टेज के दोवें तरह तो मैंटली, मैंटली भी तो फिजिकली भी, फिजिकली दोनों तरह इनवॉल्व होवांगे प्रॉब्लम सोल्यूशन के, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के करांगे, दोवें तरह इनवॉल्वमेंट रहेगा साडा, ठीक है भाई। फिर की करांगे नैक्सट पॉइंट, ये जरूरी नहीं है भी पहली बार च काम कर लांगे। मैं सोचा इन जोड़ तोड़ के मैं सोचे जा रहा, एक घंटा लग्या, दो घंटा लग्या, कि टाइम लग्या रहूँगा, एक घंटा दो घंटा लग्या रहा, मैं एक घंटे दो घंटे बाद मैं की है इनू छड़ दिता, तो मैं तुम्हें पढ़ाने लग गया, मैं इतने आ गया, मैं तुम्हें पढ़ाने लग गया, मैंने होर भी काम है, तुम्हें पढ़ाना भी है, रोटी भी खानी है, होर भी काम करने हैं, मैं होर किसी काम से लग गया। बट की होगा, ये जो आइडिया है मेरे अनकॉन्शियस माइंड के चलता रहूगा, अनकॉन्शियस माइंड के चलता रहूगा, ये आइडिया मेरे अनकॉन्शियस माइंड के चलता रहूगा, है ना। अनकॉन्शियस माइंड के आइडिया चलता रहूगा, मैं फिजिकली ये काम तो हट जूँगा। जे मैं इस काम तो फिजिकल फिजिकल एफर्ट्स नहीं कर रहा, फिजिकल एफर्ट्स नहीं कर रहा, तो अनकॉन्शियस माइंड के आइडिया चलता रहूगा, उन्होंने बोल देंगे इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन तो शारीरिक रूप तो आप हट जाने, बट साढ़े अनकॉन्शियस माइंड के चीज़ा चलदिया रहिंदियां, ठीक है भी। तो फिर की होगा, ये इन इल्यूमिनेशन इनक्यूबेशन एक मिनट का भी हो सकता, एक घंटे का भी हो सकता, एक दिन का भी हो सकता, एक साल का भी हो सकता। ये कदों टुटूगा, तेरे दिमाग च एकदम आइडिया आ गया, जो एकदम आइडिया आ गया उन्होंने बोल देंगे भाई इल्यूमिनेशन, जो एकदम आइडिया आ गया उन्होंने बोल देंगे भा इल्यूमिनेशन। ओरिजिनलिटी होगी रजे, मनीषा नहीं ओरिजिनलिटी होगी भी, मैं जी चीज़ बना रहा किसी की नकल नहीं होनी चाहिए है। हूँ ओरिजिनलिटी की है, गल सुनो, ओरिजिनलिटी आई बी आ जड़े टीके लगते हैं करोना वाले, वो किसी दर्जी के दिमाग से क्रिएटिव आइडिया आया, उन्हें कुड़िया के ना इतने मोढ़े के उत्ते मोरे ज बनाते,
वो क्रिएटिव आइडिया ही है ना, सूट सिमण दे विच उहदे, ते हुण उहने जिहदे पहली बार बनाया वह दर्जी दी सी क्रिएटिव आइडिया, हुण आपां देख के सिल रहे हां, देख के आपां सवा रहे हां, ते उह होजूगा क्रिएटिव आइडिया नहीं होगा। ओरिजिनलिटी का मतलब होजूगा भी तुहाडा जिहड़ा विचार है, जिहड़ी चीज़ तुसी चीज़ बना रहे हो, वह पहले किसी ने ना कीती होवे, पहले ना कीती होवे उहनूं बोलांगे आपां ओरिजिनलिटी। ठीक है, इनक्यूबेशन की होजूगा भी दिमाग के विच चल रही है, अनकॉन्शियस माइंड के विच प्रॉब्लम चली जा रही है, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस सोच नहीं रहे हो तुसी, ये क्वेश्चन भी आया सीगा, तुसी की हो सोच नहीं रहे हो, है ना, तो की हो जूगा इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन जो फिजिकली नहीं लगे है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा, मेरे दिमाग से होर भी चीज़ा चल रही अनकॉन्शियस माइंड के, वो की हो जूगा इनक्यूबेशन हो जूगा, फिजिकली आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। फिर इल्यूमीनेशन आ जूगा, इल्यूमीनेशन कदों होगा जो एकदम आइडिया आ गया, इल्यूमीनेशन हो जूगा, ये इनक्यूबेशन के जस्ट बाद इल्यूमीनेशन होगा, इनक्यूबेशन तो जस्ट बाद इल्यूमीनेशन हो जूगा। ठीक है, फिर की होगा नैक्सट की होगा भी तुसी दिमाग च आइडिया आ गया, तुसी वो चीज़ बनाती है ना, बनाने तो बाद तुसी उहदा वेरीफिकेशन कर लोगे भी पहले किसी ने बनाई तो नहीं हैगी, या इवैल्यूएशन कर लोगे, ये हो जूगा क्रिएटिविटी की प्रोसैस। क्रिएटिविटी पता लग गया भी, यस और नो, क्रिएटिविटी बारे कोई डाउट हो दस दो मैनू, फिर आप गल करते हैं। चार पॉइंट हो गए क्रिएटिविटी के, फिर आप करते हैं क्रिएटिविटी के टैसट बई। ठीक है, क्रिएटिविटी के टैसट, पहला टैसट देख लो तुम, क्रिएटिविटी के टैसट देख लो, टैसट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के टैसट, एक टैसट आजूगा पहला टोरेंस का, टोरेंस ने क्रिएटिविटी दिती है, टोरेंस क्रिएटिविटी टैसट, टोरेंस का क्रिएटिविटी टैसट आजूगा, टोरेंस का टैसट आजूगा क्रिएटिविटी टैसट। ठीक है भी, ये टोरेंस ने बनाया, फिर एक आजूगा रिमोट एसोसिएशन टैसट, रिमोट एसोसिएशन एसोसिएशन टैसट। टैसटा डिटेल ना नहीं करना राजे, अपन टैसटा नाल कोई लिंक नहीं है, बस याद कर लियो टैसट, टैसट तुहानू याद आजूगा, है ना, हाँ असं जितांगे जरूर, जंग जारी रखियो, वेरी गुड वे। हुण आप गल करते हैं टैसट जिहड़ा है ये बनाया किन्ने है, रिमोट एसोसिएशन टैसट लिख लियो किन्ने बनाया, मैडनिक ने बनाया, मैडनिक, मैडनिक एंड मैडनिक, अंग्रेज डबल नाम लिखते हैं, है ना, मैडनिक एंड मैडनिक, ये मैडनिक एंड मैडनिक ने बनाया ये जिहड़ा टैसट है, ये रिमोट एसोसिएशन टैसट किन्ने बनाया, मैडनिक एंड मैडनिक ने बनाया, रिमोट एसोसिएशन टैसट हो जूगा। फिर की हो जूगा अनयूजुअल टैसट, तीसरा टैसट तुसीं लिख लोगे अनयूजुअल यूज, इनू बोलते हैं असाधारण, असाधारण प्रयोग, असाधारण प्रयोग करना, प्रयोग असाधारण प्रयोग लिख लो पंजाबी दे विच, असाधारण प्रयोग कह देंगे। ठीक है, ये हो जूगा असाधारण प्रयोग। असाधारण प्रयोग की हो गया भी, देखो गल सुनो, आ भुजिया वाला डब्बा जहा है, यदा भुजिया पान का यूज कर रहे हो, तो यह तो हो जूगा यदा नॉर्मल प्रयोग, यदा होर की यूज कर सकते हैं भी आप, देखो गल सुनो, मैं यदा होर यूज कर सकता भी, हवा लैन वास्ते भी यूज कर सकते हो, कई जो वेले होंगे इन बजाण भी लग जाते, बाजा का बजाण लग जाते हैं, तो हो जूगा असाधारण प्रयोग। ठीक है, ये तो तुम होर की बना सकते हो, मतलब नॉर्मल यूज यदा है आ वाला भुजिया पान वाला, ये होर की बना सकते हो, यस ये कह रहे भी ये शोभित बैठा मेरे को, तो शोभित कह रहा है भी ये चाह भी पी सकते हैं, चाह पी सकते हो, ये चाह भी पी सकते हैं भी, तो यह हो जूगा अनयूजुअल यूज, है ना, तो अनयूजुअल यूज क्रिएटिविटी टैसट नाल जुड़िया होगा। जिमें की होगा क्रिएटिविटी टैसट नाल जुड़िया चीज़ा मैं लिखाना तुम्हें, जिमें की होजूगा गल सुनो, जिमें क्वेश्चन आ गया भी जे पेड़ चलन लग जा, सोच के देखो तुम, जे पेड़ चलन लग जा तो क्रिएटिविटी टैसट नाल जुड़ी हुई गल है, जिमें पेड़ बोलन लग जा तो की होगा, ये क्रिएटिविटी टैसट नाल जुड़ी हैगी है। जे सानू आपां उड़न लग जाइए, है ना, आपां नू खंभ लग जाण, ते ये जिहड़ा यूज होजूगा ये अनयूजुअल यूज वाला होजूगा, ना टोरेंस टैसट, रिमोट एसोसिएशन टैसट, मैडनिक एंड मैडनिक। ठीक है, फिर की होजूगा, एक होजूगा नैक्सट चौथा की होजूगा, ये बिस्कुट भी पा सकते हैं, एक होजूगा कॉन्सीक्वेंस टैसट, इहनू बोलते हैं कॉन्सीक्वेंस, कॉन्सीक्वेंस टैसट, कॉन्सीक्वेंस टैसट का मतलब हो जूगा परिणाम, परिणाम
बताओ परिणाम दसो टेस्ट परिणाम दसो। ये मैं जो दस रहा ना जिवें पेड़ जिहड़े है ट्रीज है ये बोलन लग जाण की होगा आपां अपने खंभ लग जाण की होगा वो परिणाम दसने ये टेस्ट भी की होजूगा कॉन्सीक्वेंस टेस्ट होजूगा। फिर एक टेस्ट तुसीं होर कर लो एक टेस्ट होजूगा एनेग्राम टेस्ट एनेग्राम टेस्ट होजूगा पंजवां टेस्ट इहनूं बोलदे आपां एनेग्राम टेस्ट है ना। ये सारे जिहड़े टेस्ट है क्रिएटिविटी नाल जुड़े हुए है ठीक है। एक टेस्ट किन्ने बनाया ये क्रिएटिविटी का जो टोरेंस वाला टेस्ट है ये टेस्ट बनाया बाकर मेहंदी बाकर बाकर मेहंदी बाकर मेहंदी टेस्ट है मेहंदी बाकर मेहंदी ये बाकर मेहंदी ने भी क्रिएटिविटी का टेस्ट बनाया बाकर मेहंदी नाम आ जाऊगा बाकर मेहंदी का टेस्ट आ जाए तो क्रिएटिविटी टेस्ट आ जाऊगा ठीक है भी। चलिए अगे चलो अगे क्रिएटिविटी हो गया अपने को हूँ आप करा चलो अगे नैक्सट पेज पर जा रहे हैं नैक्सट पेज हो जूगा भी अपने को जेंडर आइडेंटिटी वर्ड लिख लो जेंडर आइडेंटिटी जेंडर आइडेंटिटी जेंडर आइडेंटिटी की गल करते हैं है ना। जेंडर आइडेंटिटी दिती किन्ने भी दसो फटाफट थोड़ा जा जेंडर आइडेंटिटी दसो जेंडर आइडेंटिटी दसो किन्ने दसा जेंडर आइडेंटिटी जेंडर आइडेंटिटी दसना भी किन्ने दसा जेंडर आइडेंटिटी की गल करांगे फटाफट दसो जेंडर आइडेंटिटी किन्ने दसी है डेफिनेशन कादी है राजे संदीप कौर कादी डेफिनेशन दसनी है जेड़ा मैं करवा रहा बस उन्ना सफिशियंट है डेफिनेशन की लोड़ हैगी डेफिनेशन की क्लास मैं कल ला लूंगा अंशुबैल वर्बल लर्निंग हुणे ही करा देना बस तुसीं याद कराता कोई गल नहीं हैगी। इस तों बाद इहदे टेस्ट इन्ने ही हैगे बस बहुत हैगे कॉफमैन कॉफमैन टेस्ट हुणे ही दसदा तुहानूं अपने खंभ लग जाने फिर जहाज की नहीं लोड़ हैगी जहाज की नहीं लोड़ पैनी मनदीप कौर कह रही है तो पेपर आप उड के दे आवेंगे है ना। यस ओ सिगमंड फ्राइड नहीं है राजे गलत कर रहे हो जेंडर आइडेंटिटी दसी है कोहलबर्ग ने अज मैं सारिया नवी चीज़ा करवाऊंगा तुहानू लग रहा सीगा भी उही पुराना सर ते पुरानी चीज़ा ना ना ए नहीं है राजे बहुत कुछ हैगा अपने को कराने वास्ते ये जो क्लास दस साल चलती रहे तो भी आप नवी चीज़ा करावे हाँ तो टेंशन फ्री रहो क्लास हूँ लगातार ही चलिया करूगी तुम शाम को लगातार ही क्लास मिलेगी तुम्हें लोड़ हैगी क्योंकि तुहाडा पेपर हो जाना हूँ पास तुम दूसरे बच्चे दसना तुम दूसरे बच्चे दसना ठीक है। ये आजगा कोहलर कोहलर कोहलबर्ग कोहलबर्ग ने दस्या कोहलबर्ग ने दस्या कि जीरो तो लैके तो दो साल तक का जो बच्चा होगा उन्हों अपने जेंडर बारे नहीं पता होगा जेंडर दे बारे कोई नॉलेज नहीं होगी तो आप करांगे जवाक दो साल का जवाक एक साल के जवाक नूं पुछ लो कहूगा मैं मुंडा है ना तो जो कुड़ी होगी मैं कुरी हाँ है ना तो वह कुरी तो मुंडा क्यों कहें वह कुरी तो मुंडा क्यों कहें वह कहूगी कुड़ी है वह कहूगी मैं कुरी हाँ तो मुंडा वह कहूगा मैं मुंडा है ना मुंडा तो मुंडा तो कुरी क्यों कह रहे बी इन्हों पता तो है नहीं अपने जेंडर का क्यों कहते हैं क्योंकि ये पता की कर रहे हैं आप करती जेंडर नू लैबलिंग लगाती जेंडर नू लैबलिंग करता जेंडर लैबलिंग जेंडर जी है आइडेंटिटी दे विच सब तो पहला स्टैप आजूगा जेंडर लैबलिंग सब तो पहला स्टैप की आऊगा जेंडर लैबलिंग आजूगा ठीक है। गल क्लीयर है बी यस और नो जेंडर लैबलिंग वाली कहानी समझ आ गई यस। फिर नैक्सट पॉइंट पर जा रहे हैं 297 चलो आप गल कर रहे हैं जेंडर लैबलिंग की जेंडर स्टेबिलिटी दे विच सब तो पहला पॉइंट आजूगा जेंडर लैबलिंग ठीक है। जेंडर जेंडर लैबलिंग जेंडर लैबलिंग पहला स्टेप आऊगा ठीक है भी गल समझ आ गई जेंडर लैबलिंग। फिर दूसरा की होजूगा जो दूसरी गल करते हो तो दो साल तो लैके चार साल तक दो साल तो लैके तो चार साल तक जो बच्चा होगा वो की होगा उन्होंने जेंडर अपने जेंडर बारे पता लग जूगा दो साल तो लैके चार साल तक दो साल तो लैके पहले जेंडर लैबलिंग आऊगा फिर की होगा जेंडर दूसरा की होजूगा दो साल तो लैके जे आप चार साल की गल करांगे तो बच्चे से तुहानू की मिलेगा भी दूसरे दूसरा देखांगे की मिलेगा दूसरे दूसरी एच यस
जेंडर लेबलिंग, जेंडर लेबलिंग तो बाद किया होगा, दस सकते हो भी? यस, शशांक ममाज हीरो, गल सुनो, एदी जड़ी थ्योरी है, एक थ्योरी तो हैगी है कोलबर्ग दी मोल डेवलपमेंट, मोल डेवलपमेंट थ्योरी है वो जड़ी आप पढ़ी है, मैं तुहानू बहुत बार करवाई है, आ वाली जड़ी जेंडर आइडेंटिटी वाली गल है ये मैं तुहानू करवाई नहीं हैगी राजे पहले, ठीक है, ये नहीं करवाई, देख लो चाहो इनू की कर देंगे, दूसरा जेंडर कंसिस्टेंसी, दूसरा हो जूगा यस विक्रम बिश्नोई जेंडर कंसिस्टेंसी, तो फिर होगा हाँ जेंडर स्टेबिलिटी, पहले बच्चे नू लगता है कि जीरो तो दो साल तक बच्चे नू जेंडर लेबलिंग करांगे, जीरो तो दो साल तक जेंडर की करांगे लेबलिंग, फिर जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, फिर जेंडर स्टेबिलिटी, फिर जेंडर कंसिस्टेंसी, दूसरा पॉइंट आ जूगा जेंडर कंसिस्टेंसी, एदे च की आ जूगा दूसरा पॉइंट जेंडर कंसिस्टेंसी, तो फिर की हो जूगा तीसरा पॉइंट चार साल तो बाद, चार साल तो सत साल तक की हो जूगा जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन हैगा, ये तो क्वेश्चन आ सकता है पहला की होगा, ठीक है, एक मिनट देख लो, जेंडर लेबलिंग, जेंडर कंसिस्टेंसी, तो जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर लेबलिंग, दूसरा की हो जूगा जेंडर आइडेंटिटी, सॉरी दूसरा की हो जूगा जेंडर कंसिस्टेंसी, तो तीसरा की हो जूगा जेंडर स्टेबिलिटी, तीन स्टेजा है, ठीक है, चलिए अगे भी कोई दिक्कत नहीं हैगी, यस और नो, दूसरा स्टेबिलिटी आऊगा, अमन बंदना अमन, दूसरा स्टेबिलिटी आऊगा, देखो एक मिनट, एक मिनट देखो, एक मिनट रिप्लाई करो, यस, एज आ जूगी जीरो तो लैके दो साल तक, दो साल तो लैके चार साल तक कंसिस्टेंसी, ते चार साल तो लैके ते जे आपां अगे गल करदे आ ते सत साल तक, यानी अगे जिहड़ी भी गल होगी वह सारी हो जूगी अपनी अगे वाली गल हो जूगी, की कहोंगे आपां इहनू जेंडर स्टेबिलिटी हो जूगा, पहले जवाक नू जेंडर दे आपां लैवल लगा दिंदे आ, ठीक है, पहले जेंडर नू लैवल लगा दिंदे आ, फिर दूसरे लैवल ते, एक मिनट रुक जाओ, दूसरे लैवल ते आपां की करांगे, थ्री स्टेज जेंडर टोटलर, ठीक है, जेंडर लेबलिंग, जेंडर कंसिस्टेंसी, तो जेंडर स्टेबिलिटी, ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा जा मैं कन्फर्म करके दस देना, कंसिस्टेंसी पहले आऊगा क्या पहले आऊगा थोड़ा जा, ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं, अब हूँ अपना की हो जूगा, इन्ना हो गया, फिर आप गल करते हैं थ्योरी, जेंडर स्टेबिलिटी थ्योरी आ जूगी, जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी आ जूगी कोलबर्ग की, कोलबर्ग की थ्योरी है जेंडर लेबलिंग, हाँ जेंडर कंसिस्टेंसी, तो जेंडर स्टेबिलिटी, ठीक है, दो साल तो लैके चार साल तक जेंडर कंसिस्टेंसी आ जूगी, तो अगे आ जूगी जेंडर स्टेबिलिटी, यस भी, चलिए अगे नैक्सट पेज, हूँ आप नैक्सट की कह रहे थे, क्वेश्चन केड़ा सा, टॉपिक करवाना, स्टूडेंट सो गए अद्धे सर जी, नहीं कोई गल नहीं है कि सो ना भी, स्टेबिलिटी की एज सत साल तो बाद अपने जेंडर स्टेबल है, रजे स्टेबिलिटी की एज अपनी है, बॉकर मेहंदी ने की किया, बॉकर मेहंदी ने क्रिएटिविटी का टैसट दिता सी रजे, बॉकर मेहंदी का टैसट है क्रिएटिविटी का, बॉकर मेहंदी लैबलिंग कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, यस शशांक मैन मेमा जीरो, ठीक है, 100% गया, कोई गल नहीं हैगी, हूँ अपन गल करते हैं थ्योरीज करवाइए, थ्योरीज नहीं करवाऊंगा, जिहड़ी चीज़ा मैं करवा रखी वो नहीं मैं करवाऊंगा, यस जनजोक हो गया, यस आशुबैल, यस नवी कंबोज आशुबैल, हाँ आशुबैल नहीं कराया है, एक आप करते हैं गैगने, सॉरी आशुबैल, आशुबैल की गल करांगे, आशुबैल की आजूगी वर्बल लर्निंग थ्योरी, आशुबैल की आजूगी वर्बल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी के एक आशुबैल करांगे भी, ते दूसरा की करांगे, दूसरा आप करांगे गैगने, गैगने ते आशुबैल दोनों करांगे, वधिया इंपोर्टेंट चीज़ा है, ठीक है, कविता बंगोनिया टर्म्स कंप्लीट, केड़ी केड़ी टर्म्स भी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ,
जीरो तो लेके दो साल तक लैबलिंग हो जूगी। लैबलिंग आपां लैबल लाता क्योंकि बच्चे नूं अपने जेंडर का नहीं पता। दो साल तो चार साल तक बच्चे नूं की होगा आपां की कर देंगे जेंडर कंसिस्टेंसी हो जूगी। जेंडर जेंडर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ठीक है। तो चार साल तो बाद जन बच्चे की आ जूगी जेंडर स्टेबिलिटी। जेंडर स्टेबिलिटी कह देंगे ना जेंडर स्टेबल हो जूगा बच्चे जेंडर स्टेबिलिटी। इनू बोलते हैं आप कंटीन्यूटी ऑफ ठीक है। पोर्टफोलियो प्रोफेशनल सरदार पोर्टफोलियो की होगा। पोर्टफोलियो गल सुनो पोर्टफोलियो का मतलब की हो जूगा एक मिनट गल सुन लो। एक वर्ड आ गया पोर्टफोलियो। जे तुहानू पोर्टफोलियो वर्ड आ जाए सिक बराणा नहीं है। पोर्टफोलियो का मतलब हो जूगा ऑर्डर। ऑर्डर दे विच कोई भी चीज़ जो आप ऑर्डर दे विच लगाने हैं तो उन्हें कह देंगे पोर्टफोलियो दे विच आ गई चीज ठीक है। पोर्टफोलियो की होगा पोर्टफोलियो हो जूगा कोई भी चीज़ ऑर्डर दे विच। मान लो पहले मैं तुहानू एक एक क्वेश्चन करवा रहा फिर दूसरा क्वेश्चन करवा रहा फिर तीसरा क्वेश्चन करवा रहा चौथा ये तो अगला क्वेश्चन करवा रहा यानी कि तुसी बुक दे वे पहला लैसन पहले कराया दूसरा लैसन कराया फिर तीसरा लैसन कराया चौथा लैसन कराया। तुसी पोर्टफोलियो नूं फॉलो कर तुसी की कर रहे हो पोर्टफोलियो नूं फॉलो कर रहे हो ठीक है। तुसी की कर रहे हो पोर्टफोलियो नूं फॉलो कर रहे हो या संदीप कौर उही गल करदा मैं ठीक है। ठीक है भी एक मिनट पोर्टफोलियो लग गया पता चलो एक मिनट गल कर रहे हैं। ये संदीप कौर ने की किया लैंग्वेज एंड थॉट। एक वर्ड आऊगी भी लैंग्वेज लैंग्वेज एंड थॉट बारे गल कर रही है संदीप कौर। लैंग्वेज एंड थॉट्स जिहड़ी है एक गल करते हैं इहदे विच दो लोगों ने गल की है। एक नाम आजूगा वाइग्योस्की एक नाम आजूगा वाइग्योस्की दूसरा नाम आजूगा जीन प्याजे ठीक है। एक नाम आजूगा वाइग्योस्की का दूसरा नाम आजूगा जीन प्याजे। दो लोगों के नाम है कि नाम है एक तो आजूगा हाँ एनसीएफ होने ही करा देना अनएकडेटल रिकॉर्ड होने ही करा देना टेंशन फ्री रहो जी मेन मेन चीज़ा वही दसूँगा मैं। सीक्वेंस वाइज चीज़ करते हैं वो आजूगा तड़ा ठीक है। ठीक है एक मिनट चलन दो गल बस हूँ रुक जाओ एक मिनट। लैंगुएज एंड थॉट बारे वाइग्योस्की की गल है भी तो जीन प्याजे की गल है। दो गल् है पहली गल वाइग्योस्की की कह रहे कि पहले की आऊगी पहले लैंग्वेज आऊगी पहले लैंग्वेज पहले की आऊगी लैंग्वेज तो जोड़े थॉट है वह बाद च आएंगे थॉट्स जोड़े है वह बाद च आएंगे। वाइग्योस्की की कह रहे पहले थॉट आएंगे यानी कि थॉट्स जोड़े है वह पहले आएंगे तो लैंग्वेज जोड़ी है वह बाद च आऊगी ठीक है। ये दो गल्ल है क्या ये वाइग्योस्की की कह रहे कि जी लैंग्वेज है लैंग्वेज लैंग्वेज की करूगी साढ़े आइडियाज जड़े साढ़े आइडियाज है आइडियाज नू डायरेक्शन दे रही है आइडियाज नू की दे रही है डायरेक्शन दे रही है कौन दे रही है लैंग्वेज दे रही है यानी कि वाइग्योस्की का लैंग्वेज बारे लैंग्वेज पहले आऊगी तो बाद च की आऊगा थॉट वगैरह आएंगे ठीक है। वाइग्योस्की जीन प्याजे की कह रहे पहले थॉट आऊगा बाद च लैंग्वेज आऊगी ठीक है समझ आ गई गल। चलो अगे फिर आप नैक्सट पेज पर जावे इन्ह के होर विचार है। एक वर्ड आऊगा इनर स्पीच इनर स्पीच ए वर्ड आजूगा प्राइवेट स्पीच प्राइवेट स्पीच। एक तो होजूगा इनर स्पीच एक होजूगा प्राइवेट स्पीच। जोड़ा इनर स्पीच तो प्राइवेट स्पीच है वह पता की होगा ये बारे भी इन्ह के दोनों के अलग अलग विचार होजूगा। ये होजूगा स्पीक विद दैमसैल्फ अपने आप नाल बोलना स्पीक विद की होजूगा अपने आप नाल बोलना हिमसैल्फ है ना हिमसैल्फ अपने आप नाल बोलना ये होजूगा अपने आप नाल जो आप गल करते हैं इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच बोलेंगे आप ठीक है। इनर स्पीच तो प्राइवेट स्पीच बोलेंगे ठीक है। फिर की बोलेंगे ये बारे भी वाइग्योस्की दे वाइग्योस्की ते जीन प्याजे दे अड अड विचार है ना। जीन प्याजे की कह रहे हैं कि छोटा बच्चा जड़ा है दो साल तो लेके चार साल तक इनर स्पीच करूंगा क्यों करूंगा क्योंकि बच्चा ईगोसेंट्रिक होगा। बच्चा की होगा ईगोसेंट्रिक छोटा बच्चा की है ईगोसेंट्रिक है इस करके वो की कर रहे हैं इनर स्पीच कर रहे हैं। फिर की होगा वाइग्योस्की की कह रहे हैं इनर स्पीच ते प्राइवेट स्पीच इन की करूगा छोटा बच्चा नहीं करूगा सारे ही करते हैं आप है ना। आप सारे जो आप टेंशन च होंने जो आप टेंशन च होंने
जो आप कोई प्रॉब्लम घिर जाने जो अपने सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो उदो आप करते हैं इनर स्पीच करते हैं क्योंकि इनर स्पीच अपने आप गल करते हैं जो आप अपने आप गल करा जो पेपर देन जाओगे ना जो पेपर देन जाओगे तो पेपर दे विच की करोगे आप इनर स्पीच करते हैं कई बच्चे अपने आप गल करते क्वेश्चन नहीं आता तो अपने आप गल करे ठीक है तो इनू बोलते हैं आप इनर स्पीच ये की कहूगी इनर स्पीच अपने गल करना इनर स्पीच साढ़े आइडियाज नू डायरेक्शन देती है इनर स्पीच की करूगी डायरैक्ट करूगी की करूगी डायरेक्शन देगी कि साढ़े आइडियाज नू साढ़े दिमाग से आइडिया आजूगा आइडियाज आजूगा कौन कह रहा है वाई क्यूस की कह रहा है ठीक है भाई चलो अगे नैक्सट नैक्सट एक करते हैं आप लर्नड लर्नड हैल्पलैसनैस लर्नड हैल्पलैसनैस एक वर्ड लिख लो ये वर्ड का यूज किन्ने किया ये वर्ड का यूज किया रैस कोरला ने रैस कोरला एंड वैगनर ने रैस कोरला एंड वैगनर ने लर्नड हैल्पलैसनैस वर्ड का यूज किया यह होगा कि यह होगा कि हम अपना अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर आप करते हैं नवी सिचुएशन दे विच नवी प्रॉब्लम जो आऊगी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर आप करांगे जो साढ़े सामने नवी सिचुएशन आऊगी तो आप करते हैं बिना कोशिश किए ही हार मान लें कोशिश भी नहीं करते या कोशिश नू सहना सीख जाएंगे कोशिश नू आपां बीयर करना सीख जाएंगे ये की होगा अपना इनू बोलते हैं आप लर्नड हैल्पलैसनैस लर्नड हैल्पलैसनैस लग गया पता हाँ करवा रहा ये करवा रहा तुसी टेंशन फ्री रहो आप करांगे लर्नड हैल्पलैसनैस लग गया पता मैं एक मिनट मेरे जो टॉपिक दिमाग से आ रहे हैं ना वो तुसी मैंने करवा लेना तो बाद चुप कर दें गल ठीक है लर्नड हैल्पलैसनैस हो गया पानी दे लर्नड हैल्पलैसनैस लग गया पता भाई यस और नो लर्नड हैल्पलैसनैस की होगा भाई देखो गल सुनो यदा थोड़ा जहा एग्जाम्पल दे देना एग्जाम्पल आप ले लें लर्नड हैल्पलैसनैस का एग्जाम्पल की होगा मान लो एग्जाम्पल लै लें यस किसी का एग्जाम्पल लै लें राजेंद्र राजेंद्र रुपिंदर यस मान लो कोई कुड़ी हैगी है तो यदा की होया रिश्ता हो गया है ना तो रिश्ता हो गया तो सामने वाले ने रिश्ता होने तो बाद ना कई इनफॉर्मर होंगे आ जे तुहाडी रिश्ते की गल चलती हो कि तुहाडे कोल कोई फोन आऊगा अननोन जा ते जे कुड़ी का रिश्ता तो वह मुंडे वाली चुगलियां करनगे ते जे मुंडे का रिश्ता तो वह कुड़ी वाले दी चुगलियां करनगे है ना वो कहणगे मुंडा तो जमा नखत्ता है तुसीं कित्थे फस गए भैन जी कुड़ी तो इहदे नाल कुड़ी नूं खूह च धक्का मार दो इह तां मुंडा एवें दा वी इह सारा दिन मतलब घरे वड़दा ही नहीं हैगा है ना तो यह की होगा कुड़ी नूं पहले ही पता लग गया कुड़ी पहले ही तैयार सीगी है ना भी देखता यदि सस की गल करो तो सस तो इन्नी माड़ी है भैड़ी है तो कुड़ी सस वास्ते पहले ही तैयार होकर गई तो यह की करूगी ये लर्नड हैल्पलैसनैस नहीं हैगी जे कुड़ी नू पता ना लगे मान लो तो कुड़ी नू जाके देखे पुराने अनुभव के बेस पर ठीक है ठीक है अनुभव के बेस पर आप गल करते हैं आप अनुभव के बेस पर किसी चीज़ नू सहना सीख जाने वो हो जाऊगा लर्नड हैल्पलैसनैस फिर आप नैक्सट करते हैं नैक्सट चलो भी एक वर्ड लिख लो तुसी जी गार्निक इफेक्ट जिगार्निक इफेक्ट यह बहुत वधिया गल है भी ये जिगार्निक ने कही सी इहदा नाम आजूगा जिगार्निक नाम है एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिगार्निक इफेक्ट यह पता की है ये इमोशंस वास्ते भी है एक आदे वास्ते है ये मोटिवेशन वास्ते भी है ये मोटिवेशन की गल भी कर रहा है तो इमोशंस की गल भी कर रहा है ठीक है ये है कि यह चीज़ देख लो की होगी जिगार्निक इफेक्ट मैं तुम दसदा ये पता की कह रहा है जे तुसी कोई काम कर रहे हो ना वो काम नू पूरा ना करो वो काम नू अद्धा छड़ दो ये की कह रहा है जे तुसी कोई काम कर रहे हो ना मान लो पढ़ रहे हो तो पूरा लैसन ना पढ़ो अद्धा छड़ दो मतलब काम नू तुसी अद्धा छड़ दोगे जो आप काम नू अद्धा छड़ दांगे तो की होगा भी होगा कि यह कह रहे कि अद्धे काम ने साडे दिमाग से टेंशन क्रिएट करनी है अद्धे काम ने साडे काम दे की करनी है टेंशन क्रिएट करनी है तो यह सानू चीज़ याद रहूगी जे तुसी अद्धा पढ़ के अद्धा छड़ता ना तो यह चीज़ तुहानू याद रहूगी यह हो जूगा जिगार्निक इफेक्ट मतलब जेडे जेडे काम तुसी अद्धे छड़े आ ना अधूरे छड़े आ हाँ जेडे जेडे काम आपां अधूरे छड़े आ वो की होणगे वो होणगे जिगार्निक इफेक्ट
अद्धा काम छड़ दो पूरा ना करो, जे काम पूरा करता तो टेंशन फ्री हो जाएंगे आप, जे काम करता पूरा तो फिर की हो जाएंगे टेंशन फ्री, है ना। ठीक है भाई, समझ आ गई। सलविंदर सिंह, गुरसाहिब सिंह, अमनदीप, बाणी संधु, प्रोफेसनल सरदार, गुरसाहिब सिंह, नवी कंबोज, यस। चलिए जिगारनिक इफेक्ट वाली, हाँ ईवीएस छड़ रखी है जिमें, यस जिमें इन्होंने ईवीएस छड़ रखी है, बिल्कुल टाइम ते न्यू न्यू वर्ड्स दस रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही, तो मैं तुम्हें कह रहा नंबर ही सीटी जा रहा, मैं ये तो नंबर ही सीटी जा रहा, जिगारनिक इफेक्ट जिगारनिक नहीं दिता मतलब की होजूगा। नैक्सट नैक्सट की होजूगा, मोर बिड मैमरी, मोर बिड मैमरी वर्ड, मोर बिड मैमरी लिख लो, मोरबिड मैमरी किन्ने वर्ड दिता है सिगमंड फ्राइड ने, मोरबिड मैमरी वर्ड किन्ने दिता है सिगमंड फ्राइड ने वर्ड दिता है, सिगमंड फ्राइड ने, है ना। मोरबिड मैमरी वर्ड किन्ने दिता है सिगमंड फ्राइड ने भी, ठीक है। समझ ना आवे एक मिनट बुक्स के नाम मैं बाद च कराना, एक मिनट जो चल रहा ना वो चलन दो, एक मिनट आ ना को भी आ करा दो, मैं अपने आप करा दूंगा, मैंने तो ज्यादा टेंशन है जी, मैं रात को सोंदा नहीं, रात को मैं सोंदा नहीं, रात को नींद नहीं आती, मैंने ऐ तुम सारे देख दो, है ना, कहते सलविंदर सिंह देखता, कहते गुरप्रीत कौर, सारे जवाक पेपर दे जाते हैं तो टेंशन के भी जवाक देखते हैं, है ना, टेंशन ना लो तुम, मैं सारा करवा दूंगा, टेंशन टेंशन फ्री रहो। चलो मोरबिड मैमरी की होगी, इन सिलैक्टिंग फोरगेटिंग बोलते हैं, सिलैक्टिव सिलैक्टिव फोरगेटिंग, सिलैक्टिव फोरगेटिंग बोलता मोरबिड मैमरी, है ना। मोरबिड मैमरी होगी कि भी एक ना गीत राजे, तेरी कली कली फोटो नू डिलीट मारे आनी, मैं सारा गुस्सा पंज तारा ठेके उत्ते बह के तारिया, हाँ एक मिनट लैके जाइए मोने नू, मोने लैके जाइए नू, एक मिनट रोनू रुक जा रुक जा, आ जा नोनू, तू मिलना चाहूगा तो मिल ला, आल है ना, की होगा भी सुपनिया दे विच। चलो भी मोरबिड मैमरी सुन लो, तेरी कली कली फोटो नू डिलीट मारिया नी, तेरा सारा गुस्सा पंज तारा ठेके उत्ते बह के तारिया। हुण पता की सीगा, जे टुट गई फ्रेंडशिप, जे टुट गई यारी, तो फिर की होगा, याद आऊगी बेचारी, है ना बेचारे नू बेचारी याद आऊगी, तो टुट गई यारी तो फिर की होगा भी, ओ जे याद उन्हू याद कर करके टेंशन च रहूगा, तो उन्हें की सोचा, उन्हें सोचा भी ये चंगा है भी ये फोटो डिलीट मार दें, है ना, ते कली कली फोटो नू डिलीट मारिया नी, तेरा सारा गुस्सा पंज तारा ठेके उत्ते, ओ की होगा। हुण गल सुन लो, मोरबिड मैमरी होगी की, सिगमंड फ्राइड ने वर्ड यूज किया मोरबिड मैमरी, ये हो जूगी सिलैक्टिव फोरगेटिंग। ये जिहड़ियां अपनियां यादां हैगियां ना, यादां पुरानियां यादां तुसीं याद करदे हो, जे वधिया यादां हैगियां तुहानूं वधिया फील होगा, ते जे यादां वधिया नहीं ना हैगियां, है ना, जे अगली डोली चढ़ लै के पता की है, अगली दा विआह हो गया, टोली चढ़ के चल गई, तो फिर फोटो डिलीट ही मारनिया, यादा कर करके याद कर करके रो गए, है ना। वो एक गीत है भगवंत मान का, पेंचर करांगे तेरी डोली वाली कार नी ते एवें देखो पता की होया होया कि भी कली कली फोटो नू, मतलब जे तुसी पुरानिया यादा याद कर रहे हो रजे, तो तुहानू जे वधिया फील नहीं हो रहा, तो उन्हां चीज़ां नू आपां की करांगे, उन्हां नू भुलाण की कोशिश करांगे, उन्हों बोलते हैं मोरबिड मैमरी। मोरबिड मैमरी च आप फोरगेटिंग होगी, ये जुड़ी हुई चीज़ों आप कर देंगे, मान लो जो फोटो वाली गल मैं तुम दसी, कली कली फोटो नू डिलीट मारिया, वो जुड़ी जुड़ी हुई हर चीज़ आप डिलीट कर देंगे, वो तो दूर हट जाएंगे, ताकि वह चीज़ा आप भुल जाइए, ठीक है भी ना ऐ ना करो रजे चलो ठीक है भी। मोरबिड मैमरी क्लीयर होगी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। चलो अगे नैक्सट पेज पर चल रहे हैं, चलो नैक्सट पेज पर जा रहे हैं, मोरबिड मैमरी अपना गया हो। चलो भी अगे आप गल करते हैं रजे, एपीसोडिक मैमरी, एपीसोडिक मैमरी, एपीसोडिक मैमरी, मैमरी एपीसोडिक मैमरी की होगी, एपीसोडिक मैमरी, मैमरी वर्ड थोड़ा जा गलत लिखा गया, मैमरी एपीसोडिक मैमरी, दसो एपीसोडिक मैमरी की होगी, एपीसोडिक मैमरी की होगी, ठीक है।
क्लास कंटिन्यू 12 बजे तक चलूगी, भी टेंशन फ्री रहो। एपिसोडिक मेमोरी कर रहे हैं आपा, एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है, देख लो एक मिनट। एपिसोडिक मेमोरी की हैगा, एपिसोडिक मेमोरी पहले तुहानू टाइम मिलूगा, तुसी दसो मैनू की होगा एपिसोडिक मेमोरी, फटाफट देख के दस दो मैनू एपिसोडिक मेमोरी होगा कि उहदे बारे गल करदे आपा। एपिसोडिक मेमोरी, यस एपिसोडिक मेमोरी, क्लास चलती रहूगी राजे, क्लास रोज लगती है, टेंशन फ्री रहो तुसी, क्लास रोज चलती है, मोरबिड मेमोरी होगी। हुण आपां कर रहे हैं एपिसोडिक मेमोरी दी गल, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी की होगी, किहदे नाल जुड़ी होगी, इहदे बारे गल करो तुसी। नींद आ रही है, रुक जाओ राजे एक बार, 11 बजे तक तो चला दो, 3 घंटे चलाण दो। इमोशनल मेमोरी, एपीसोडिक मैमरी आप इमोशनल मैमरी कह देंगे बई, हाँ फ्लैशबल्ब मैमरी कह देंगे एपीसोडिक मैमरी, एपीसोडिक मैमरी की बोल देंगे आप, फ्लैशबल्ब मैमरी बोल देंगे। इन्होंने की क्या, यस की पाया तुसी, यस एपीसोडिक मैमरी च देखो, एक मिनट गल सुन लो, एपीसोडिक मैमरी च होगा कि एक तो एपीसोडिक मैमरी च जेंडर बायसनैस देखने मिलेगा अपन, जेंडर बायसनैस, जेंडर बायसनैस मतलब की होगा, वैसे मैमरी जड़ी है ना, मैमरी मैमरी कुड़िया दी, गर्ल्स दी मैमरी ज्यादा देखने मिलेगी, है ना, कि कुड़ी दे व्याह नू 10 साल हो गए हुण, ते हाँ कुड़ी दे व्याह नू 10 साल हो गए, तो सस नूहां हुण लड़दियां ना, तो वह 10 साल पुरानी गल्लां याद करके लैणगियां, वी कंजरीए तू मैनू आ गल कही सीगी, तो तू मैनू आ गल कही सीगी। जे बंदे नाल लड़ाई हो जाए तो एवें एवें दियां गल्लां, वी बंदा सोचता यार ये मैंने गल कही सीगी, मेरी भी कई बार लड़ाई हो जाती, तो मेरी घरवाली ना सारियां गल्लां, तू मैनू आहा क्या, तू मैनू आहा क्या, तू मैनू आहा क्या, है ना, तो कि सुनना सुनना लवे इतें ही अजे, तो यह ना सारिया गल्लां याद रखदियां, मतलब की होगा एपीसोडिक मैमरी च होगा कि जिहड़ियां घटनावां साढ़े नाल घटियां, जिहड़ियां घटनावां जिहड़ियां जिहड़े इंसीडेंट्स इंसीडेंट्स साढ़े नाल होए आ, जिहड़ियां घटनावां साढ़े नाल घटियां, वो साडी एपीसोडिक मैमरी च होगी। गर्ल्स की एपीसोडिक मैमरी ज़्यादा होंगी है, भी गर्ल्स की एपीसोडिक मैमरी जिहड़ी है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा बोलते हैं, है ना, परसनल लाइफ तुहाडे जीवन नाल जुड़िया हुई घटनावां एपीसोडिक मैमरी च होंगी है। एपीसोडिक मैमरी नूं आपां इमोशनल मैमरी भी कह देंगे, ये इमोशनल भी है, इमोशनस नाल जुड़ी होगी, तो इहनूं आपां फ्लैश बल्ब मैमरी भी बोल देंगे, फ्लैश बल्ब मैमरी ये की होजूगी, तुहाडी फ्लैश बल्ब मैमरी भी होजूगी, ठीक है भाई, गल आ गई समझ। फ्लैश बल्ब कैवें होगी, फ्लैश बल्ब एवें होगी, हाँ फ्लैश बल्ब एवें होगी भी, ये देखो गल सुनो, जिमें ये वो चीज़ देखते ही रजे, कल्ली कल्ली फोटो नूं डिलीट मारिया, तो जो फोटो वाली कि है ना अज मिल गई पिंड के मोड़ से, तो पिंड के मोड़ से मिल जाए तो मिलते ही सारिया चीज़ा फटाफट याद आ जाए कि याद नहीं आ जाए, है ना, घूमती घुमा अज मिल गई पिंड के मोड़ से। बब्बू मान भी बेचारा बड़ा दुखी होया, पहले वधिया गीत गाँदा हुंदा सीगा, है ना, पहले देखो गल सुनो, बब्बू मान के गीतों बब्बू मान की लाइफ झलकती है, स्टार्टिंग च गीत देखो कब्जा लेना है ना, तो मेरे पिंड भी मेरे दिल विच तेरा घर होवे, ते जदों फिर मित्रां दी छतरी तो उड़ गई, है ना, ते उस तों बाद देखो गीत कैवें दे गाण लग गया, मिल गई पिंड दे मोड़ ते, ते मिल गई पिंड दे मोड़ दे विच की होगा, देखो गल सुनो की होगा राजे, ये देखदे ही आपां नूं सारियां घटनावां याद आ जांदियां। मन लो बई की होया, कोई बंदा है ते उहदा हो गया किते एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट दे विच इहदे मतलब लगी चोट लगी, है ना, एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट दे विच इहदे लगी बंदे दे चोट, चोट ज्यादा लगी, ते जिहड़ी थां ते एक्सीडेंट होया भी उह थां तो जदों इह बंदा गुजरूगा उहनूं सारियां चीज़ां याद आ जाणगियां, है ना, उहनूं देखदे ही सारियां चीज़ां याद आ जाणगियां, ते उह की होजूगा, है ना, उह की होजूगा, मतलब देखदे ही बल्ब की तरह चीज़ा याद, बल्ब की तरह फ्लैश बल्ब, मतलब जब बल्ब ऑन होंदा ना वो चीज़ नूं देखदे ही सारी चीज़ा याद आ जानी है, एपीसोडिक मैमरी बोल देंगे आपां, एपीसोडिक मैमरी, ठीक है भाई, यस हाँ इंजरी वाली थां ते जांदे ही वो चीज़ा याद आ जाणगी, उहनूं एपीसोडिक मैमरी बोल देंगे, ठीक है, चलो भाई यस चलो नैक्सट पेज ते जा रहे हैं आपां।
एक ना थोड़ा जिहा मैं तुहानूं मैमरी वाली कहानी थोड़ी जी होर दस दिंदा, मैमरी वाली ना कहानी एक मिनट सुन लो तुसीं, मैमरी वाला थोड़ा जिहा आपां कीता नहीं हैगा, मैमरी वाला करा दां टॉपिक थोड़ा जिहा, मैमरी वाला टॉपिक देख लो, मैमरी वाली कहानी मैं तुहानूं दस दिंदा थोड़ा जिहा, है ना, मैमरी किन्ने तरह की होगी, मैमरी दे टाइप, ठीक है, मैमरी वाला टॉपिक देख लियो, नवे नवे टॉपिक करा रहा मैं, पुराने टॉपिक कोई भी नहीं करा रहा, पुराने टॉपिक जनरल क्लास चलणगे, अज दी मैराथन क्लास है, इस करके आपां थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस दिंदा मैमरी, मैमरी जड़ी है वो की होगी, मैमरी होगी, यस, चलो एक मिनट, नैट खत्म हो गया, कल करवा दा, नहीं नहीं कल नहीं करवाना, देख लेने थोड़े जे घंटा, तीन घंटे चलाई दई है, 12 बजे तक क्या सीगा ते 11 बजे तक आप कर देने, मैमरी देख लो, गल सुन दे आप, मैमरी दी मैमरी दे प्रकार देख लो, थोड़ा जा ग्राफ बना के मिनट च करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहो, हुण मैं ग्राफ बना देना, तो मैमरी नूं आप करते हैं 4 तरह की, पहले तुसी कर दो 4 तरह की मैमरी, मोरनिंग टाइम च इन्ने बच्चे नहीं आते रजे, मोरनिंग टाइम च की बुलानी है क्लास, मैं देख लैने, एक पहला आजूगा सेंसरी मैमरी, पहला की आजूगा सेंसरी मैमरी, सेंसरी मैमरी हो जूगा, एक सेंसरी मैमरी लिख दो, दूसरा की होजूगा शोर्ट टर्म मैमरी, दूसरा की होजूगा शोर्ट टर्म मैमरी, तीसरा की होजूगा वर्किंग मैमरी, वर्किंग मैमरी, वर्किंग मैमरी, चौथा की होजूगा लॉन्ग टर्म मैमरी, लॉन्ग टर्म मैमरी, लॉन्ग टर्म मैमरी, ये होजूगा, एक आ ग्राफ बना लो, मैमरी 4 तरह की हो, एपिसोडिक मैमरी होगी, कंप्लीट करा देना तुहानूं, है एग्जामिनर हुण नहीं पता लगना, यही आणगे क्वेश्चन, ठीक है, हुण करवा देना तुसीं, चलो एक मिनट चलते हैं, 3 बजे तक तो क्लास, 3 घंटे तो लावांगे, अद्धा घंटा होर रह गया, अद्धा घंटे च मैं करा देना ये टॉपिक, चलो आप गल करते हैं राजे, सेंसरी मैमरी की होगा, सेंसरी मैमरी एक मिनट देख लो, सेंसरी मैमरी च होगा की मतलब, मैमरी ना अपनी एवें होगी, पहला तुसीं सेंसरी रखोगे, फिर तुसीं शोर्ट टर्म मैमरी रखोगे, फिर तुसीं लोंग टर्म मैमरी रखोगे, 3 चीज़ां हैगियां, ये तुसीं मान लो सेंसरी मैमरी है, ऐसे लिख देना, ये आपां लिख देने शोर्ट टर्म मैमरी, शोर्ट टर्म मैमरी, ये आपां लिख देने लोंग टर्म मैमरी, है ना, सेंसरी मैमरी दे विच चीज़ां जिहड़ियां एज इट इज़ याद होंदियां, सेंसरी मैमरी दे विच की चीज़ां याद होणगियां एज इट इज़, जिवें वर्ड्स याद होणगे, डेटा जिवें डेटा तुसीं होगा उवें दा उवें डेटा याद कर लांगे, इहनूं याद करन दे विच 2 तों लैके 5 सैकिंड ही लगणगे, 2 तों लैके 5 सैकिंड चीज़ां लगनगियां, ये होजूगी तुहाडी सेंसरी मैमरी, मतलब तुसीं जो पेपर देण जाओगे ना तो दूरों तुसीं देखोगे भी तुहाडा रोल नंबर किहड़े कमरे च है, तुसीं देखिया भी रोल नंबर जिहड़ा तुहाडा रोल नंबर रूम नंबर 7 दे विच है, तुसीं देखदे ही याद होजूगा, है ना, तो सेंसरी मैमरी दे विच जिहड़ियां चीज़ां देखदे ही याद हो जांदियां, सुणदे ही याद हो जांदियां, सेंसरी मैमरी वह होगी मतलब सेंसेस नाल जुड़ी होगी, मतलब रूम नंबर 7 दा याद होगा तुहानूं, रूम की पिक्चर नहीं याद होगी, ये जी चीज़ा है वो कादे नाल याद कादे नाल जुड़िया हो, सिर्फ डेटा याद होगा, पिक्चराइज नहीं होगा डेटा, पिक्चर नहीं बनेगी डेटा की, ठीक है, कंप्लीट करवाऊंगा राजे, टेंशन फ्री रहो, रोल नंबर याद है तुहाडा सेंसरी मैमरी च, रूम नंबर याद है सेंसरी मैमरी, तुसीं बस से बैठे हो, बस का सीट नंबर सेंसरी मैमरी, तुसीं चाबी घर की चाबी कितने रख के आए वो तुहाडी सेंसरी मैमरी, सेंसरी मैमरी जी है वो स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा स्टोरेज होगी सेंसरी मैमरी की, ठीक है, सेंसरी मैमरी की स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर की होगा सेंसरी मैमरी की ड्यूरेबिलिटी थोड़े टाइम वास्ते याद रहेगी, जो तुम बस से बैठे हो बस नंबर याद रहेगा, बस का सीट नंबर याद रहेगा, तो बस तो उतरद सीट नंबर भुल जूगा, तुम कदम बसा च किनिया बैठे हो कहीं सीट नंबर याद है, किन्नी बारी आप पेपर दिता कदे याद है रूम नंबर, हजे याद करके देखो किसी रूम च पेपर दिता रूम नंबर याद नहीं होगा, जो तक उस रूम च बैठे हो तुम्हें रूम नंबर याद रहेगा, यानी कि सेंसरी मैमरी वो सारिया चीज़ा आन गिया, सेंसरी मैमरी की होगा वो सारिया चीज़ा आन गिया जड़िया की हो गया अन मतलब एक टाइम वास्ते तो बहुत जरूरी हो गया बट की होगा लोंग टर्म वास्ते जरूरत नहीं होगी, बस के सीट नंबर का एग्जाम हाल के रूम नंबर का या तो रोल नंबर का साड़ी लाइफ नाल कोई लिंक नहीं है, यदा साड़ी लाइफ नाल कोई लिंक नहीं होगा, पैडागोजी एक दिन दोबारा करा देंगे कोई ना पेपर तक करा दूंगा, टेंशन फ्री रहो, अज तो वधिया क्लास मैं सिर्फ एवें लाई है, नवी चीज़ा कराइया,
सेंसरी मैमरी वाली सारिया चीज़ा आप भुल जाने सेंसरी मैमरी वाली चीज़ा भुल जाने सारिया चीज़ा थले चल जाएगा यानी कि इनू लंबे टाइम तो याद रखने की लोड़ ही नहीं होगी। सेंसरी मैमरी पता लग गया तुहानू सेंसरी मैमरी की होगा सेंसरी मैमरी वही डेटा आऊगा जिहड़ा की होगा एक टाइम वास्ते तो बहुत नसैसरी है एक टाइम वास्ते तो की होगा बहुत नसैसरी होगा दो ते पांच सैकेंड च याद कर लेंगे। सेंसरी मैमरी की स्टोरेज पावर बहुत ज़्यादा हैगी है ना बट थोड़े टाइम वास्ते याद किन्ने रहूगा थोड़े टाइम वास्ते चीज़ा किन्ने टाइम वास्ते याद रहनगिया थोड़े टाइम वास्ते ठीक है। सेंसरी मैमरी वाली चीज़ा कितने भी लोंग टर्म च नहीं जाती फिर शोर्ट टर्म मैमरी दे विच की है याद करन नू आपां नू की लगूगा 25 तो 30 सैकेंड लग सकते यानी कि टाइम दो तीन बार रिपीट करना पेगा याद करने वास्ते चीज़ों की है काफ़ी टाइम लग जूगा मतलब दो तीन बारी तुसीं रिपीट करोगे चीज़ नू दो तीन बारी की कर लोगे नू रिपीट कर लोगे तो तुहानू फिर चीज़ा याद होणगियां ये हो जूगा तुहाडा शोर्ट टर्म मैमरी। शोर्ट टर्म जिहड़ी मैमरी है इहनू प्राइमरी मैमरी कहिंदे आ शोर्ट टर्म मैमरी आप बोलेंगे प्राइमरी मैमरी। प्राइमरी मैमरी किन्ने क्या है शोर्ट टर्म मैमरी प्राइमरी क्यों कहने आप शोर्ट टर्म मैमरी प्राइमरी मैमरी किन्ने क्या है विलियम जेम्स ने यह क्वेश्चन आया होया विलियम जेम्स ने मेरे को पूछा सीगा किसी बच्चे ने विलियम जेम्स ने क्या शोर्ट टर्म मैमरी प्राइमरी मैमरी ए वाली जी मैमरी की क्या विलियम जेम्स ने ए वाली मैमरी की क्या विलियम जेम्स ने ए वाली मैमरी की क्या ये वाली मैमरी सैकेंडरी मैमरी क्या सैकेंडरी मैमरी यानी कि की होजूगा एक तो प्राइमरी मैमरी होजूगी एक होजूगी सैकेंडरी मैमरी ठीक है भी एक तो विलियम जेम्स ने कहा आशू बैल करवा देना रुक जाओ एक मिनट रुको 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 टेंशन फ्री रहो 12 बजे तक अपन एवं इतने ही है क्या प्राइमरी मैमरी केड़ी है भाई शोर्ट टर्म मैमरी सैकेंडरी मैमरी केड़ी है लोंग टर्म मैमरी प्राइमरी मैमरी से सैकेंडरी मैमरी किन्ने क्या है विलियम जेम्स ने क्या है ठीक है। डेफिनेशन रुक जाओ एक मिनट तुम मैं एक मिनट करवाना रुक जाओ एक मिनट आ मैमरी वाला करा दो मैं उस तो बाद करवाऊंगा फिर ये की होगा चीज़ा आप कर लाँगे भी थोड़े टाइम वास्ते मतलब रिपीट करा दो तीन बार रिविजन करा तो याद हो जूगी ये की करते हैं आप सेंसरी मैमरी प्राइमरी क्यों कहने आपू क्योंकि ये जरा लोंग टर्म मैमरी का पहला भाग है लोंग टर्म मैमरी तो पहला भाग यह है तो लोंग टर्म मैमरी दूसरा भाग है। सेंसरी मैमरी का कोई भी डेटा तुहाडा लोंग टर्म मैमरी च नहीं जाऊगा सेंसरी मैमरी का कोई भी डेटा लोंग टर्म मैमरी दे विच नहीं जाऊगा ठीक है। हुण आपां की करदे आ इहदे याद करन वास्ते दो तीन बारी तुसीं रिपीट पा लिया चीज़ां नूं ते इहदे विच वी आपां की करदे आ पहले डेटा याद करदे आ इहदे विच वी पिक्चर नहीं बणूगी डेटा याद होगा ठीक है। इत्थों फिर कित्थे जाऊगा अंकड़ा जे तुसीं इह चीज़ याद करी मान लो तुहानूं किसी का मोबाइल नंबर याद कर लिया तो तुहानू एक बार कम सीगा मोबाइल नंबर याद करन च तुहानू की लगेगा मोबाइल नंबर याद करन च तुहानू 20 तो 25 सैकेंड लगनगे 25 सैकेंड तुसीं चीज़ नू याद कर लोगे मोबाइल नंबर याद हो गया तुहानू एक बार वो बंदे नाल कम सीगा तुसीं कॉल कीती तो तुसीं वो नंबर दिमाग चो डिलीट हो जूगा। ये शोर्ट टर्म मैमरी दे विचों कुछ डेटा आपां भुल जाने जिहदी जरूरत नहीं होगी जिहदी बार बार रिपीटेशन करांगे वो लोंग टर्म मैमरी चल जूगा जिहदी बार बार रिपीट करोगे जिहदी बार बार जरूरत पै रही है तो वह की होजूगा बार बार जरूरत पेगी तो वह की होजूगा लोंग टर्म मैमरी चल जूगा। लोंग टर्म मैमरी के डेटा जोड़ा है पिक्चर राही याद होगा पिक्चर बन जूगी वो ठीक है। तुहानू अपना नाम याद है तुहानू अपना नाम याद नहीं है तुम मेरे वल देख के नाम लिखो तुम जो मेरे वल देख के नाम लिख रहे हो ना तुम मेरे वल देख के नाम लिख सकते हो नाम याद नहीं है तुहानू अपने दिमाग से तुहाडी अपनी पिक्चर बनी हुई है तुहाडा अपना नाम तुहाडी मदर का नाम फादर का नाम पिंड का नाम है ना अपने रिलेटिव दे मोबाइल नंबरस जिहदे नाल तुसीं डेली गल करदे हो वो याद नहीं है बट तुसीं उहनां नूं दस सकते हो क्योंकि ये पिक्चर नाल चीज़ां जुड़ जांदियां। लोंग टर्म मैमरी दे विच की है चीज़ां पिक्चर नाल जुड़ जांदियां लोंग टर्म मैमरीज ठीक है भी समझ आ गई। वर्किंग मैमरी की होगा भी वर्किंग मैमरी दी गल करदे हो वर्किंग मैमरी वर्ड यूज किन्ने किया है वर्किंग मैमरी वर्ड यूज किया एलन बैडले ने एलन बैडले वर्ड होगा इनू बोल दो सी एलन एलन बी ए डी एल वाई एलन बैडले ने वर्किंग मैमरी वर्ड यूज किया एलन बैडले ने ठीक है। चलो
फिर आप गल करते हैं वर्किंग मैमरी की होगा, शोर्ट टर्म मैमरी के जो आप चीज़ों सिस्टमैटिक लगा दें, मतलब देखो गल सुनो, जिवें मेरा मोबाइल नंबर है, एक मिनट मैं तुम्हें दसदा मेरा मोबाइल नंबर की है 94 666 87 111। ये जो मोबाइल नंबर तुम याद करोगे, तुम एक बार मेरे नाल काम है, तुम जो याद करोगे तो यह की आजगा तुहाडा, ये शोर्ट टर्म मैमरी च आजगा, तुम याद करने तुम 20 से 25 सैकेंड लग जाएंगे। फिर ये वर्किंग मैमरी किवें काम करूगी, ये तुम याद करते हो, तुम कहोगे 9 4 94, इस बाद 3 6, इस तो बाद 8 7, इस तो बाद 3 1। इनू की कर रहे हो, सिस्टमैटिक याद कर रहे हो। मैनीमोनिक टैक्नीक जो आप लगा रहे हैं उन्होंने आप वर्किंग मैमरी कह देंगे, ठीक है। मैनीमोनिक टैक्नीक आप लगा रहे हैं, है ना, मैनीमोनिक टैक्नीक जो आप लगा रहे हैं तो यह की होजूगी तुहाडी वर्किंग मैमरी, यानी कि 9 4 आ गया, इस तो बाद 3 6 आ गए, इस तो बाद 8 7 आ गया, इस तो बाद 3 1 आ गए। ये जी प्रोसीजर अपना रहे हैं ये तुहाडा होजूगा वर्किंग मैमरी। वर्किंग मैमरी वर्ड एलन बैडले ने किया है, ठीक है। फिर आप गल करते हैं लोंग टर्म मैमरी की भी। लोंग टर्म मैमरी की पिक्चर याद, पिक्चर राही चीज़ा याद हो गया, लोंग टर्म मैमरी वाली चीज़ा कदे भी आप नहीं भुलते, ठीक है भी, कदे भी कोई चीज़ नू भुलते ही नहीं। ये तुहाडा नाम, तुहाडा अपना नाम जिहड़ा है वो तुसी तुहानू याद नहीं गा, तुहाडी पिक्चर नाल जुड़िया हैगा, ठीक है भी। ये जिहड़े आंकड़े है ये परमानेंट हो जाते, ये परमानेंट बोलांगे आप लोंग टर्म मैमरी, ठीक है भी। समझ आ गई गल, यस और नो, शोर्ट टर्म लोंग टर्म वाली कहानी गल पता लग गया। हुण आपां एक गल करते हैं जिहड़ी शोर्ट टर्म मैमरी है इहनू बोलदे आं आपां इनएक्टिव। शोर्ट टर्म मैमरी सॉरी लोंग टर्म मैमरी, लोंग टर्म मैमरी, लोंग टर्म मैमरी होजूगी तुहाडी इनएक्टिव। अगे मैं गल करदा, चलो लोंग टर्म मैमरी के प्रकार देख लो, एक मिनट हुण आपां लोंग टर्म मैमरी करांगे। लोंग टर्म मैमरी, लोंग टर्म मैमरी के प्रकार कर लो, तुसी दो प्रकार हो जाएंगे, दो तरह की है लोंग टर्म मैमरी। लोंग टर्म मैमरी दो तरह चीज़ा, एक हो जूगा फैक्ट मैमरी, वो मैमरी जी फैक्ट नाल जुड़ी हैगी, फैक्ट मैमरी जी फैक्ट मैमरी है इनू बोल देंगे आप डिकलेरेटिव मैमरी, डिकलेरेटिव मैमरी, ये हो जूगी डिकलेरेटिव मैमरी, ये फैक्ट मैमरी होजूगी, डिकलेरेटिव मैमरी होजूगी, दो अड अड नाम है, ना, एक फैक्ट मैमरी है एक डिकलेरेटिव मैमरी है। फिर शोर्ट टर्म मैमरी नू की कहिंदे आ, शोर्ट टर्म मैमरी नू, एक मिनट रुक जाओ, इनएक्टिव पैसिव मैमरी होजूगी, ना। फिर आप गल करते हैं इहदे विच की आ जूगा, इहदे विच दो पार्ट आ जाएंगे फैक्ट, एक होजूगा एपीसोडिक, एक की होजूगा एपीसोडिक होजूगा, एक होजूगा सीमेंटिक, सीमेंटिक, एक तो होजूगा एपीसोडिक, एक होजूगा सीमेंटिक, दो हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जाओ ना भी स्टूडेंट घट ना हो तुसी, एक मिनट रुक जाओ, शोर्ट टर्म मैमरी रिपीट कर देना मैं, एक मिनट रुक जाओ, शोर्ट टर्म मैमरी बल बिरमजीत कौर रुक जाओ एक बार, तुसी जाओ ना भी, जे जाओगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, ये मैं करवा लैन दो, उस तो बाद आप करते हैं, ठीक है। ये की होजूगी, ये होजूगी नॉन डिकलेरेटिव, एक पार्ट होजूगा नॉन डिकलेरेटिव, नॉन डिकलेरेटिव, है ना, इहनू आपां बोल दांगे स्किल मैमरी, स्किल मैमरी, स्किल मैमरी, इहदे विच स्किल्स आजूगी। इहदे विच होर की बोल दांगे, इहनू बोल दांगे प्रोसीजरल मैमरी, प्रोसीजरल, प्रोसीजरल मैमरी, यानी कि इहदे विच एक्टिविटी आजूगी, इहदे विच तुहाडी ट्रेनिंग आजूगी, एजुकेशन आजूगी, ठीक है। एक मिनट थोड़ा जिहा इक करा दिंदा, ठीक है, फिर आप कर लेंगे। वर्किंग मैमरी होजूगी करमजीत कौर, एलन बैडले ने यूज किया वर्किंग मैमरी वर्ड, वर्किंग मैमरी होजूगा जो तुम याद कर रहे हो तो उन्होंने सिस्टम नाल याद करोगे भी 9 4 आ गया, उस तो बाद 3 6 आ गए, उस तो बाद 8 7 आ गया, ठीक है। एक मिनट कर लेने, तुम बाद देख लियो क्लास, जाओ ना तुम, ठीक है, जाओगे तो दिक्कत होजूगी, है ना। डिकलेरेटिव एक्सप्लीसिट, इनू आप बोलते हैं एक्सप्लीसिट, एक्सप्लीसिट मैमरी, ये वधिया क्वेश्चन है राजे, एक्सप्लीसिट बोलांगे इनू आपां। होर आप की बोल सकते हैं डिकलेरेटिव नू, एक्सप्लीसिट हो गया। फिर एक की होगा, यस लोंग टर्म मैमरी इनएक्टिव है, ठीक है। ये जिहड़े तुहाडे डाउट हैगे मैं कर दूंगा क्लीयर, ठीक है, अज आप कर लैने सारा, तुसीं टेंशन फ्री रहो। हुण डिकलेरेटिव का मतलब की होजूगा, देखो एक मिनट होर, डिकलेरेटिव वर्ड किन्ने यूज किया, टोलविंग ने,
एक वर्ड लिख लो तुसी टुलविंग, टुलविंग ने वर्ड यूज किया टुलविंग, टुलविंग ने डिकलेरेटिव मैमरी क्या इन्हों डिकलेरेटिव मैमरी ये की होगा फैक्ट याद करा जिन्हें जेडे जेडे फैक्ट है वो सारे डिकलेरेटिव मैमरी च आएंगे, जेडे जेडे फैक्ट है वो सारे सारे डिकलेरेटिव मैमरी च आएंगे। ठीक है हाँ सारे जाओ ना भी जाना नहीं है पेपर पेपर पास करना है ना तो जाना क्यों है ना। एपीसोडिक मैमरी तुम्हें दस ही दी, एपीसोडिक मैमरी होजूगी फ्लैश बल्ब मैमरी, फ्लैश बल्ब मैमरी एपीसोडिक होजूगी, ये घटनावां आनगियां ये की होगा आप चीज़ा याद कर लाँगे, जेडे चीज़ा याद कर रखी है ना फैक्ट वगैरह वो सीमेंटिक अर्थ नाल चीज़ा याद कर रखी, जिवें बच्चे ने एप्पल याद कर लिया ए फोर एप्पल, ए फोर एप्पल जिहड़ा बच्चे ने याद किया है वह सीमेंटिक च आजूगा, जो तुम मीनिंग नाल विद मीनिंग चीज़ों याद करोगे वो सीमेंटिक च आजूगा। ठीक है ये जी नॉन डिकलेरेटिव है ये की होजूगा प्रोसैस, मान लो आप पढ़ाने का तरीका है, लिखण का तरीका है, अपने कार चलाने का तरीका है, जिहड़ी 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 जी चीज़ां तुसीं स्किल डिवेलप कर रखियां वो सारियां इहदे विच आ जाणगियां। ठीक है ये नॉन डिकलेरेटिव होजूगा, इहनूं याद करन वास्ते की है ये इंपलीसिट होजूगा, इंपलीसिट है ना, इंपलीसिट है ना, ये होजूगा तुहाडा ए की होजूगा सीमेंटिक, ए की होजूगा इंपलीसिट, इनू याद करन वास्ते बार बार कोशिश नहीं करनी पैंदी, अपने आप दिमाग च आ जांदियां चीज़ां, इन्हां नू याद करन वास्ते इनू याद करन वास्ते कोशिश करनी पऊगी, इहदे च फैक्ट आ जाणगे, ये तुहाडी होगी डिकलेरेटिव ते नॉन डिकलेरेटिव। ठीक है चलो सारे जने बैठे रहो भी, इस तों बाद आपां कल कर की गल कर रहे सीगे, ये मैमरी वाला टॉपिक तुहाडा हो गया कंप्लीट। ठीक है एक्सप्लीसिट हो गया इंपलीसिट हो गया, क्वेश्चन आ सकता है आजूगा तो दिक्कत नहीं होगा। फिर आप गल कर रहे राजे, एक किसी ने की किया सीगा वर्ड बोलिया सीगा की केड़ा वर्ड बोलिया सीगा अंशुबैल, यस हुण मैं अंशुबैल करवाऊंगा, जाना नहीं है राजे जाना, अंशुबैल आप गल करते हैं, अंशुबैल की गल करांगे, जाना नहीं गा अंशुबैल तो गैग नहीं करके जाना, अंशुबैल गैग नहीं आप दोनों ही करांगे। ठीक है जिहड़ियां चीज़ां नहीं कीतियां हैगियां वो आप जरूर करांगे। ठीक है अंशुबैल बारे गल करते हैं, अंशुबैल ठीक है इंटैलीजेंस टैसट मैं करवाना तुम्हें टैसट की ना क्लास अलग तो करवाऊंगा, ये ना तीन घंटे से सारा दिक्कत नहीं होगा। हाँ मैं थोड़ी तो पेड क्लास से 35 क्लासा देखिया तो तुम जीन प्याजे मतलब जीन प्याजे की थ्योरी मैं करवा दूंगा राजे कोई गल नहीं हैगा, वो क्लासा बाद च रोक दिती सगिया नहीं तो मैं करवाना ही सगा, मेरी तो आदत नहीं हैगी मैं तो बार बार ही करवाना, मैं तो एक चीज़ में बहुत बार करवाना। हूँ आप करते हैं वर्बल लर्निंग थ्योरी, हुणे ही मैं करवा दूंगा मेरी आ क्लास च पहली क्लास जीन प्याजे वैग्योस्की की है राजे, किसी बच्चे ने कमेंट पाया मेरी पहली क्लास जीन प्याजे वैग्योस्की की है, ये तो अंशुबैल तो बाद इंटैलीजेंस के टैसट करवाऊंगा, वर्बल लर्निंग थ्योरी, वर्बल लर्निंग थ्योरी नाले ना सबसक्राइब कर लियो चैनल नू तुहाडे फायदे की गल, वर्बल लर्निंग थ्योरी नाम आ जाऊगा अंशुबैल, ए यू अंशुबैल, अंशुबैल अंशुबैल ने की दस्या लर्निंग दे चार प्रकार दसे है ना, चार प्रकार दसे चार तरह की लर्निंग दसी है, चार तरह की लर्निंग लिख लो, पहली लर्निंग आजूगी रोट लर्निंग, रट्टा मार के चीज़ों याद करना, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग होजूगी रोट लर्निंग, दूसरे तरह की लर्निंग होजूगी मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, तीसरे तरह की जी लर्निंग करांगे इन्हू बोल देंगे रिसेप्शन लर्निंग, री आर ई सी ई पी टी आई एन रिसेप्शन लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग, चौथे तरह की लर्निंग होजूगी डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि अंशुबैल ने किन्ने तरह की लर्निंग दसी है देख लो भी 1, 2, 3 ते 4 चार तरह की लर्निंग दसी है अंशुबैल की लर्निंग की है, अंशुबैल की लर्निंग की है, अंशुबैल की लर्निंग चार तरह की, अंशुबैल वाली लर्निंग थ्योरी कितने लागू होगी, अंशुबैल की लर्निंग थ्योरी लागू होगी कितने बई, हाँ मैमरी खत्म हो गया बस कोई ना, हाँ बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, अंशुबैल की लर्निंग थ्योरी एनिमल से लागू नहीं होगी भी, अंशुबैल की लर्निंग थ्योरी ह्यूमन बीइंग से लागू होगी, सिर्फ ह्यूमन बीइंग से जिहड़ा चीज़ों समझ के याद करता है, बाकी लर्निंग थ्योरी एनिमल्स से लागू हो जाती है, ये एनिमल्स लागू नहीं होएगी।
रोट लर्निंग का की होगा, रट्टा मार के चीजा याद करना विदाउट मीनिंग, विदाउट मीनिंग चीजा रट्टा मार के याद कर लेंगे रोट लर्निंग हो जूगी। फिर की होगा जे आप मीनिंगफुल की गल करते हैं तो विद मीनिंग याद कर लेंगे। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल की जो गल करते हैं तो विद मीनिंग याद कर लिया, ठीक है। तीसरा आजूगा चार टाइप, तीसरा की आजूगा रिसेप्शन लर्निंग। रिसेप्शन लर्निंग से तुम की करोगे, तुम या तो बच्चों रिटन से कुछ दे दोगे, लिख के रिटन से कोई चीज़ दे दोगे या बोर्ड पर लिखा दोगे, बच्चे उन्हें देख के या बोर्ड तो लिख के याद कर लेंगे, उन्होंने रिसेप्शन लर्निंग बोलेंगे, ठीक है। रिसेप्शन लर्निंग, ओके थैंक यू कौर। रिसेप्शन लर्निंग गल क्लीयर होगी, रोट लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। फिर डिस्कवरी लर्निंग की हो जूगी, दुध दे, डिस्कवरी लर्निंग की हो जूगी भी। यस देखो गल सुनो, हुण मैं रोटी भी नहीं खाधी तो मैं पढ़ा रहा, तो तुसी सो ना राजे, सोना मैं सोण का टाइम नहीं है, सोण वाली गल नहीं करनी आपां। यस डिस्कवरी लर्निंग हो जूगा चीज़ा नूं पहले दे एक्सपीरियंस दे बेस ते, पहले दे एक्सपीरियंस दे बेस ते, यानी कि आपां की करांगे पहले दे एक्सपीरियंस दे बेस ते नई चीज़ां दी आपां खोज करांगे, ये हो जूगा तुहाडा डिस्कवरी लर्निंग। यस ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग, ये चारों पॉइंट क्लीयर हो गए। चारों पॉइंट जो क्लीयर हो गए उस तो बाद आप गल करते हैं जी डिस्कवरी लर्निंग है, ये दे भी चार पार्ट हो गए। डिस्कवरी लर्निंग दे चार पार्ट है ना, डिस्कवरी लर्निंग दे किन्ने पार्ट हो जाएंगे, चार पार्ट, चार तरह की डिस्कवरी लर्निंग है, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग फिर की होगी, डिस्कवरी लर्निंग की होगी, ब्रेक नहीं करनी राजे, चलते हैं, कोई कोई गल नहीं है कि ब्रेक करोगे तो फिर बच्चे टुट जाएंगे, ठीक है। तुम सोचोगे पहला हो जूगा डिस्कवरी लर्निंग का कॉम्बीनेशनल लर्निंग, पहला आप बोल देंगे कॉम्बीनेशनल लर्निंग, ये डिस्कवरी लर्निंग का पार्ट हो जूगा कॉम्बीनेशनल लर्निंग। दूसरा की हो जूगा, दूसरा पॉइंट लिखा आप सबोर्डिनेट लर्निंग, सबोर्डिनेट लर्निंग दूसरा पार्ट हो जूगा, सबोर्डिनेट लर्निंग। तीसरा पार्ट हो जूगा कोरलेट लर्निंग, कोरलेट कोरलेटिव लर्निंग, ये तीसरा पार्ट हो जूगा। नेक्स्ट की हो जूगा सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, सुपर ऑर्डी ऑर्डिनेट लर्निंग, ये क्वेश्चन आऊगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, ठीक है। ये चार तरह के पार्ट हो जाएंगे, देख लो एक मिनट कंटिन्यू रखांगे, कोई नहीं कंटिन्यू चलन दें। चार पार्ट हो गए भी, चार पार्ट के देख लो कि कॉम्बीनेशनल लर्निंग की हो जूगा। कॉम्बीनेशनल लर्निंग देखते हैं आप, जनरल आइडियाज़ होंगे, जनरल आइडियाज़ का मतलब एक एक लैके चलूंगा मैं, पहला पॉइंट करवाऊंगा पहले, दूसरा सबोर्डिनेट करवाऊंगा, तीसरा कोरलेट करवाऊंगा, तो चौथा करवा दूंगा सुपर ऑर्डिनेट, ठीक है। पहला कॉम्बीनेशनल लर्निंग की गल करते हैं, कॉम्बीनेशनल लर्निंग, कॉम्बीनेशनल लर्निंग, कॉम्बीनेशनल लर्निंग के बीच देखो तुम, मैं ना पता की सीगा, मैनू ना कै खै गए आते सके, कै आ गया, खै आ गया, गह आ गया, घ आ गया, तो अड़ै आ गया, ये कै खै गए अड़े आते सके, जिमें चै आ गया, छ आ गया, जय आ गया, झ आ गया, य आ गया, ठीक है। ये मैंने सारे आते सके पहले, मैंने पंजाबी नहीं आती सी, फिर मैंने जो पंजाबी सीखी ना तो मैं कॉम्बीनेशन लर्निंग नाल सीखी, मैं की क्या कै जड़ा है वह रै वर्गा है हिंदी च, है ना, तो गै जड़ा है वह गै वर्गा है, ठीक है। घै जड़ा हो जूगा वह घै वर्गा ही है, है ऐ जड़ा है वह ऐ वर्गा है, ठीक है। इस तरह मैं जड़ा है वह मैं वर्गा है ना, तो सै जड़ा है वह भी मैं वर्गा है, मैं एवें सीखी है, इनू बोल देंगे कॉम्बीनेशन लर्निंग। कॉम्बीनेशन लर्निंग लग गया पता, कॉम्बीनेशन लर्निंग एवें होगी, ठीक है। कॉम्बीनेशन लर्निंग की कहानी की हो जूगी, कॉम्बीनेशन लर्निंग का मतलब हो जूगा कुछ कॉमन चीज़ा है, कुछ कॉमन चीज़ा के बेस पर, जिमें की होगा एक छोटे बच्चे एप्पल दिखाया, एप्पल दिखाया उन्होंने जवाक न सिखाता एप्पल, इन पता लग जूगा एप्पल है। जे बच्चे ओरेंज देवे तो पहले उन्हें की कहूगा, वो एप्पल कहूगा, ओरेंज में भी एप्पल कहूगा, क्योंकि वह कॉम्बीनेशन के बेस पर कह रहा है। कॉम्बीनेशन लर्निंग का मतलब की हो जूगा, ठीक है, ओके राजे, नाउ हांडा, थैंक यू।
कॉम्बीनेशन लर्निंग की हो जूगा कॉमन फैक्टर जर्नल फैक्टर के बेस पे, मतलब दो दो चीजा दे विच कुछ जर्नल चीज होगी कुछ कॉमन चीज होगी वो बेस से आप दूजी चीज की नॉलेज गेन करते हैं, यह होजूगा कॉम्बीनेशन लर्निंग। पहले वाली च की होगा कुछ ना कुछ कॉमन चीज हैगी है, जिमें आ शेर भी एप्पल भी गोल गोल हों आ भी गोल गोल हों, तो जवाक ने की करता कॉम्बीनेशन लर्निंग करता। ये जवाक की करूगा भी असैमीलेशन करूगा, असैमीलेशन असैमीलेशन वर्ड जीन प्याजे ने वर्ड यूज किया असैमीलेशन का, ठीक है ये की करूगा असैमीलेशन करूगा, ठीक है। चलो राजे आगे नैक्सट पॉइंट से जा रहे हैं आप, फिर आ जाऊगा सबोर्डिनेट लर्निंग। दूसरा पॉइंट की हो जाऊगा सबोर्डिनेट लर्निंग, सबोर्डिनेट लर्निंग। सबोर्डिनेट लर्निंग दे विच पहला आप की करांगे, पहला जवाक नू सिखा देंगे फ्रूट्स की होंगे, फिर ये थले जिहड़ा है एवें सिखावांगे एप्पल, एप्पल की होगा एक फ्रूट है, ओरेंज की हो जाऊगा एक फ्रूट है ओरेंज, है ना, बनाना की हो जाऊगा, बनाना की हो जाऊगा एक फ्रूट हो जाऊगा, गवावा की हो जाऊगा, गवावा एक फ्रूट हो जाऊगा। ये सारे फ्रूट के नेम, तो देखो ए सबोर्डिनेट ये फ्रूट के नीचे है ना। पहले जवाक नू तुसी की दसोगे फ्रूट बारे दस दोगे, यानी कि ये पहले कंसैप्ट पहले सिखावांगे, ये की सिखावांगे कंसैप्ट जिहड़ा है वह पहले सिखावांगे, तो वह कंसैप्ट नाल जुड़िया चीज़ा जी एग्जाम्पल है वह नीचे दवांगे, ठीक है। सारे लाइक एंड शेयर कर दो भी की होगा, पहले कंसैप्ट सिखावांगे कंसैप्ट के बाद वो जुड़े हुए एग्जाम्पल नीचे दे देंगे, ठीक है। ये जिमें एप्पल हो गया, ये जिमें की हो गया ओरेंज हो गया, ये जिमें की हो जूगा बनाना, बनाना बनाते हैं ना इस तरह बनाना बना देंगे, ठीक है इस बनाना, ठीक है ए ए बनाना बनाते, ठीक है ये हो जूगा बनानास, ये की हो जूगा गवावा, है ना। ये सारे चीज़ा पहले फ्रूट सिखाते भी ये एप्पल फ्रूट है, तो ये थले की हो जूगा, ये थले की आ जूगा सारे फ्रूट्स आ गए। ये सबोर्डिनेट लर्निंग है, पहले कंसैप्ट सिखावांगे। इस तरह जे पहले तुसी मांसाहारी जानवरों का नाम सिखा दो तो फिर थले मांसाहारी जानवर दस दो, तुहानू क्वेश्चन आ गया कि पहले तुसी बच्चे नू सिखा रहे हो मांसाहारी, मांसाहारी जानवर, पहले बच्चे नू तुसी मांसाहारी जानवर सिखा रहे हो, तो उस तो बाद तुसी मांसाहारी जानवरों के नाम दस रहे हो, जिमें की आ गया कुत्ता आ गया, जिमें की आ गया शेर आ गया, जिमें की आ गया टाइगर आ गया, ये सारे मांसाहारी जानवरों के नाम दस रहे हैं, तो यह की हो जूगा सबोर्डिनेट लर्निंग हो जूगा, सबोर्डिनेट लर्निंग हो जूगा, इनू बोलेंगे आप सबोर्डिनेट लर्निंग, ठीक है भाई सबोर्डिनेट लर्निंग। चलो नैक्सट तो बात गल करते हैं, सबोर्डिनेट लर्निंग तो बाद आप करते हैं कोरलेटिव लर्निंग। कोरलेटिव लर्निंग, कोरलेटिव लर्निंग, कोरलेटिव लर्निंग ये की करांगे आप, कोरलेटिव लर्निंग एक दूसरे नू चीज़ां नू कोरलेट करके सीखते हैं। कोरलेट मतलब की हो जूगा भी इको नाल कोरलेट करता, कोरलेट की करता जिमें मैनीमोनिक टैक्नीक आप लगाने, मैनीमोनिक टैक्नीक, मैनीमोनिक टैक्नीक दे विच आप कोरलेट कर देने। मान लो तुसी ना किसी चीज़ नू किसी दूसरी चीज़ नाल जोड़ देंदे हो, तो उहदे नाल आप चीज़ां याद करांगे, जिमें की करता जिमें आप की करता कोरलेट कर लाँगे। कोरलेट किवें करोगे तुसी, जिमें कोरलेट हो गया साइकल नू आप कोरलेट कर देने कि मोटरसाइकल नाल, साइकल नू मोटरसाइकल नाल कोरलेट करके आप सीखांगे साइकल की नॉलेज, ठीक है। जिमें मोटरसाइकल सीख रहे हैं तो ये वाली नॉलेज में आप कर रहे हैं ये कोरलेट करता, दो चीज़ों जो आप कोरलेट करके सीखते हैं ये हो जूगा। हाँ पहला कंसैप्ट फिर एग्जाम्पल जोड़ा होगा सुपर सबोर्डिनेट हो जूगा, कोरलेट वाली गल क्लीयर होगी। फिर आप गल करते हैं नैक्सट, नैक्सट गल हो जूगा सुपर ऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट का मतलब की हो जूगा, सुपर ऑर्डिनेट का मतलब हो जूगा पहले तुसी बच्चे नू दस्या कुत्ता, है ना, बच्चे नू फिर दस्या शेर, फिर की दस्या टाइगर, तुसी दस्या आ सारे की हैगे आ ये मांसाहारी जानवर हैगे आ, ये सारे की है ये मांसाहारी जानवर है कार्निवायरस है, ये सारे की है मांसाहारी जानवर है, यानी कि पहले आप एग्जाम्पल दसांगे, पहले एग्जाम्पल दसदे हाँ तो उस तो बाद कंसैप्ट दसांगे, वो बारे कंसैप्ट दस देंगे, ये सुपर ऑर्डिनेट हो जूगा। ये सबोर्डिनेट लर्निंग का उल्टा है, सबोर्डिनेट जिहड़ी लर्निंग है यदा की होजूगा उल्टा है,
कोऑर्डिनेट सुपर सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, ठीक है भाई। यस कहानी समझ आ गई। चलो चलो भी हूँ आप नैक्सट पेज कर रहे हैं। टेस्ट टेस्ट केड़े करांगे? इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस दे टेस्ट करांगे, है ना। इंटेलिजेंस दे टेस्ट करवा दा, सारे जने जाओ ना भी, एक घंटा होर ला देने, है ना, घंटा होर ला दिए। चलो देखते हैं घंटा होर ला के देखते हैं किन्ने के लोग रहिंदे आ। आपां कर रहे राजे टेस्टा की गल करांगे, टेस्ट केड़े केड़े हैगे आ। पहले टेस्ट इंटेलिजेंस दे करते हैं आपां, है ना, टेस्ट इंटेलिजेंस दे, ठीक है। इंटेलिजेंस दे टेस्टा बारे गल करांगे। यस गैगने, ओ गैगने भी करवाना, गैगने भी करवा देना। चलो पहले गैगने वाली कहानी कट दो, गैगने छोटा जिहा हैगा, गैगने वाला कम चक देने पहले, फिर गैगने तो बाद ना फिर टेस्ट टूस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट गैगने वाला देख लो, एक मिनट गैगने वाला कर लेने, उस तो बाद देखते हैं ना। एक मिनट होर सुन लो तुसीं गैगने तो पहले ना, इंटेलीजेंस तो पहले ना, मैं एक तुहानू दसदा, एक ना टीचिंग मशीन वर्ड आऊगा तुहानू आ जाए, टीचिंग मशीन, टीचिंग मशीन, टीचिंग मशीन जिहड़ा वर्ड यूज किया सी पहले सिडनी एल प्रेसी ने वर्ड यूज किया सीगा। ये जिहड़ी तुसीं पेपर करते हो ना, सिडनी सिडनी एल प्रेसी, ये जिहड़ा टेस्ट होगा ना, टेस्ट मान लो एक क्वेश्चन आ गया, एक एम सी क्यूज आ गया, एक एम सी क्यूज देता, मान लो तुहाडे कोल क्वेश्चन आ गया भी जीन प्याजे दियाँ, जीन प्याजे दियाँ किन्नियाँ स्टेजा हैगियाँ, है ना, किन्नियाँ स्टेजेस हैगियां, ठीक है। तो ए क्वेश्चन तो बाद की आजूगा, एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, चार ऑप्शन देते। ये सिडनी एल प्रेसी ने पढ़ने वास्ते पहले सब तो पहले मशीन बनाई सी, ठीक है। सिडनी एल प्रेसी ने पढ़ने वास्ते सब तो पहला एक मशीन बनाई सी। ये मशीन के छोटे छोटे एक एक एम सी क्यूज देता है बच्चों को, एक एम सी क्यूज देता, दो एम सी क्यूज देते, तीन एम सी क्यूज देते, चार एम सी क्यूज देते, एम सी क्यूज दूगा तो बच्चे जरा एक एक एम सी क्यूज करता जाऊगा। सिडनी एल प्रेसी ने बनाई सी, ठीक है। इस तो बाद की होगा, इस तो बाद सिडनी एल प्रेसी के मशीन के बेस पर एक प्रोग्राम बनाया, इनू बोलेंगे आप प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग का जोड़ा कंसैप्ट है ये कि बी एफ स्किनर का, बी एफ स्किनर ने एक प्रोग्राम लर्निंग का कंसैप्ट दिता, प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। फिर की होगा, चलो एक मिनट रुक जाओ, प्रोग्राम लर्निंग का कंसैप्ट है बी एफ स्किनर का भी, ठीक है। इन्हें की किया कि वड्डा कंटेंट पढ़ाने तो ज्यादा, मतलब जे लोंग कंटेंट है, लोंग कंटेंट तो बजाए अपना जे बच्चे नू छोटे छोटे एम सी क्यूज बना के पढ़ाईए, छोटा कंटेंट कर दीए, जिहड़ा तुहाडा कंटेंट है इनू जे तुसी समॉल कर दो, यानी कि समॉल इन साइज कर दो, समॉल साइज दे विच जे इनू छोटा कर दो कंटेंट नू, ते बच्चे आसानी नाल सीख जाणगे। कंटेंट नू छोटा करके एक दो तीन एवें करदे करदे बच्चे दे सामने तुसी लांदे जाओ कंटेंट, पहला कंटेंट पहला पाता, दूसरा पाता, तीसरा पाता, ठीक है। ये होजूगा प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग की होगा, वड्डे कंटेंट नू छोटे छोटे टुकड़ों के विच वंडना, ठीक है। तो बच्चे के सामने की है, तुसी एक एक करके कंटेंट पेश करते जाओ, एक एक कंटेंट करके पेश करते जाओ, तो फिर की होजूगा, ये होजूगी तुहाडी प्रोग्राम लर्निंग। ये की हो जाऊगा, दो पार्ट होंगे प्रोग्राम लर्निंग के, जिहड़ी प्रोग्राम लर्निंग है वो किन्ने पार्ट हो जाएंगे भी, दो पार्ट, किहड़े-किहड़े पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट हो जाऊगा लीनियर, लीनियर प्रोग्राम लर्निंग, लीनियर प्रोग्राम, प्रोग्राम लर्निंग, लीनियर प्रोग्राम लर्निंग। तो दूसरा पार्ट की होजूगा, ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। ये की होजूगा, दोनों पार्ट है प्रोग्राम लर्निंग के पार्ट है, ठीक है। फिर आप नैक्सट की करते हैं बी, ये लीनियर प्रोग्राम लर्निंग बी एफ स्किनर की है, ये जी थ्योरी है ये बी एफ स्किनर की है, थ्योरी नहीं है, एक मैथड है, ठीक है। ये जोड़ा ब्रांचिंग है ये नॉर्मन, नॉर्मन ए क्राउदर की है, क्राउदर, नॉर्मन ए, नॉर्मन ए क्राउदर, क्राउदर, ठीक है, ये आजूगा नाम।
ठीक है। ये आप देखते लीनियर च की है तो ब्रांचिंग दे विच की है। लीनियर का मतलब की हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग की जी गल करांगे तो ये की होगा एम सी क्यूज बना लाँगे सारे कंटेंट का, दो तीन चार पाँच छे पहला एम सी क्यूज नंबर एक, एम सी क्यूज एक बना देंगे कंटेंट का, ये तो बाद दूसरा एम सी क्यूज, एम सी क्यूज नंबर दो, फिर तीसरा एम सी क्यूज नंबर तीन, फिर चौथा एम सी क्यूज नंबर चार, है ना। तो जे बच्चा पढ़ूगा तो एवें चलूगा, पहले तो दूसरे तो जाऊगा, दूसरे तीसरे जाऊगा, छोटे छोटे एम सी क्यूज बनाते एक सीधी रेखा जो चलांगे, ये करके आप इनू लीनियर प्रोग्रामिंग कह देंगे, ठीक है। इनू की कह देंगे आप लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर आप नैक्सट पेज पर जावे ब्रांचिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की गल करते हैं। एक गल एक आ जूगा ब्रांचिंग, ब्रांचिंग से तुम्हें की देखने को मिलेगा ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की जो गल करांगे तो ब्रांचिंग दे विच देखो पहला की होगा, पहला इन्ना सारा कंटेंट पढ़ने वास्ते दिता जाऊगा, जिवें पैसेज ऐसे आ गया, जिवें पैराग्राफ नहीं करना आता तुम्हें, वो तो बाद पांच क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ आता पांच क्वेश्चन हो गए, है ना। ये की होगा देखो पहले एक पैराग्राफ होगा, ये जुड़े हुए दो तीन चार क्वेश्चन हो गए, फिर दूसरा पैराग्राफ आ जूगा, ये जुड़े हुए एक दो तीन क्वेश्चन हो जाएंगे। ये पहला पहला कंटेंट मतलब पहले कंटेंट तो तुम तीसरे पर भी जा सकते हो, तीसरे तो दूसरे पर आ सकते हो, ये कोई सिकवेंस नहीं होगा, इनू बोल देंगे आप ब्रांचिंग, ये सीखने की एक ब्रांच बनेगी, ठीक है, समझ आ गई। इन की होगा एक वर्ड आ जूगा प्रोम्प, पी आर ओ एम पी प्रोम्प्स, प्रोम्प्स वर्ड आ जूगा, प्रोम्प का मतलब हो जूगा जे तुम आंसर नहीं आ रहा तो तुम कल्यू दिता जाऊगा, मतलब कल्यू कह सकते इनू, कल्यू दिता जाऊगा ना, कल्यू बई उस आंसर करने वास्ते कल्यू दिता जाऊगा। लीनियर तो ब्रांचिंग का फायदा की होगा, लीनियर तो ब्रांचिंग से स्टूडेंट जोड़े अपनी स्पीड न सीखे, मतलब किवें सीखे अपनी खुद की स्पीड न सीखे, ठीक है। लर्निंग थ्योरी करते हैं राजे कोई ना, किरण कौर हमने ही देखते हैं आप, है ना। स्टूडेंट अपनी कि सीखे स्पीड न सीखे लीनियर प्रोग्राम, लीनियर तो ब्रांचिंग दे विच की है, टीचर नू भी नाल दी नाल फीडबैक मिल जूगा, तो स्टूडेंट नू नाल दी नाल आंसर सही है या गलत है, आंसर सही है या गलत है वह चीज़ का पता लग जूगा, तो वह चीज़ का जो पता लग जूगा बच्चे नू तो नाल दी नाल उन्हें रेनफोर्सर मिल जूगा, ठीक है, समझ आ गई गल। हूँ आप कर रहे थे, तुम दस्या कि टॉपिक करना सीगा, गैग ने करवाओ भी, गैग ने जे बैठे हो तो मैं करा देना गैग ने। हाँ ब्रांचिंग जो ट्री तरह बन जूगा, यस नॉर्मन क्राउडी नहीं, नॉर्मन 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 ए क्राउडर, यस हो जूगा, ठीक है। चलो थोड़ी जी देर होर कर लेने, गैग ने होर करा देना एक ना, गैग ने फिर आप क्लास कर देंगे बंद। गैग ने गैगनेज हायरकिकल लर्निंग थ्योरी, गैगने की हायरकिकल लर्निंग थ्योरी हो जूगी, गैगने हायरकिकल लर्निंग थ्योरी। गैगने ने की दस्या, गैगने ने की दस्या भी एक बुक है, यदि बुक का नाम तुसी कह रहे थे, बुक का नाम हो जूगा यदा कंडीशंस ऑफ लर्निंग, बुक का नाम हो जूगा कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये बुक का नाम हो जूगा। ये गैग ने की दस रहा भी अठ तरह की लर्निंग दस रहा, अठ तरह की लर्निंग गैग ने दी गल कर दो। गैग ने स्टार्ट कर लिया, आप गैग ने नाम लिख देंगे उपर, गैग ने किन्ने तरह की लर्निंग है, अठ तरह की, अठ टाइप की लर्निंग दस रहा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छे हो गया, सत्त हो गया, अठ हो गया, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन तो एट, ये लर्निंग अठ तरह की दस रहा, अठ तरह की लर्निंग थले तो तां वल जाऊगी, यानी कि किवें जाऊगी, थले तो उपर वल जाऊगी, ठीक है। एक घंटा होर लगा देने राजे कोई ना, टेंशन फ्री रहो विचाले, यस मैं टेस्ट करवा दूंगा, तुसी जाना नहीं है, ठीक है। चलो पहली लर्निंग की आजूगी, पहली लर्निंग आजूगी सिंबल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, पहली की हो जूगी सिग्नल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, ठीक है। दूसरे तरह की लर्निंग हो जूगी स्टिमुलस रिस्पोंस लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पोंस लर्निंग, रिस्पोंस
स्टिमुलस रिस्पोंस लर्निंग हो जाएगी दूसरे तरह की। तीसरे तरह की लर्निंग इन सिंपल चैनिंग, तीसरा हो जाएगा लर्निंग ऑफ सिंपल चैन चैनिंग, लर्निंग ऑफ सिंपल चैनिंग हो जाएगा तीसरे तरह की लर्निंग। चौथे तरह की लर्निंग हो जाएगी वर्बल लर्निंग, वर्बल लर्निंग हो जाएगा है ना, चौथे तरह की वर्बल लर्निंग हो जाएगी। पांचवें तरह की लर्निंग हो जाएगी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग तो बाद की हो जाएगा कंसेप्ट लर्निंग। छठे तरह की हो जाएगी कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग। सातवें तरह की लर्निंग हो जाएगी रूल लर्निंग, रूल लर्निंग। सातवें तरह, अठवें तरह की हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। यानी कि ये देख लो लर्निंग कितने तरह की हो गया, भी लर्निंग होगी अठ तरह की, अठ तरह की लर्निंग। ठीक है, पहली की हो जाएगी सिग्नल लर्निंग। छोटा जवाक पहले सब तो पहले सिग्नल इशारे इशारे सीखता है, एक दो तीन महीने का बच्चा, चार महीने का बच्चा इशारे सीखेगा। स्टिमुलस के प्रति जोड़ा है वह रिस्पोंस कर अजे पता नहीं होगा। जवाक न छोटे बच्चे इशारे का पता लग जाता है, चार महीने का जवाक, जे चार महीने का जवाक है ना तो बैठा है जवाक, तो बैठे बैठे जवाक में पता की करोगे, बैठे जवाक के कोल जाके ऐ करोगे तो जवाक ऐ कर दूगा। उन्होंने बोलते हैं आप सिग्नल लर्निंग, यानी कि स्टार्टिंग दे बच्चा की करूगा सिग्नल लर्निंग करता, इशारियां नाल सीखना सीखता है। ठीक है, फिर की होगा दूसरा पॉइंट, दूसरे से जो गल करते हैं थोड़ा जहा वड्डा हो जूगा तो आप बोलेंगे तो बोलन प्रति रिस्पोंस कर लग जूगा, स्टिमुलस के प्रति रिस्पोंस कर लग जूगा थोड़ा जहा वड्डा होने तो बाद। फिर तीसरा की हो जूगा, जिहड़ी चलना सीखता है, बोलना सीखता है, भजना सीखता है, ये चैन च सीखूगा, पकड़ना सीखता है चीज़ों, चलना सीखता है, ये चैन च, ये एक्टिविटी सीखूगा, ये की सीखूगा एक्टिविटीज, एक्टिविटीज सीखूगा। ठीक है, ये तीन चीज़ा सीख के बच्चा स्कूल च आता है, यानी कि स्कूल तो पहले ही तीन चीज़ा सीख लेंदा, एक घरे ही सीख लेंदा। ठीक है भाई, फिर आप करांगे, फिर नैक्सट आ जाऊगा स्कूल च आप वर्बल लर्निंग कराने, जवाक नू ए फोर एप्पल, एप्पल बच्चा सीख गया सीगा, एप्पल नू ए नाल जोड़ देंगे आप। फिर बच्चा एप्पल दे, एप्पल दे विच ते ओरेंज दे विच की करना, फर्क देख सीखना सीख जूगा। डिस्क्रिमिनेशन दो चीज़ों के आप फर्क सिखा देंगे बच्चे नू। ठीक है, दो चीज़ों जो फर्क सीख जूगा, उस तो बाद की करांगे, उस तो बाद आप की करांगे कंसैप्ट सीख जाएंगे। कंसैप्ट कैसे बनेंगे, कंसैप्ट की होगा जिवें एप्पल का पता लग गया, ओरेंज का पता लग गया, है बनाना का पता लग गया, बनाना का पता लग गया, तो इस तो बाद बच्चे आप सिखा देंगे फ्रूट, वह कह देंगे ये सारे फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स एक कंसैप्ट हो जूगा, ये सारे फ्रूट्स है तो फ्रूट एक, इस तो बाद कंसैप्ट सीखूगा। तो कंसैप्ट सीखने तो बाद की आ जूगा रूल, रूल सीख लूगा, तो उस तो बाद प्रॉब्लम लर्निंग, सब तो हाईएस्ट प्रॉब्लम लर्निंग आ जूगी। ये की हो जूगा अपना भी, ये की हो जूगा, देख लो एक मिनट, समझ आ गई, एक मिनट, पांच एक मिनट तुम रुक्यो, मैं हूँ तुम्हें पता की करवाऊंगा, ये तो बाद टैसट करा राजे आप, टैसट टैसट इंटैलीजेंस दे, इंटैलीजेंस दे टैसट, परसनैलिटी के टैसट। इंटैलीजेंस वाले टैसट जरूरी है बई, ये बहुत जरूरी है। मैं पांच एक मिनट च, पांच मिनट बाद आ जा, दो मिनटा च आ जा, एक मिनट, एक दो मिनट, चलो चलन देने, टैसट चलन दो, मैं रैसट नहीं करता, रैसट करूँगा तो भजोगे सारे जने, है तो बहुत तुम खराब ही हो, चंद्रे हो। हाँ टैसट आप इंटैलीजेंस टैसट कर देने, है ना, इंटैलीजेंस टैसट, इंटैलीजेंस टैसट की गल करते हैं। ठीक है, चलो रिपीट करना भी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको 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 रुको, रिपीट देख लो एक मिनट। यस, परसनैलिटी टैसट, ये टैसट मैं तेन करवा देना, गैगने की लर्निंग देख लो तुम पर। हाँ वो हूँ लगे हुए हैं, हूँ मूड जहा बन रहा मेरा भी पढ़ाने का, है ना, सवेरे तो मेरी नींद ही नहीं जागण, जाग जाग ही नहीं आनी मैनू। ठीक है, चक के रखो काम, एक मिनट देख लो आ भी। हाँ पांच मिनट जाना नहीं है किसी ने, मैं हुणे ही आ गया, रेस्ट नहीं करना, मैं दो मिनटा च आ गया, बस दो ही मिनट लाऊंगा, है ना, एक मिनट च आ गया, जाना नहीं है, एक मिनट करो, एक मिनट च मैं आ जा। ठीक है, मैं टेस्ट करवाऊंगा एक बार।
यस हाँ आ जाओ भाई। यस यस वाह भाई क्या बात है, सारे बच्चे बैठे हैं, थैंक यू भाई। चलो रजे आप करते हैं टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। हुण तुसीं रातां नूं जाग रहे हो, तुहाडा पेपर पास करन तों कोई नहीं रोक सकदा रते। रातां नूं कीतियां मेहनतां कितें वी नहीं जांदियां। तो आपां गल कर रहे हैं टेस्ट की, टेस्ट आजूगा इंटेलीजेंस टेस्ट। हाँ इंटेलीजेंस टेस्ट भी देख लो, बना लें आप कैटेगरी बना लें। चार तरह के टेस्ट होंगे, एक नहीं तीन नहीं तो चार तरह के टेस्ट, इंटेलीजेंस टेस्ट होंगे चार तरह के। आ जाओ भी सारे जने आ जाओ, एक बार थोड़ा दब के लाइक एंड शेयर कर दो भी, थोड़ा जहा हिम्मत मार लो। बच्चे जो 200 हो जाए तो आप फिर क्लास चलती रहूगी रात को, जितों जो तक बच्चे बैठे रहेंगे क्लास चली जूगी। यस आ गया मैं, यस समझ आ रही है। टेस्ट इंटेलीजेंस टेस्ट की गल कर रहे हैं आप, देख लो तुम इंटेलीजेंस टेस्ट किन्ने तरह के होंगे। इंटेलीजेंस टेस्ट देख लो, चार तरह के इंटेलीजेंस टेस्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे। चार तरह के टेस्ट मैं हमने ही सामने रख दे लिख देना, ठीक है। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा तो चौथा, ठीक है। एक बार जिन्होंने किसी को आता हो एक बार तुम दस दो। चार तरह के टेस्ट देख लो, चार तरह के टेस्ट है, चार तरह के टेस्ट। पहला टेस्ट आजूगा वर्बल टेस्ट, एक वर्बल टेस्ट हो जूगा, इनू बोल देंगे आप, एक हो जूगा वर्बल टेस्ट, इंटेलीजेंस का वर्बल टेस्ट, ठीक है। दूसरा टेस्ट, रात को नींद कितने आऊगी रजे, नींद नहीं आनी चाहिए है। दूसरा हो जूगा नॉन वर्बल टेस्ट, फिर की हो जूगा नॉन वर्बल टेस्ट। फिर तीसरा टेस्ट की हो जूगा, तीसरे टेस्ट नू बोल देंगे परफॉर्मेंस टेस्ट, एक टेस्ट हो जूगा परफॉर्मेंस टेस्ट। एक टेस्ट हो जूगा तुहाडा नॉन लैंग्वेज टेस्ट, नॉन लैंग्वेज यानी कि नॉन लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज टेस्ट यानी कि चार तरह के टेस्ट तुहानू देखने को मिलेंगे। लाइक एंड शेयर कर दो थोड़ा जिहा दब के वीडियो नू, थोड़ा जिहा दब के वीडियो नू लाइक एंड शेयर कर दो, लाइक एंड शेयर, ठीक है। थोड़ा जिहा दब के लाइक एंड शेयर कर दो भी, हैं लाइक एंड शेयर कर दो, लाइक एंड शेयर, ठीक है। वीडियो नू लाइक एंड शेयर कर दो सारे जने, चार तरह के, ठीक है। टेस्ट केड़े केड़े हो गए, चार तरह के। पहले हुण टेस्ट का टाइप की होगा, जिहड़ा टेस्ट हुंदा ना टेस्ट दे विच एक होगी इंस्ट्रक्शन, एक बोल देंगे आप इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। एक पार्ट टेस्ट का इंस्ट्रक्शन का हो जूगा, दूसरा पार्ट टेस्ट का हो जूगा कंटेंट का। दूसरे टेस्ट से की होगा कंटेंट होगा, ठीक है। फिर की होगा टेस्ट दे विच आपां की करना होगा, ठीक है। हुण आपां पता की कर रहे हैं, वर्बल टेस्ट दे विच की होगा, मतलब टेस्ट जिवें तुहाडा टेस्ट आ गया, जिवें तुहाडे वाला टेस्ट है, ये पीस्टेट का टेस्ट है, उहदे विच उपर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी भी तुसीं सारे क्वेश्चन करने आ, मतलब इन्ना टाइम हैगा, ये इंस्ट्रक्शन दित्तियां होणगियां। पहले उपर जिहड़ी आ इंस्ट्रक्शन दित्ती होगी, फिर की होगा थले कंटेंट होगा, थले क्वेश्चन होणगे, कंटेंट का मतलब क्वेश्चन। तो हुण आपां पता की करते हैं, वर्बल टेस्ट के जिहड़ा कंटेंट दे रख्या इत्थे आपां लिख देंगे कंटेंट, कंटेंट कंटेंट है ना, सॉरी पहले इंस्ट्रक्शन लिखा, पहले लिखा आप इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा लिख देंगे आप कंटेंट, कंटेंट्स। ये वर्बल टेस्ट के इंस्ट्रक्शन के लैंग्वेज का यूज किया जाऊगा, तो कंटेंट के भी लैंग्वेज का यूज किया जाऊगा, कंटेंट के भी लैंग्वेज का यूज किया जाऊगा, ठीक है। कंटेंट के भी लैंग्वेज का यूज किया जाऊगा, तो वर्बल मतलब जोड़ा लैंग्वेज के भी कंटेंट के भी लैंग्वेज का यूज किया, दोनों लैंग्वेज होगी, लैंगुएज यूज की जाऊगी। जोड़ा तो पीस्टेट का टैसट है वो वर्बल टैसट होगा, ठीक है भाई। पीस्टेट का टैसट आप कह सकते हैं वर्बल टैसट होगा। फिर ये कोई एक्टिविटी हो सकती भी टैसट के, वर्बल टैसट के कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, एक्टिविटी नहीं होगी वर्बल टैसट के, किसी तरह की एक्टिविटी तुम्हें देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। इन्नी गल समझ आ गई। फिर नैक्सट पॉइंट हो जूगा नॉन वर्बल टैसट, नॉन वर्बल टेस्ट के इंस्ट्रक्शन के लैंग्वेज का यूज किया जाऊगा, इंस्ट्रक्शन के लैंग्वेज का यूज किया जाऊगा। फिर की होगा कंटेंट के होगा, तू लैंग्वेज नहीं होगी तो एक्टिविटी भी नहीं करनी होगी, ठीक है। जिमें की हो जूगा रेवेंस, रेवेंस रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, रेवेंस प्रोग्रेसिव जी मैट्रिक्स है, ये की हो जूगा नॉन वर्बल टेस्ट हो जूगा।
नॉन वर्बल टैसट ये तुम्हें की देखने को मिलेगा ये जरा जो रीजनिंग वगैरह का टैसट होगा पता लग गया नॉन वर्बल टैसट कंटेंट के इंस्ट्रक्शन के की देखने को मिलेगा इंस्ट्रक्शन के लैंगुएज होगी ये ना कंटेंट के लैंगुएज होगी तो ना ही ये कोई एक्टिविटी करनी होगी आप करना की होगा देखो वर्बल टैसट नॉन वर्बल टैसट के रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के रीजनिंग वाले सवाल तुम देखे होने एवं एक ना एवें कुछ दिता होंगे एवें देता ए साइड देती इस तरह देता मतलब इस तरह देता ये विचाले कुछ ना कुछ खालिस्तान होगा ए बी सी ते चार डी ऑप्शन हो गए वो इनू फिल करना होगा कि फिगर इनू फिल करूगी वो होजूगा ता नॉन वर्बल टैसट हैप्पी बर्थडे अमन कौन है अमनदीप जेठी का बर्थडे है तो 12 बजे तो बाद टाइम हो गया तो हैप्पी बर्थडे भी अमनदीप अमन जेठी ठीक है चलो नॉन वर्बल का पता लग गया तुम फिर आप गल करते राजे परफॉर्मेंस टैसट यानी कि नॉन वर्बल जो टैसट है वो तुम्हें की देखने को मिला भी नॉन वर्बल टैसट के इंस्ट्रक्शन तो दे रखी है बट ना ही कंटेंट के लैंगुएज है तो ना ही आप एक्टिविटी करनी फिर परफॉर्मेंस के टैसट के होगा कंटेंट इंस्ट्रक्शन के वर्बल द भाषा का यूज किया जाऊगा एक्टिव कंटेंट के लैंगुएज नहीं हैगी एक्टिविटी करा परफॉर्मेंस टैसट के एक्टिविटी देखने मिलेगी परफॉर्मेंस टैसट के एक्टिविटी देखने मिलेगी फिर आप नैक्सट की करते हैं नैक्सट गल करते हैं नॉन लैंगुएज टैसट ना ही तो इंस्ट्रक्शन के एक्टिविटी दी जाऊगी इंस्ट्रक्शन के लैंगुएज दी जाऊगी ना ही ये तुम्हें की मिलेगा कंटेंट के लैंगुएज है ना ही एक्टिविटी करनी ठीक है ये की होजूगा गुड एनफ द ड्रॉएमैन टैसट दो टैसट बन जाएंगे ये एक तो आजूगा गुड एनफ द गुड ई एन ओ यू जी एच अनफ गुड एनफ नाम है ड्रॉएमैन टैसट ये टैसट आजूगा ड्रॉएमैन टैसट ये होजूगा नॉन लैंगुएज टैसट फिर होजूगा कैटल कैटल का एक टैसट आजूगा कैटल का कल्चर फ्री टैसट होजूगा कैटल का कल्चर फ्री टैसट है ये भी नॉन लैंगुएज टैसट है भी ठीक है कैटल का कल्चर फ्री टैसट भी नॉन लैंगुएज होजूगा ठीक है समझ आ गई गल हुण तुसीं टैसटां दे लिख लो नाम टैसटां दे मैं लिखा देना नाम किहड़े किहड़े टैसट कित्थे कित्थे आणगे वो सारे आपां कर लैंदे हां ठीक है चलो आपां गल करदे हां टैसटां दे बेस ते किहड़े किहड़े टैसट हैगे आ किवें होणगे वो सारे तुसीं देख लो ठीक है पहला टैसट आपां कर रहे हां चलो यस इतने ठीक है भी समझ आ रही है कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी जिहड़े बच्चे बैठे हो वो एक बार नाम लिख दो आए मैं टैसट करा देना उस तो बाद आपां नैक्सट करते हैं ठीक है हुण आपां ए टैसट इस तो अगे वाले पेज पर जा रहे हैं टैसटां दे नाम लिखांगे ये चार तरह के टैसट मैं तुहानूं दस्सते आपां नैक्सट पेज पर जा रहे हैं एक आजूगा डेविड वैसलर ने एक टैसट बनाया भी डेविड VECHSLER डेविड वैसलर ने टैसट बनाया टैसट का नाम की होजूगा डेविड वैसलर के टैसट का नाम तुसी लिखोगे WAIS टैसट होजूगा एक तो वैस टैसट होजूगा ये वर्बल टैसट भी है भी तो परफॉर्मेंस टैसट भी है वैस टैसट वैसलर टैसट इनू बोलते हैं आप वैसलर VECHSLER वैसलर टैसट की होजूगा दोनों तरह का है एक तो वर्बल टैसट है तो एक होजूगा ये परफॉर्मेंस टैसट भी है परफॉर्मेंस टैसट भी है ठीक है वैसलर टैसट समझ आ गई वर्बल टैसट भी है वैसलर वाला तो जोड़ा की होजूगा दूसरा परफॉर्मेंस टैसट भी है वैसलर टैसट ठीक है ये जोड़ा वैसलर टैसट है ये साइकेट्रिस्ट जोड़े होंगे साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं ठीक है साइकेट्रिस्ट यूज करते वर्बल टैसट वैसलर टैसट न ठीक है दूसरा की होजूगा ये वर्बल तो नॉन वर्बल दोनों तरह का होजूगा भी ठीक है वैसलर टैसट WAIS टैसट का नाम होजूगा इनू बोलते हैं आप वैसलर अडल्ट इंटैलीजेंस स्केल WAIS ये नाम होजूगा वैसलर अडल्ट इंटैलीजेंस स्केल ये होजूगा है ना ये वर्बल तो नॉन वर्बल दोनों तरह का होगा ठीक है दूसरा आप करते हैं ये एक जवाकों वास्ते भी टैसट है ये टैसट जोड़ा है जवाकों वास्ते भी यूज करा वर्बल तो नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टैसट भी है ठीक है फिर आप दूसरा टैसट की जो गल करते हैं
मतलब ए वाला जो टेस्ट है ये टेस्ट का यूज आप कादे वास्ते करांगे भी एक टेस्ट ये आजूगा WASC है ना वेस्लर टेस्ट वेस्लर टेस्ट फॉर चिल्ड्रंस ये हो जूगा इन बोल देंगे आप चिल्ड्रन वास्ते भी हो जूगा वेस्लर टेस्ट फॉर चिल्ड्रन यानी कि जवाकों वास्ते भी है तो बच्चों वास्ते भी है बड़े वास्ते 16 तो लैके 64 साल के हो जाएंगे तो जवाक जड़े है वो 6 साल तो लैके 16 साल के जवाकों वास्ते होगा ये साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं वर्बल तो परफॉर्मेंस दोनों तरह का टोस्ट टेस्ट हो जाएगा इस तो बाद आप नैक्सट गल करते हैं भी नैक्सट गल करांगे नैक्सट टेस्ट का नाम तुम देखोगे यस एक होजूगा रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स रेवंस हुणे मैं तुहानू दस्या सीगा प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स मैट्रिक्स रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स दे विच तुहानू की देखण नू मिलूगा देखो ये ना नॉन वर्बल रीजनिंग जिहड़ी हुंदी नॉन वर्बल रीजनिंग जिन्हां ने बैंक वगैरह के पेपर दिते रीजनिंग की बुक देखी है नॉन वर्बल रीजनिंग वाले जिन्हें भी टेस्ट होंगे वो इसे तरह के होंगे रेवंस प्रोग्रेसिव नॉन वर्बल टेस्ट हो जूगा ये ठीक है नॉन वर्बल टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट अलग हो जूगा परफॉर्मेंस हाँ नहीं नहीं प्रोफेशनल सरदार अचीवमेंट टेस्ट तो एक अलग चीज़ हो जूगी परफॉर्मेंस अलग हो जूगा ये क्रियावां करनिया होंगे आप कुछ ना कुछ करना होंगे ठीक है फिर आजूगा गुड एनफ द ड्रॉयमैन टेस्ट एक नैक्सट टेस्ट आजूगा गुड एनफ ड्रॉयमैन टेस्ट ये होजूगा टेस्ट नॉन लैंग्वेज टेस्ट बोलेंगे इन नॉन लैंग्वेज टेस्ट है ना नॉन लैंग्वेज टेस्ट होजूगा गुड एनफ द ड्रॉयमैन टेस्ट ठीक है आर्मी अल्फा बेस्ट आर्मी बीटा टेस्ट आर्मी अल्फा ते आर्मी बीटा ये सारे टेस्ट परसनैलिटी दे है इंटेलीजेंस दी है मैं तुम दस देना हूँ ही दस देना ठीक है गुड एनफ द ड्रॉयमैन टेस्ट होजूगा गुड एनफ द ड्रॉयमैन टेस्ट जोड़ा है वो बनाया किन्ने है तो ये गुड एनफ ने बनाया गुड एनफ ठीक है पहले नाम आजूगा गुड एनफ ने बनाया तो बाद च किन्ने दिता है इनू बदलाव भी किया के जी क्लास तो लैके तो नाइनथ क्लास तक के बच्चों से अप्लाई होगा के जी क्लास तो लैके तो नाइनथ क्लास के बच्चों से नॉन लैंग्वेज टेस्ट है गुड एनफ द ड्रॉयमैन टेस्ट ठीक है फिर आप नैक्सट गल करते हैं पी बॉडी पी पी वी टी टेस्ट एक टेस्ट लिखते हैं पी पी वी टी टेस्ट ये नाम आजूगा पी बॉडी पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट पी बॉडी पिक्चर वोकैबुलरी पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट है ना ये टेस्ट हो जूगा पी बॉडी पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट देख लो एक मिनट ये जिहड़ा टेस्ट हो जूगा ये वर्बल टेस्ट है ये टेस्ट नूं आपां बोलांगे वर्बल टेस्ट होगा ये वर्बल टेस्ट ठीक है तो इहदा हो जूगा कि ये डन डन के द्वारा बनाया गया बनाया किन्ने है डन ने बनाया डन डी यू डबल एन डन ठीक है ये होगा कि ये 2.5 साल तो लैके 18 साल तक के बच्चों पर लागू होगा 2.5 तो लैके 18 साल के बच्चों पर लागू होगा ये पिक्चर होगी पिक्चर राही बच्चों वोकैबलरी टेस्ट लिया जाता है वोकैबलरी टेस्ट पिक्चर राही वोकैबलरी टेस्ट लिया जाऊगा ठीक है समझ आ गई फिर आप गल करते हैं रुक जाओ एक मिनट आर्मी अल्फा आर्मी बीटा भी करते हैं कॉपमैन फिर आजूगा के ए बी सी टेस्ट के ला के ए बी सी टेस्ट कॉपमैन ये आजूगा कॉपमैन एंड कॉपमैन असैसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन कॉपमैन सी ए यू एफ कॉपमैन असैसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन ये हो जूगा कॉपमैन असैसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन ये बनाया किन्ने कॉपमैन एंड कॉपमैन ने बनाया ये बनाया किन्ने कॉपमैन एंड कॉपमैन ने बनाया कॉपमैन ने बनाया ये टेस्ट ठीक है ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है भी इंडिविजुअल टेस्ट है इनू आप इंडिविजुअल टेस्ट करांगे ठीक है सारे जने आ जाओ भी ऐ ना करो तुम जे नहीं आओगे तो फिर तुम्हें पता ही है क्लास में मैनू ऑफ करना पेगा ठीक है फिर एक आजूगा कैटल्स कल्चरल फ्री टेस्ट
कैटल कल्चर फ्री टेस्ट, ठीक है। ये कैटल कल्चर फ्री टेस्ट तुम दस्या सीगा कादा है, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट ये नॉन लैंग्वेज टेस्ट है, ये कैटल ने बनाया है, नॉन लैंग्वेज टेस्ट है, नॉन लैंग्वेज टेस्ट। जिहड़ा स्पीयरमैन दी इंटेलीजेंस है ना, स्पीयरमैन ने दो फैक्टर दसे, स्पीयरमैन ने एक जी फैक्टर दसे एक एस फैक्टर दसे। जी फैक्टर का मेजरमेंट ये किया जाता है, जिहड़ा जी फैक्टर होगा यह मेजरमेंट ये किया जाऊगा कैटल कल्चरी कल्चर फ्री टेस्ट दे नाल किया जाऊगा, ठीक है। होर बई समझ आ गई इन्नी, यस फिर एक की हो जूगा, एक टेस्ट आ जूगा पोर्टियस मेज टेस्ट, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, पोर्टियस मेज टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट हो जूगा, ठीक है। एक हो जूगा को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, डिजाइन टेस्ट ये परफॉर्मेंस टेस्ट हो जूगा, ठीक है। पोर्टियस का मेज टेस्ट आ जूगा, ठीक है। चलो हुण बहुत है भी, इन्ना बहुत है, बाकी कल कर लिए, बिने साइमन टेस्ट हो जूगा। चलो हुण आपां करदे हां राजे, कल करते हैं, दो चार टेस्ट होर रह गए, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, ये टेस्ट इंटेलिजेंस के टेस्ट रह गए कुछ तो, यस जनरल एबिलिटी टू स्पेसिफिक एबिलिटी, यस वेरी गुड, समझ आ गई। होर कुछ भी ये तो इलावा हुण आपां कल की रह गया टॉपिक, एक मिनट गल सुनो, इन्ने कर लो राजे, इन्ने तो थोड़े जे होर है, आर्मी अल्फा आर्मी बीटा तुहानूं दस्से नहीं अजे, एक आर्मी अल्फा टेस्ट है, एक आर्मी बीटा टेस्ट है ना। हाँ इमोशनल थ्योरी इंपोर्टेंस है, नहीं इमोशनल थ्योरी गल सुन लो, इमोशनल एक मिनट कोर सुनो, एक मिनट कोर एक गल सुन लो, तुसी इमोशंस, इमोशंस होगा कि इमोशंस होगा, इमोशंस फीलिंग होंगी है साड़ी, फीलिंग फीलिंग नू इमोशंस कहांगे। सब तो पहले ना एक स्टिमुलस आऊगा, जिवें स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस दे नाल आपां एक रिस्पोंस करांगे, रिस्पोंस करांगे, ये रिस्पोंस दे टाइम जिहड़ी चीज़ तुसी फील कर रहे हो वह तुहाडा इमोशंस होगा। जिवें की आ गया सप, आ गया सप की है, एक स्टिमुलस है, सप नू डर डर देख के तुसी भजदे हो, है ना, भजदे हां असीं सप नू देख के भजोगे तो तुहाडा की होजूगा, सप नू देख के जदों आपां भजे तो अपना भजना रिस्पोंस हो गया, भजदे टाइम जिहड़ी चीज़ फील कर रहे हो वह तुहाडा इमोशंस हो जूगा। हमेशा और हमेशा इमोशंस, कदे भी इमोशंस जिहड़े है, हाँ कदे भी इमोशंस जिहड़े बिना स्टिमुलस दे नहीं पैदा होंदे, इमोशंस हमेशा स्टिमुलस नाल जुड़े होंदे है, बिना स्टिमुलस तो हुण आपां आराम नाल बैठे हाँ, साढ़े कोई इमोशंस पैदा नहीं होगा। जे किसी ने मान लो सानूं किसी ने गाल कटती तो गाल स्टिमुलस हो जूगी तो आपां नूं गुस्सा आऊगा, है ना, तो ये की होगा, इमोशंस हमेशा स्टिमुलस नाल पैदा होंदे है। फिर आपां गल करदे हां इमोशंस की, इमोशंस की जिहड़ी स्टडी है छोटे जवाकों से इमोशंस की स्टडी हॉरलॉक ने की है, हॉरलॉक ठीक है, तो 12 साल तो लैके 18 साल के जवाकों के इमोशंस की स्टडी जी है, बड़े जवाकों के इमोशंस की स्टडी की है स्टैनले हॉल ने, स्टैनले हॉल बोलते हैं, स्टैनले हॉल, ठीक है। फिर आप गल करते हैं नैक्स की, जो नैक्स की गल करोगे 0 to 2 years तक इमोशनली ब्लाइंड स्टेज होगी, इमोशनली ब्लाइंड स्टेज का मतलब हो जूगा जवाक कदों रोन लग जाए, रोंदा रोंदा चुप हो जाए, तो चुप होकर जवाक जड़ा है रोन लग जाता है, ये विदाउट स्टिमुलस, ये इमोशनली ब्लाइंड का मतलब हो जूगा, ये जड़े इमोशंस है ये बिना स्टिमुलस के पैदा होते हैं। छोटा जवाक दो साल तक का जवाक क्यों कदों रोन लग जाए तो कदों हसन लग जाए कोई पता नहीं होगा, ठीक है, तो यह की हो जूगा इमोशनली ब्लाइंड स्टेज हो जूगी। फिर की होगा 6 years तो लैके तो 12 years तक कह देंगे इमोशनली मीडियम स्टेज बोल देंगे, मीडियम यानी कि जवाक के इमोशंस इन्ने ज़्यादा हावी नहीं होंगे। 0 to 6 years तक इमोशनल इंटेंसिटी, स्वेगा की इंटेंसिटी की होगी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा स्वेगा की तीव्रता देखने मिलेगी। 6 to 12 years तक इमोशन जोड़े स्टेबल, थोड़े थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर की आऊगा 12 years तो लैके 18 years तक इमोशनली की हो जूगा,
इमोशनली स्टॉर्मी एज कह देंगे इन्हें, स्टॉर्मी एज कह देंगे, स्टॉर्मी एज, ठीक है, इमोशनली स्टॉर्मी एज हो जूगी। ये किन्ने क्या है, जी स्टैनले हॉल ने क्या है, ठीक है। इतने इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, थोड़ी थोड़ी गलते बहुत ज्यादा इमोशंस पैदा हो जाते हैं, है ठीक है। चलिए अगे, सिंगारा सर बैठे है के सो गए, सिंगारा सर भी है लाइव, चलो भी अपन नैक्सट गल कर रहे हैं, ये हो जूगा तेरा इमोशंस। एक थोड़ा जा होर देख लो, सोशल स्टेजा की होर मैं तुम्हें गल दस देना, सोशल डिवेलपमेंट के होगा, सोशल डिवेलपमेंट की जे तुम गल करना चाहो तो ये आप देखते हैं 0 to 6 years तक के जो जवाक होंगे उन्होंने किस तरह का इमोशंस डिवेलप सोशल डिवेलपमेंट होगा। देखो एक महीने तक का जवाक, 1 month तक का जवाक जोड़ा होगा वो अपनी मदर के चेहरे को रिकोगनाइज कर लग जूगा, मदर के चेहरे को रिकोगनाइज कर लग जूगा, मदर के चेहरे की उन्होंने पहचान आ जूगी 1 year तक के जवाक न, एक महीने 1 month के जवाक न, ठीक है। 3 months तक का जो जवाक होगा, 3 months तक का जवाक होगा वो की होगा, उन्होंने ह्यूमन बीइंग मनुष्य नाल रहना चंगा लगन लग जूगा, यानी कि लोग जे कोई वो मंजे दे कोल या बैड दे कोल कोई बैठा है तो जवाक चुप कर जूगा, तो जे मंजे दे कोल बैड दे कोल कोई नहीं बैठा तो जवाक रोन लग जूगा, यानी कि वह ह्यूमन की प्रेजेंस नू पहचानन लग जाता है, ह्यूमन की प्रेजेंस नू पहचानन लग जूगा, है ना। आप वैसे ह्यूमन बीइंग की है जमांदरू सोशल है, इननेट अपने अपने की है, इननेट सोशलिटी पाई जाती है, सोशल है आप, ठीक है। सोशल का मतलब हो जूगा जो ग्रुप से रहा है उन्होंने आप सोशल कहेंगे, ठीक है। पंजाबी मैराथन देखते हैं अपन हूँ की हो जूगा 3 months, फिर आप गल करते हैं नैक्सट की, 5 to 6 months का जोड़ा जवाक है वह की कर लग जूगा, ह्यूमन दे इमोशंस न चेहरे के हाव भाव न इमोशंस न पहचानन लग जूगा, यानी कि जो हस के गल कर रहे हो तो हसूगा, तो जो गुस्से गल कर रहे हो तो बच्चा गंदा जा मूँह कर लेंदा, तो ह्यूमन दे इमोशंस नू की है पहचानन लग जूगा। तो 6 months तक के जवाक दे विच आपां नैगेटिव जिहड़े सोशल गुण है, नैगेटिव सोशल गुण या नैगेटिव इमोशंस नू आपां देख सकते हैं, है ना। मां ने किसी दूसरे जवाक नू चक लिया तो जवाक की करूगा, जवाक गुस्सा होगा, है ना। नैगेटिव इमोशंस नू आपां की है, नैगेटिव इमोशंस 6 months के जवाक दे विच देख सकते हैं, 6 months तो पहले जवाक दे विच नैगेटिव इमोशंस नहीं होंगे। 2 years की उम्र के विच एक होर गल करते हैं, 8 to 9 months का जवाक जिहड़ा है वह तुहाडी नकल कर लग जूगा, नकल, है ना, नकल कर लग जूगा 8 to 9 months का जवाक। 12 months का जवाक जिहड़ा होगा वह अपनी परछाई नाल खेलन लग जाता है ना, परछाई नाल, परछावें नाल की हो जूगा, खेलन लग जूगा, ठीक है। फिर आप गल करते हैं 2 years तक का, 2 years 2 years तक का जो जवाक होगा वह घर के काम कर लग जूगा, घर के कामों के विच मां जिहड़ा काम कर रही है, कामों विच मां दे नाल काम कर लग जूगा, मां कपड़े धो रही है तो जवाक कहूगा मैं भी कपड़े धोने नाल, मां झाड़ू मार रही तो जवाक फड़ के झाड़ू मारूगा, ये 2 years तक का जवाक करूगा एवं, ठीक है। फिर आप करते हैं 0 to 6 years तक, 2 years के जवाक के नैगेटिव तो पॉजिटिव, नैगेटिव तो पॉजिटिव दोनों तरह के गुण जोड़े है विकसित हो जाएंगे, सोशल समाजिक गुण, गिरस्या करना क्रोध सारे, ठीक है। तो फिर की होगा 0 to 6 years तक जोड़ा बच्चा है वह की करूगा, 0 to 6 years तक बच्चा अपने व्ड्या रहना वधिया पसंद करूगा, जोड़े एल्डर्स है एल्डर्स नाल व्ड्या रहना वधिया पसंद करता है। फिर 6 to 12 years तक का जो जवाक है वह की करूगा अपने पीयर ग्रुप हम उम्र नाल रहना जोड़े अपनी उम्र के जवाक है वो रहना पसंद करूगा। तो 12 years तो लैके तो 18 years तक का जो बच्चा है वह की रहूगा वह भी पीयर ग्रुप से रहूगा, पीयर ग्रुप के रहूगा 12 years तो लैके 18 years का। ये की होगा बच्चे बॉयज़ का अट्रैक्शन जोड़ा है वह गर्ल्स नाल होगा, तो गर्ल्स का अट्रैक्शन जोड़ा है वह बॉयज़ नाल होगा 12 years तो लैके 18 years तक अडल्सन स्टेज। ये 6 years तो लैके 12 years तक की जो एज है इन आप गेंग एज बोल देंगे, गेंग एज बच्चा समाजिक तौर तो गेंग एज बच्चा एक किसी गेंग का मैंबर होगा, गेंग का मैंबर होगा,
गेंग का मतलब हो जूगा गेंग मुंडिया मुंडिया की होगी तो कुड़िया कुड़िया की गेंग का मतलब हो जूगा जेडे जवाकों नाल खेडदा उन्हों आप गेंग बोल देंगे ठीक है। तो यह हो जूगा समाजिक विकास बई बच्चे का पहला समाजिक संपर्क वो माँ नाल होगा पहला समाजिक संपर्क की हो कि होगा वो माँ नाल होगा ठीक है अडल्ट नाल होगा ठीक है। तो बस बस बई ठीक है इन्ना बहुत है चलो रजे हुण इन्ना ही करांगे ओके थैंक यू बई तुसी टाइम दिता तो एवें कल एक दिन क्लास परसों है और मैं क्लास लाऊंगा तो उवें ही तुसी हुम हुम आके क्लास लानी है तो पी स्टेट वाला पेपर अपने अगर कुछ नहीं गा रजे पी स्टेट च 120 तो भी ज़्यादा नंबर अपने आएंगे रातों आप मेहनत कर रहे हैं तो रातों मेहनत फल जरूर लगते रजे तो मिलते हैं चलो कल ठीक है ओके ओके रजे थैंक यू सारे का बहुत बहुत धन्यवाद भी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सारे का यस ठीक है रजे मिलते हैं कल है ना ओके होर भी कोई टॉपिक कल की गल सुन लो तुम मेरे कल नूं आपां नैक्सट क्लास जो पैडागो मैं नैक्सट क्लास दे विच मैं पैडागोजी करवाऊंगा नैक्सट जी क्लास होगी उहदे च पैडागोजी करांगे आपां एक तां ठीक है ते बाकी टॉपिक रह गए एक क्लास होर ला देंगे ओके राजे थैंक यू ठीक है राजे ठीक है मिलते हैं कल हाँ ओके भाई।